अच्छा आएगा। सितांशु वीडियो में जाके आप चेक करो, चालू हो गया होगा लेक्चर, ना। मेन नॉर्मल अपने फोन से भी एक बार जाके चेक करो, ऑडियो वीडियो सही आ रहा है क्या। सारे स्टूडेंट्स भी एक बार चेक कर लीजिए। सॉरी फॉर द डिले। हाँ जी, इवनिंग। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है 2023 वाले बैच का, जहाँ पे हम इनकम टैक्स से चालू करेंगे एंड धीरे धीरे करके विद इन 2 मंथ्स हमारा इनकम टैक्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद द लॉजिक्स एंड द डिटेल्स देयर ऑफ। जितने भी प्रोविजंस निकल के आते हैं सब आपको डिटेल में समझाए जाएंगे और सबकी एक्सप्लेनेशन जो भी निकल के आती है वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। कोई भी आपका डाउट निकल के आता है वो भी सॉल्व करा जाएगा। तो वो सारी चीज़ें करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सब्जेक्ट को समझेंगे। बट सब्जेक्ट को चालू करने से पहले, प्रिपरेशन को चालू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। एंड बैच करने के दौरान ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि प्रिपरेशन करने के साथ साथ, अच्छी प्रिपरेशन करने के साथ साथ आप सब्जेक्ट को ये जो 8-9 महीने के बाद आपको एग्जाम्स देने हैं वहाँ तक रिटेन कर पाएँ। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं वो मैं आपको बताऊँगा। पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको सबको ऑडियो वीडियो सही आ रहा है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिसको जो भी बोलना है। ऑडियो वीडियो इज गुड। गुड आफ्टरनून चिन्मय, तनिष, एस सागर, क्षितिज, दानिश, राहुल, गुनीत, हार्दिक, सौरभ, दीपांशु। चलो यहीं पे देख लेता हूँ। अहमद, सौरभ, डाक, चिन्मय, प्रथा, श्रेया, सिद्धार्थ, अमन, निहल, अमय, आमिर, दिवेश, भावेश, साक्षी एंड बाकी सबको भी गुड इवनिंग। चलिए, आई थिंक किसी को कोई भी इशू नहीं आ रहा है। देखिए जी, लेक्चर आपका आज चालू हो रहा है। पहले 2 जो लेक्चर्स होने वाले हैं वो यूट्यूब पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एंड देन हमारी जो क्लास की एप्लीकेशन है वहाँ से आपको लेक्चर्स चालू करने हैं। आज रात तक सारे के सारे स्टूडेंट्स के पास मेल आ जाएगी जिसमें एक्टिवेशन की ट्यूटोरियल वीडियो ये सारी की सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा, एक्टिवेशन कैसे करनी है पता चल जाएगा। फिर भी कहीं पर भी इशू निकल के आता है तो हमारी टेक्निकल टीम जो है वो आपको असिस्टेंस दे देगी एंड एक्टिवेट कर देगी क्लासेस को आपके डिवाइसेस पे। किताबें जो हैं वो आपके पास विद इन अ वीक पहुंच जाएंगी एंड इतने पीरियड हम जो भी पढ़ने वाले हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों? बुक में जो भी चीज़ें मैं आपको मार्क करवाऊंगा ना, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा मटेरियल है, क्लास के मटेरियल में जो भी चीज़ें मैं आपको लिखवाऊंगा वो अलग से रजिस्टर के अंदर लिखवाई जाती हैं। किताब के अंदर लिखने के लिए आपके पास जगह नहीं होने वाली, तो नोटिंग करने के लिए एज इट इज़ आपको रजिस्टर चाहिए ही होगा, जो कि हमारी टीम ने आपको बता दिया होगा कि लेके आइएगा एंड होपफुली आप लेके आए भी होंगे। तो उसमें हम मार्किंग्स करने वाले हैं एंड चैप्टर्स की जो भी PDF निकल के आती है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि जब तक बुक्स नहीं आएँ अगर आप किताबों को रेफ़र करना चाहते हैं तो कर पाएँ। तो किताबों की भी टेंशन मत लीजिएगा। अब आज वाले सेशन को चालू करते हैं और आज वाले सेशन के अंदर मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि सेशन के अंदर आपको चीज़ें मिलेंगी क्या क्या। सबसे पहली चीज़, किसी भी स्टूडेंट की अगर आप मेंटालिटी की बात करेंगे कोई भी सब्जेक्ट चालू करने के टाइम पे, तो वो मल्टीपल स्टडी मटेरियल्स करने लग जाता है थोड़े ही टाइम में। आप क्लासेस चालू करेंगे, मेरे स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में खुश होंगे, थोड़े टाइम बाद आपको कोई ना कोई और टीचर का स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा और आपको लगेगा कि यार ये भी पढ़ के देख लेते हैं। फिर किसी और टीचर का स्टडी मटेरियल मिलेगा, लगेगा कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, ये भी पढ़ के देख लेते हैं। कभी भी ये मत करिएगा। क्यों? टैक्सेशन अकेला सब्जेक्ट नहीं है जो कि आपको पढ़ना है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं एंड एक सब्जेक्ट के अंदर अगर आप एक टीचर का स्टडी मटेरियल प्रॉपरली कर लें वो भी बहुत बड़ी बात निकल के आती है। टाइम की कहीं ना कहीं कमी है तो आपको पहली बार में ही ऐसा टीचर चूज़ करना है, ऐसा स्टडी मटेरियल चूज़ करना है जिस पर आपको भरोसा हो एंड अगर भरोसा है तो उस भरोसे को बनाए रखिएगा। अब मैं आपसे कहीं भी ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि मेरे स्टडी मटेरियल को आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लें कि इसी से पढ़िएगा, इसी अगर स्टडी मटेरियल बेकार है ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला। ICA का स्टडी मटेरियल बहुत शानदार है, लेकिन फिर डाउट निकल के आता है कि अगर इतना ही शानदार है तो मेरा अलग से स्टडी मटेरियल क्यों बनाया गया है, तो उसको समझिएगा। देखिए, इनकम टैक्स और GST की अगर आप बात करेंगे ना, तो ICA का स्टडी मैट रफली 2000 पेजेस के आसपास का निकल के आता है एट CA इंटरमीडिएट लेवल। अब 2000 पेजेस पढ़ने इतने मुश्किल नहीं है, लर्न करने भी कंपैरेटिवली मुश्किल नहीं है, लेकिन पेपर से पहले 1.5 दिन की छुट्टी जो आपको मिलने वाली है उसमें रिवाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एंड उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, वही प्रॉब्लम खत्म करने के लिए मेरी क्लास का स्टडी मटेरियल डिज़ाइन करा गया है। जहाँ पे है क्या स्टडी मटेरियल को समझिए एक बार। देखिए, ये आपका क्लास का स्टडी मैट है जहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें ना एग्जैक्टली वही वर्डिंग में मिलेंगी जो कि ICA ने यूज़ कर रखी है। ना ही मैंने वर्डिंग्स को चेंज करा है, ना ही मैंने कोई भी कॉन्टेंट को काटा है कि ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाओ ही मत। नहीं, वो चीज़ मैंने कहीं पर भी नहीं कर रखी। सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, जितनी भी चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट हैं। तो फिर मेरा जो स्टडी मटेरियल है
वो आईसीए का स्टडी मैट आपका 2000 पेजेस का निकल के आ रहा है, मेरा स्टडी मैट इनकम टैक्स जीएसटी दोनों मिला के देखेंगे तो रफली 400 पेजेस में खत्म हो जाता है। इतना स्टार्क डिफरेंस कहाँ से निकल के आ रहा है, क्या काटा है मैंने, उसको समझिए। और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप 2 महीने के बाद दोबारा कोई ना कोई स्टडी मैट ढूंढने लग जाएंगे और उसको पढ़ने लग जाएंगे। आपको पूरे टाइम इसी से पढ़ने के लिए जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए इसके अंदर, वो मैं आपको दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समझिए, ये जो स्टडी मैट है इसमें बेसिकली करा क्या गया है, मैंने जितने भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं आईसीए के स्टडी मैट से सारे के सारे हटा दिए हैं। क्यों, प्रैक्टिस नहीं करने? बिल्कुल करने हैं। लेकिन मैं जब स्टूडेंट स्टेज पर था ना, मुझे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती थी, मैं टीचर्स का स्टडी मैट करता था, उसी में क्वेश्चंस होते भी थे आईसीए वाले ही, लेकिन वो करने के बाद भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि आईसीए का स्टडी मैट पूरा हमने कवर कर लिया है। सो व्हाट आई यूज टू डू इज, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करता था टीचर के साथ और उसके बाद आईसीए का स्टडी मैट खोल के खुद एक एक क्वेश्चन को क्रॉस चेक करता था कि ये कवर हो गया या नहीं हो गया। एंड ये जो एक्सरसाइज है ना, बहुत टाइम लेती है। मैं नहीं चाहता कि आपका ये वाला टाइम वेस्ट हो। आपको आईसीए के स्टडी मैट के क्वेश्चंस करने हैं तो सीधा वहीं से करिए ना, वहीं पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको जो भी क्लास के अंदर पढ़ाया जा रहा है मेरे स्टडी मैट में, वो आईसीए की बुक के अंदर कवर होता है। आईसीए के क्वेश्चंस करेंगे, पहला कॉन्फिडेंस ये आएगा कि सारे के सारे उनके क्वेश्चंस कर लिए, दूसरा कॉन्फिडेंस ये आएगा कि उनके क्वेश्चंस में आंसर्स में जो लैंग्वेज यूज़ करी गई है वो हमारे वाले स्टडी मैट की ही है। सो बेसिकली दैट इज गोइंग टू गिव यू द कॉन्फिडेंस कि मैंने स्टडी मैट को चेंज नहीं करा है, लैंग्वेज को चेंज नहीं करा है। तो ये दो फायदे हो जाते हैं। तो पहली चीज़, क्वेश्चंस को यहाँ से हटा दिया गया है एंड कुछ चीज़ें अननेसेसरली आईसीए के स्टडी मैट में रिपीट करके दे रखी है, तो ये जो रिडंडेंसी निकल के आती है उसको खत्म करने के लिए इस स्टडी मैट में एक ही चीज़ आपको 6-6 बार अलग अलग जगह पे देखने को नहीं मिलेगी। एक चीज़ अगर आपको बताई जा रही है एक जगह पे बताई जाएगी और 6 बार उसको स्टडी मैट में डाल के अननेसेसरली स्टडी मैट बड़ा नहीं करा जाएगा। रिजल्ट क्या निकल के आता है, चार्ट्स को यूज़ करके, बढ़िया प्रेजेंटेशन को यूज़ करके, क्वेश्चंस को हटा के, छोटा सा 400 पेजेस का स्टडी मैट निकल के आता है एंड ट्रस्ट मी, आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा कि पेपर से 1-1.5 दिन पहले जब आपको देखेगा कि सब 400 पेजेस का मॉड्यूल आपको रिवाइज करना है, पूरा सिलेबस 100% रिवाइज हो जाएगा। बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कंपेयर टू द सिचुएशन जहां पे आपको 2000 पेजेस दिख रहे हैं, कंटेंट दोनों में सेम है, लेकिन ये ना मेंटली आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक करेगा सारी चीज़ें पढ़ने से और कॉन्फिडेंस आने से आपको रोकेगा ये। तो ये हो गई पहली चीज़ कि स्टडी मटेरियल में आप अलाइंड होने चाहिए मेरे साथ कि हम कौन से वाले स्टडी मटेरियल से पढ़ने वाले हैं, कहां से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए। सौरभ कह रहे हैं हाउ मेनी ऑफ सर्स क्लाइंट्स आर हेयर, मेरे क्लाइंट्स यहाँ पे क्यों होंगे? क्लाइंट्स कंसल्टेंसी लेते हैं, अगर उनको पढ़ना ही होता तो वो खुद ही नहीं पढ़ लेते। किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, आएंगे उस पर भी। लीव्स आर्ट वर्ल्ड ने एक क्वेश्चन पूछा है, ऐसी चीज़ों को भी कवर करेंगे लेकिन सेशन के एंड में करेंगे। हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन लेक्चर, ना जी सर, चलिए कोई डाउट्स नहीं है, परफेक्ट। आगे बढ़िए, दूसरी चीज़ की बात करिए, बैच के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि अगर मैं आपको नहीं बताऊँगा ना आपके दिमाग में आते रहेंगी और आपको पढ़ने से रोकेंगी। तो पहले इन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत जल्दी सेशन को भी चालू करेंगे, पढ़ना चालू करेंगे इनकम टैक्स को। देखिए, दूसरी चीज़ जो आपको बैच के अंदर देखने को मिलेगी वो ये होने वाली है दैट पहली अप्रोच मेरी ये हो सकती है पढ़ाने की कि मैं आपको चीज़ें दिखाऊं एंड वो सीधा मैं आपको बता दूं कि प्रोविजन ऐसा ऐसा है, वो कहता है इस इंसान को इतना टैक्स पे करना होगा, इस इंसान को इतना टैक्स पे करना होगा। उसमें मैं आपको प्रोविजन कम्युनिकेट कर लूँगा, आप रट लेंगे, पेपर शायद पास भी कर जाएंगे, लेकिन ना ही कभी भी समझ आएगा, ना ही किसी भी इंसान को कंसल्टेंसी दे पाएंगे। बिकॉज प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चीज़ें बता पाने के लिए आपको समझ भी आनी चाहिए एंड देन सामने वाले इंसान को सेटिस्फाई भी करना आना चाहिए कि जो भी प्रोविजन आप बता रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक आपको पता है। तो लॉजिक से ना दो फायदे आपको हमेशा होंगे, पहली चीज़ प्रोविजन लर्न करने में आपको कुछ ना कुछ हेल्प होने वाली है एंड सीए बनने के बाद कल को जब भी चेंजेस आते हैं तो उन चेंजेस को समझने के लिए ये जो आपने लॉजिक्स अभी समझे होंगे ना वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो हमारी अप्रोच यही रहने वाली है पूरे के पूरे सब्जेक्ट में कि एक एक प्रोविजन जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ ये नहीं बताया जाएगा कि प्रोविजन बोलता क्या है, ये भी बताया जाएगा कि प्रोविजन ऐसा जो बोलता है ये क्यों बोलता है, अगर ये नहीं बोला जाता तो क्या दिक्कत हो जाती, कौन सी टैक्स एविजन टेक्निक यूज़ करी जा रही थी मार्केट के अंदर जिसको रोकने के लिए प्रोविजन लाया गया। और जब इस तरीके से पढ़ेंगे ना तब मज़ा आएगा सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो ये चीज़ हम करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच प्रोविजन और जितना डिटेल में केस स्टडीज़ के थ्रू मैं आपको चीज़ें समझा सकता हूँ मैं आपको समझाऊंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट यू शुड बी द वन जो कि ओपन होने चाहिए ये सारी चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है जी। तीसरी चीज़ जो कि आपको बैच में देखने को मिलेगी, एक्सटेंसिव ABC एनालिसिस करवाया जाएगा सारे के सारे टॉपिक्स का जो भी आपके सिलेबस का पार्ट है। कैसे करवाया जाएगा एनालिसिस उसको समझिए, आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स निकल के आते हैं ना पढ़ाए तो सारे जाएंगे, डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, बट लर्न करने की जब बारी आती है ना तब क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं टाइम की कमी निकल के आती है, सब कुछ लर्न करने में कभी कभी डिफिकल्टी आने लग जाती है, तो एक कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट आ जाती है कि अगर पता चल जाए कि सारे टॉपिक्स में ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये वाले कम इंपॉर्टेंट है, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन पर ज़्यादा टाइम लगा के अच्छे से उनको लर्न करा जा सकता है एंड जो कम इंपॉर्टेंट हैं अगर टाइम की कमी निकल के आती है तो उनको कम पढ़ के टाइम थोड़ा बचाया जा सकता है और वो एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बार हम क्या करने वाले हैं,
आपका चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, इनफैक्ट सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जो भी आपके चैप्टर्स निकल के आते हैं उनमें मैं आपको एनालिसिस करवा दूंगा टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज नहीं कि ये वाला चैप्टर इतने मार्क का पूछा जाता है, ये वाला चैप्टर इतने मार्क का पूछा जाता है, वो बेकार एनालिसिस होता है। मैं आपको बताऊंगा टॉपिक वाइज कि ये वाला टॉपिक ये वाली अटेम्प्ट में इतनी बार पूछा गया था, इतने मार्क्स के लिए पूछा गया था। एंड ये एनालिसिस करने के बाद ना आपको पता चल जाएगा कौन सा वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है। एंड ये एनालिसिस करके लर्न करना पेपर के लिए आप चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम के स्टूडेंट्स नहीं हैं, मान के चलिए आप कोई भी प्रोफेशनल हैं, लॉयर हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई भी टैक्स ऑफिसर है जिन्होंने वाली क्लासेस नॉलेज के पर्पसेस के लिए ली है, तो ये भी इस एनालिसिस आपके लिए किसी भी काम का नहीं होने वाला, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। कंसल्टेंसी वाले वर्ल्ड के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ भी कम इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ये स्टूडेंट्स के लिए है। नेक्स्ट चीज़, सब्जेक्ट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना मैं काफ़ी जगहों पे आपको प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में जो मुझे टैक्स रिविजन की केस स्टडीज़ देखने को मिलती हैं, मेरे प्रैक्टिकल केसेस निकल के आते हैं अलग अलग क्लाइंट्स के, उनको मैं बीच में आपको ऑफकोर्स कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स जो भी निकल के आती हैं उनको छुपा के आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो टैक्स रिविजन के बारे में आपको बता भी देंगी, और ये टैक्स रिविजन वाली चीज़ें करने से कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या निकल के आ जाते हैं उसके बारे में भी आपको बता देंगी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको कल को कभी भी किसी भी इंसान को कंसल्टेंसी देनी होगी और मान के चलिए वो कहीं से सुन के आए यही वाली रिविजन टेक्निक्स के बारे में और आपको बोलता है कि क्या ऐसा करा जा सकता है, तो आपके पास एक प्रॉपर रिप्लाई होगा, आपको पता होगा ये वाले केसेस में होता क्या है, ये वाली चीज़ें करी कैसे जाती हैं एंड क्यों नहीं करी जानी चाहिए, दोनों चीज़ों के बारे में पता होगा। एंड प्रैक्टिकली भी ये जो हमारे सब्जेक्ट के प्रोविजन निकल के आते हैं ना उनको समझने में आपको हेल्प करेगा। चलिए एक बार मैं डाउट्स को देखता हूँ देन आगे बढ़ते हैं। अच्छा कोई भी प्लीज स्पैमिंग मत करिएगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो हट जाता है कमेंट। सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो ऑनलाइन होंगे, लाइव स्ट्रीम होने वाले हैं, लेकिन अगर आपने गूगल ड्राइव पेन ड्राइव मोड ले रखा है तो आप रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं, उस केस में आपको लाइव आने की ज़रूरत नहीं है। डेली का लाइव का टाइम हमारा यही होने वाला है 4 से 7 बजे। कोई क्लास अगर नहीं होगी या फिर ऐसा कुछ होगा तो ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा आपको मैसेज, आपके नंबर्स जो हैं वो मेरे फ़ोन के अंदर सेव्ड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे कोई क्वेश्चंस नहीं दिख रहे। ओके, टैक्स एविजन टेक्निक्स के बारे में हमने बात कर ली, अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की जो कि अगेन आपको बैच के अंदर देखने को मिलेगी। हम एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करने वाले हैं, किसकी, भर भर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, चाहे वो आईसीआई के स्टडी मैट से हो, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, कितनी भी रिसोर्सेज क्यों ना निकल के आए आईसीआई की, आप जितनी बोलेंगे मैं उतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा। और ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब भी करने की बारी आएगी ना आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, बिकॉज थ्योरेटिकली जो भी प्रोविजंस निकल के आते हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करा जाता है वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखे होंगे, तो पहले उनको पढ़ेंगे देन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड कहीं पे भी कोई भी डाउट निकल के आता है लाइव पूछिए, लाइव नहीं पूछ पाते हैं तो व्हाट्सएप पे पूछिए, इस तरीके से आपके सारे के सारे डाउट्स भी रिजॉल्व हो जाएंगे। ओके अच्छा एक और चीज़ मैंने इस वाले बैच के साथ चालू करी है जिसके अंदर हम करेंगे क्या, मैंने आज आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई है ना मैं कल वाले बैच के अंदर, कल जो हमारी लाइव क्लास होने वाली है 4 बजे, उसके पहले 10-15 मिनट लगा के मैं उसके MCQs आपसे पूछने वाला हूँ। डिफिकल्ट MCQs होने वाले हैं, बचकाने MCQs नहीं होंगे, मैं खुद ही ड्राफ्ट करूँगा एंड वो MCQs सॉल्व करके आपको आइडिया लग जाएगा दैट पिछले दिन आपने जो भी पढ़ा है अच्छे से आपने रिवाइज करा, लर्न करा या नहीं करा। अगर क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ढंग से, और अगर आंसर नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा रियलिटी चेक मिल जाएगा कि अच्छी रिविजन की रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है, अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। पर ऐसे MCQs कर करके ना 600-700 MCQs तो हम क्लास के अंदर ही कर जाएंगे। उसके बाद ICA की जो MCQ केस स्टडी की जो बुकलेट निकल के आती है, RTPs, MTPs वगैरह वगैरह जो भी रिसोर्सेज होती हैं उनमें भी 300-400 MCQs आपको मिल जाएंगे, और इस तरीके से इजीली 1000 के आसपास MCQs आप कर जाएंगे पूरे के पूरे कोर्स में। ये आपको MCQs के थ्रू फायदा होने वाला है। नेक्स्ट अच्छा एक और चीज़ होने वाली है, हम जो भी चैप्टर कंप्लीट करते हैं ना, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा इनकम टैक्स का, कंप्लीट करते ही मैं रिविजनरी वीडियो, रिविजनरी ऑडियो दोनों की दोनों डाल दूंगा ये वाले चैप्टर की। अब मान के चलिए 3 घंटे हमें लगे पहला वाला चैप्टर कंप्लीट करने में, तो इसकी रिविजनरी वीडियो कितने टाइम की निकल के आएगी, मुश्किल से 10 से 15 मिनट की निकल के आएगी। यूज़ कैसे करनी है, अब आपने यहाँ पे क्लास को चालू करा है, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर आप छोड़ देंगे सब्जेक्ट को, 3 महीने में क्लास कंप्लीट हो गई और उसके बाद आपने छोड़ दिया, 6 महीने के बाद जाके कि अब टैक्सेशन में क्या पढ़ा था रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ, कुछ भी याद नहीं आएगा, भूल चुके होंगे चाहे आपने अभी कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ली हो। तो रिक्वायरमेंट क्या निकल के आती है, रिक्वायरमेंट छोटी सी ये निकल के आती है कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आप पढ़ने के साथ साथ इसको रिवाइज करते रहिए। कैसे रिवाइज करना है, बैच आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाता है ना याद रखिएगा महीने के बाद आप चीज़ें भूलने लग जाएंगे, तो हर महीने आपको क्या करना है, आप कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना पढ़ रहे हो आपको रिविजनरी वीडियोज़ जो भी प्रोवाइड करी गई हैं वो आपको एक बार देख लेनी है हर महीने 1.5 महीने के अंदर। अगर देख लेंगे ना इसी सारे चैप्टर्स की, देखने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा एंड पूरा सब्जेक्ट जल्दी से गो थ्रू हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं, अच्छे से रिटेन कर पाएंगे ज़्यादा टाइम तक।
एंड मान के चलिए वीडियोस देखने की आपके पास जगह नहीं है, मेट्रो से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बस से ट्रैवल कर रहे हैं, ऑडियो सुनना चाहते हैं, तो वही वाली रिविजनरी वीडियो की ऑडियो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी एंड ऑडियो को अलग से आप सुन सकते हैं किसी भी डिवाइस में लगा के। अच्छा, रिविजनरी वीडियोज़ पे ऑडियोज़ पे कोई भी काउंट लिमिट नहीं होती कि दो बार देख सकते हैं, पाँच बार देख सकते हैं, जितनी बार आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। चलिए अगली चीज़ पे आते हैं। अच्छा, ये एक हमारी स्कीम है जिसके अंदर हम करते क्या हैं, अब आपके बैच के अंदर कोई भी स्टूडेंट्स हैं मान के चलिए May 23 के, और आप चाहते हैं कि आपको कोई ना कोई स्टडी बडी चाहिए क्योंकि आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कोई और इंसान आपको पता ही नहीं है जो किसी ये कोर्स में है और आपके जैसा एग्ज़ाम दे रहा है, तो कुछ ना ऐसी क्वेरीज निकल के आती हैं, एग्ज़ाम फॉर्म कब निकल रहा है, कैसे फाइल करना है, ICA के साथ कॉरस्पॉन्डेंस कैसे करनी है, वगैरह वगैरह, जिसमें मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आज के टाइम पर क्या प्रोसीजर्स चल रहे हैं वो मुझे भी नहीं पता होगा। तो ऐसी चीज़ों में आपकी हेल्प करने के लिए मैंने क्या कर रखा है, ये वाली हमने एक स्कीम बना रखी है। आप हमें अपने ऑफिशियल रजिस्टर्ड नंबर जो भी निकल के आता है उसे मैसेज करेंगे कि इस स्कीम में आपको जाना है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम आपको आपकी अटेम्प्ट के लिए ही कोई भी स्टूडेंट जो भी निकल के आता है जिन्होंने हमारी टैक्सेशन की क्लासेस ले रखी है उनका नंबर दे देंगे जिन्होंने भी ये वाली स्कीम के लिए ऑप्ट करा होगा, एंड आप दोनों के मिलने से होगा क्या, आप दोनों सेम अटेम्प्ट के होने वाले हैं, प्रिपरेशन सिमिलर लेवल की आपकी चलने वाली है। तो वो प्रिपरेशन क्योंकि आपके सिमिलर लेवल की चलने वाली है, आपके कोई भी डाउट्स अगर निकल के आते हैं एक दूसरे से भी आप पूछ पाएंगे। टैक्सेशन के डाउट्स निकल के आते हैं वो तो मुझसे ही पूछिए, लेकिन उसके अलावा कोई भी डाउट्स निकल के आते हैं ICA से रिलेटेड या फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड तो एक दूसरे से पूछ के भी आप रिजॉल्व करवा पाएंगे। अभी तक किसी के कोई भी डाउट्स है तो बताइए। मैं समझा दूंगा प्रियांश, आप 1/4 रिविजन रूल की जो बात कर रहे हैं मैं पूरा का पूरा समझा दूंगा, लेकिन वो हम कल समझेंगे। जी गुनीत, रिविजनरी वीडियोस जो भी निकल के आती हैं उनके व्यूज अनलिमिटेड होने वाले हैं, लिमिटेड नहीं होते हैं। करेक्ट डॉक, 30% जो भी आपके टैक्सेशन पेपर में सिलेबस निकल के आता है वो MCQs का होने वाला है। स्टडी बडी स्कीम कैसे ऑप्ट कर सकते हैं, आपका जो भी ऑफिशियल रजिस्टर्ड नंबर है उसे हमारी टीम के नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा 8929737672 पे, आप रजिस्टर हो जाएंगे एंड आपको नंबर दे दिया जाएगा। RTP MTP भी होंगे? बिल्कुल होंगे। सागर, पहला और दूसरा दोनों के दोनों लेक्चर्स यहाँ पे होने वाले हैं YouTube पे, बाकी आपके ऐप पे होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जितने भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस निकल के आते हैं ना, काफ़ी बार उनमें होता क्या है, सिर्फ लॉजिक को समझना काफ़ी नहीं होता, उनको लर्न करने के लिए ना कभी कभी टेक्निक्स चाहिए होती हैं, एंड टेक्निक्स का भी अलग ही फंडा है। कभी आपको मेमोरी टेक्निक चाहिए होगी, जैसे कि आपको पिक्चर मेमोरी बनानी होगी, कभी आपको नेमोनिक बनाना होगा, कभी कोई और तरीके से चीज़ों को लर्न करना होगा, तो कहाँ पे कौन सी वाली टेक्निक आपको यूज़ करनी है वो भी मैं ही बताने वाला हूँ, एंड टेक्निक्स काफ़ी जगहों पे आपको दे दी जाएंगी, उनको यूज़ करके भी चीज़ें लर्न करने में आपकी आसानी हो जाएगी उन प्रोविजंस के रिस्पेक्ट में जो लॉजिक से लर्न नहीं होते बट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। बैच वीडियो व्यू टाइम, दो व्यूज़ मिलने वाले हैं आपको सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स के लिए, एंड टाइम होने वाला है 4 से 7 बजे फॉर द लाइव स्टूडेंट्स। अगर आपने गूगल ड्राइव पेन ड्राइव ले रखी है तो कभी भी देख सकते हैं। चलिए अगली चीज़ पे आते हैं। देखिए हर क्वेश्चन को करने के टाइम पे ना काफ़ी बार अलग अलग चैप्टर्स में फॉर्मेट निकल के आते हैं। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर में मैं आपको अलग फॉर्मेट बताऊंगा, जो फॉर्मेट यूज़ करके आप इंश्योर कर सकते हैं दैट 90% गलतियां जो भी करते हैं स्टूडेंट्स वो वाले चैप्टर के अंदर वो आप नहीं करें। छोटा सा फॉर्मेट निकल के आता है गलतियां करने से आपको रोकेगा। PGBP चैप्टर के अंदर अलग फॉर्मेट निकल के आता है, टोटल इनकम वाले चैप्टर में अलग निकल के आता है, डिडक्शंस में अलग निकल के आता है। छोटे छोटे फॉर्मेट्स हैं जो रूटीन में मिस्टेक्स निकल के आती है ना वो करने से आपको रोकेंगे। अब ये क्या फॉर्मेट्स निकल के आते हैं सारे के सारे मैं ही आपको बताऊंगा। कब बताऊंगा? क्वेश्चंस करने के टाइम पर बताऊंगा, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बता दूंगा कौन से फॉर्मेट्स हैं और कौन से चैप्टर के लिए क्या आपको फॉलो करना है। अब डेली MCQ टेस्ट तो आपके होने ही वाले हैं, उसके साथ क्या पूरे सिलेबस का टेस्ट भी होने वाला है जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी हो? बिल्कुल होने वाला है। 100 मार्कर का मॉक टेस्ट रखवाया जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके सब कुछ पढ़िए समझिए लर्न करिए, एंड देन जैसे एग्जाम में आप बैठ के 3 घंटे में बैठ के पूरा का पूरा पेपर करते हैं वैसे ही यहाँ पे करिएगा। मैंने पेपर बनाया होगा, चेक भी मैं ही करूँगा पर्सनली, तो इससे आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कहाँ कहाँ पे चीज़ें सही कर रहे हैं, प्रिपरेशन कैसी चल रही है, एंड अगर आपकी कहीं पे भी चीज़ों को बेटर करने की रिक्वायरमेंट निकल के आती है तो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन आपको बेटर करनी है, यहाँ पे आपको प्रोविजन ढंग से लिख के आने वगैरह वगैरह। कुछ छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं जो खुद को नहीं पता चलती, मैं बता दूंगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अगली चीज़, एक चीज़ जो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ वो ये निकल के आती है कि आपका कोई भी डाउट क्यों ना निकल के आ जाए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, मैं क्लैरिफाई करूँगा। आपको मुझसे कभी भी सुनने को नहीं मिलेगा कि ये कैसा डाउट है, ये कौन पूछता है, खुद से रिसर्च करके आया करो, कभी भी नहीं। कैसा भी डाउट क्यों ना हो कभी सोचने की जरूरत नहीं, मुझे भेजने से पहले हमेशा भेज दीजिए, मैं आंसर हमेशा करूँगा। हाँ टाइम लग सकता है मुझे आंसर करने में, मैं ये आपको एश्योरेंस नहीं दे सकता कि मैं
विद इन 5 मिनट्स कर दूंगा रिप्लाई, विद इन एन आवर रिप्लाई कर दूंगा। मेरी कंसल्टेंसी क्लासेस, इतनी सारी चीज़ों को हैंडल करना, फिर क्वेरीज को हैंडल करना, उसमें टाइम लग जाता है। तो टाइम लग सकता है आपके रिप्लाईज आने में, लेकिन रिप्लाईज आएंगी उसकी 100% गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। देर इज़ नॉट गोइंग टू बी इवन अ सिंगल डाउट जो आप कह सकें कि ये आंसर्ड ही नहीं हुआ, मतलब ये आंसर ही नहीं करा गया, अनआंसर्ड रह गया, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। इतनी एश्योरेंस आपको मेरी साइड से मिल जाती है, आज की आज मिल जाती है। तो आपको मेरा नंबर भी दिया जाएगा, पर्सनल नंबर। कोई भी सब्जेक्ट की क्वेरीज निकल के आती है, या तो लाइव पूछिए सेशन के अंदर, और लाइव नहीं पूछ पाते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करके ही रहूँगा, मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। नेक्स्ट चीज़, अब आपको ना प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ जो भी निकल के आती हैं, जैसे आपने यूट्यूब पे देखा भी होगा, अलग अलग प्रोविजन को समझाने के लिए मैं अलग अलग केस स्टडीज़ बनाता हूँ, एंड वो केस स्टडीज़ जो भी निकल के आती हैं वो प्रोविजन को प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझा जाती हैं कि प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल्स में ये चीज़ आपको नहीं मिलने वाली कभी भी, लेकिन ये जो चीज़ें होने वाली हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड ही मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड क्योंकि सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें आपको इस तरीके से दिखाई जाएंगी, आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ सकती हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ भी करके चलेंगे, एंड आपके दिमाग में भी कोई केस सिनेरियोज़ निकल के आते हैं, टैक्स इवेजन टेक्निक्स निकल के आती हैं, मेरे साथ आप ओपन डिस्कशन कर सकते हैं, एंड उसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ क्या होता है, कैसे होता है, वगैरह वगैरह। तो अच्छा एंगेजिंग सेक्शन रखेंगे। नेक्स्ट चीज़ देखिए, आपकी अभी अटेम्प्ट निकल के आती है, मान के चलिए May 23 के अंदर आपने ये वाला बैच लिया, November 23 की निकल के आती है ये वाला लिया, May 24 की निकल के आती है आपने ये वाला लिया। कोई भी अटेम्प्ट क्यों ना निकल के आती हो, आपकी अटेम्प्ट तक जो भी अमेंडमेंट्स आती हैं, अगर आती हैं तो वो सारी सारी यहीं पे कवर करवाई जाएंगी। कुछ के दिमाग में ये भी डाउट होगा कि नया कोर्स आने वाला है, वॉट इफ़ उसके अंदर टैक्सेशन चेंज हो जाती है। वैसे चेंज होने नहीं वाली, लेकिन अगर चेंज होती भी है, जितनी भी चेंज होती है, पूरी की पूरी आपको पढ़ाई जाएगी, मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, तो उसके बारे में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड अमेंडमेंट के जो भी लेक्चर्स होते हैं उसके लिए कभी चार्ज नहीं करा जाता, तो उसके बारे में भी मत सोचिएगा। बस इसके साथ जितनी भी मुझे आपको बैच की चीज़ें बतानी थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इनकम टैक्स को पढ़ना चालू करने वाले हैं। किसी का कोई भी डाउट निकल के आता है तो पूछिए, पहले मैं एक बार उसको एंटरटेन कर देता हूँ, देन पढ़ाई चालू करेंगे। मैं डाउट्स को देख रहा हूँ, एक बार डाउट्स आपके जो भी निकल के आते हैं पूछिए, देन हम फाइनली चालू करने वाले हैं इनकम टैक्स वाली जर्नी को, एंड धीरे धीरे आगे बढ़ के GST पे भी जाएंगे। एंड दोनों में देखिएगा आपको कितने ज़्यादा मज़े आते हैं। टैक्सेशन से शानदार सब्जेक्ट कोई भी नहीं है अगर आप चीज़ों को समझने लग जाते हैं तो, रटने की कोशिश करेंगे तो इससे खतरनाक कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं, हम समझेंगे सारी की सारी चीज़ों को। सर आई डेंट गेट माई क्रेडेंशियल्स, आप शायद एक्टिवेशन मेल की बात कर रहे होंगे, आपके पास आज शाम तक आ जाएगी। वॉट अबाउट चैप्टर वाइज टेस्ट? आशीष, चैप्टर वाइज टेस्ट आपके अलग से कुछ नहीं होने वाले, मैं डेली आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसके MCQs मैं आपसे पूछने ही वाला हूँ, उनको आप चैप्टर वाइज MCQs मान सकते हैं। एंड इसका आपको एक गूगल ड्राइव या फिर कोई ना कोई शीट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ पे जितने भी MCQs मैंने आपसे डेली पूछे होंगे उनकी एक फाइल बना दी जाएगी। तो अगर आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं उनको तो आप देख पाएंगे। जी भावेश, ऐसे कि जितने भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं सारे के सारे क्लास में आपको करवाए जाएंगे। कुछ हो सकते हैं जो कि रिपीटेटिव हो और वो मैं आपको होमवर्क की तरह दे दूं, लेकिन कोई भी नया क्वेश्चन निकल के आता है तो मैं ही आपको करवाऊंगा। क्रिश, आपको ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है तो आप एक बार टीम को मैसेज कर दीजिएगा, वो आपको देख के असिस्ट कर देंगे। हाउ कैन वी लर्न सेक्शन नंबर्स? सेक्शन नंबर्स ना आपको वैसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कौन से वाले बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करने ही चाहिए, कौन से वाले कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट हैं, छोड़ेंगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तीन महीने चलेगा बैच इनकम टैक्स GST। इनकम टैक्स आपका रफली 2 महीने में हो जाएगा, GST आपका 1 महीने में हो जाएगा। सो वी विल गेट रिकॉर्डिंग्स बैकअप ऑफ द लाइव क्लासेस टू? जी, जितनी भी क्लासेस होंगी हर क्लास का आपको लाइव बैकअप मिलने वाला है, आप इनकी रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं अगर लाइव मिस हो जाती है तो। बट अगर आपने लाइव ले रखी है तो आई वुड रिकमेंड कि आप लाइव ही देखिएगा, रिकॉर्डिंग्स के पीछे मत जाइएगा, अनलेस ऑफकोर्स आपकी ये नेसेसरी हो जाए, आपको छोड़नी पड़ेगी किसी रीज़न की वजह से तो। हिंदी मीडियम वाले आपके साथ पढ़ सकते हैं क्या? देखिए हिंदी मीडियम में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका एग्जाम अगर इंग्लिश में होने वाला है, किताबें सारी इंग्लिश में होने वाली हैं, तो थोड़ी आपकी इंग्लिश की जो कमांड है ना वो अगर अच्छी होगी तो आपको पेपर्स में हेल्प होने वाली है। और मेरी किताबें जो हैं वो पूरी की पूरी इंग्लिश में है, तो थोड़ा आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए
चालू करें। सेशन को एंगेजिंग रखना है, ठीक है। मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ अच्छे से आंसर करिएगा, एंड आपके आंसर्स के बेसिस पे और क्वेश्चंस मैं पूछने वाला हूँ। जितना अच्छे से आप आंसर करेंगे, जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे, मान के चलिएगा उतना ही अच्छे से आप चीज़ों को सीखेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं रहने देता हूँ, बाकी सारे बच्चे रिप्लाई करते रहें, तो आप नहीं सीखने वाले, आप उस प्रोसेस के अंदर ना इन्वॉल्व नहीं होने वाले। तो जो भी चीज़ें मैं पूछूंगा उसका रिप्लाई अच्छे से करिएगा। चालू करते हैं इनकम टैक्स को। सर फाउंडेशन के लिए कुछ टिप्स बता दो उसके लिए मैं अलग से कोई वीडियो बना दूंगा। आज इनकम टैक्स को पढ़ लेते हैं। चलिए जी, संडे को ऑफ रहेगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। सीए वालों के लिए कोई संडे नहीं होता, कोई मंडे नहीं होता। मंडे टू संडे क्लासेस होने वाली हैं। हॉलीडेज़ कब होंगी? पब्लिक हॉलीडेज़ पे हो सकती हैं, या फिर वैसे आप कभी रिक्वेस्ट करेंगे तो रख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्रस्ट मी, आपको इतना मज़ा आएगा, आप संडे को छुट्टी मांगेंगे नहीं। तो देखते हैं लॉ की लैंग्वेज को कैसे समझे टैक्सेशन में, वही तो आर्ट है और वही तो देखने वाले हैं पूरे के पूरे बैच में। समझेंगे धीरे धीरे करके कैसे इंटरप्रिटेशन करी जाती है, कौन से वर्ड में कैसे प्ले करा जाता है, लोग प्लानिंग कैसे करते हैं टैक्सेशन लूप होल्स को यूज़ करके, सारी चीज़ें हम देखेंगे। लाइव चैट ऑफ कर दीजिए, बस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चालू करते हैं सेशन को। इनकम टैक्स आज हमारा चालू होने वाला है, जिसके लिए आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 देखने को मिल रहा है। किताबें मैंने आपको बताया था आपके पास बहुत जल्दी पहुँच जाएंगी, एंड इसकी पीडीएफ जो है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 की, वो आपके पास रात तक आ जाएगी। अभी आपके पास कोई बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बुक आपके पास नहीं होनी चाहिए, बस स्क्रीन को देखिएगा एंड चीज़ों को समझिएगा। पहले चैप्टर के अंदर क्या करना है, ओवरव्यू लेना है इनकम टैक्स लॉ का। क्वेश्चन पूछूंगा, रिप्लाई करिएगा, स्पैमिंग मत करिएगा, एक ही मैसेज को 6 बार मत भेजिएगा, बस एक बार भेज के छोड़ दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये निकल के आता है कि टैक्सेस जो भी हम सरकार को देते हैं, ये तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंडेटरी होते हैं, आपको पता भी होगा। यानी कि ऑप्शन नहीं है कि मुझे देने हैं तो मैं दूँ, नहीं देने हैं तो नहीं दूँ। देने हैं तो देने ही पड़ेंगे, अगर लाइबिलिटी निकल के आती है तो उस केस में मुझे देने ही पड़ेंगे। अब मैं जो भी टैक्सेस सरकार को देता हूँ उसका यूज़ कैसे करा जाता है, सरकार करती क्या है मेरे पैसे का, मतलब मेरे आपके सबके ही टैक्सेस का सरकार करती क्या है। कोई अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं करेगा सरकार के खिलाफ, सबको बारी बारी मौका मिलेगा, ढंग से आंसर करिएगा। कुछ जगह बताइए मुझे जहां पे सरकार आपके पैसे को यूज करती होगी विद रिस्पेक्ट टू द टैक्सेस जो भी वो कलेक्ट करती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा, गूगल ड्राइव वाले को डाउट सॉल्व, आपने किसी भी तरीके से क्लासेस ली हो आपके डाउट सॉल्व होने वाले हैं। पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, आई वॉज वॉन्टिंग कि आप कुछ एक्सपेंडिचर्स बताएं, कैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, डिफेंस, गुड गुड एग्जाम्पल, रोड रोड बनाना बहुत बड़ी एग्जाम्पल, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, स्कूल्स आ जाते हैं। अब देखिए इसमें छोटी सी डिस्कशन क्या निकल के आती है, अगर सरकार ये वाले खर्चे नहीं करेगी ना तो कौन करेगा। अब मेरे घर के सामने रोड बनानी है, मान के चलिए मुझसे आके लोग कहते हैं कि आपके घर के सामने रोड बनानी है, आपको 2 लाख रुपये देने होंगे। मैं कहूँगा यार शर्मा जी भी वही वाली रोड को यूज़ कर रहे हैं, कभी कभी मोदी जी भी सामने से निकल जाते हैं, वो भी रोड को यूज़ कर रहे हैं, सबसे इकट्ठा करो, अकेले मुझसे 2 लाख रुपये क्यों मांग रहे हो। और यही डिस्कशन हर चीज़ में होने वाली है, पुलिस को फंड करने की बारी आएगी, मैं दोबारा ये डिस्कशन करूंगा, आर्मी को फंड करने की बारी आएगी, मैं डिस्कशन करूंगा, हॉस्पिटल की बारी आएगी, स्कूल की बारी आएगी, गवर्नमेंट स्कूल्स की। तो ये डिस्कशन तो इनफाइनाइट तरीके से चलते रहेगी, और हर बार कोई भी चीज़ फंड करवाने के लिए जो पब्लिक यूज़ के लिए निकल के आती है, आपके पास पैसे आने ही नहीं वाले क्योंकि कोई पे ही नहीं करने वाला, तो ज़बरदस्ती खींच के निकालने ही पड़ेंगे सरकार को, ये तरीका निकल के आता ही है। अभी देखिए करप्शन की बात मत करिएगा कि करप्शन हो जाती है, पैसा ढंग से यूज़ नहीं करा जाता, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल रियलिटी है जिसके बारे में करेंगे, चलिए किसी ना किसी दिन डिस्कशन करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे होती हैं, क्यों गलत हैं वगैरह वगैरह। बट अभी एटलीस्ट बाय द बुक्स अगर आप टैक्सेस की बात करेंगे तो उनका पर्पस क्या निकल के आता है वो समझिए, बिकॉज अगर आपको पर्पस नहीं पता होगा, क्लियर नहीं होगा आपके दिमाग में, तो ज़्यादा ही पिंच करेगा आपको टैक्सेस पे करना। पिंच करता है लेकिन इतना नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड है, अगर ये नहीं जाएगा तो हमें ही जो सर्विसेज चाहिए वो नहीं मिल पाएंगी। करप्शन एक अलग दिक्कत है जिसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। तो ये तो हो गई पहली चीज़ कि टैक्सेस जो भी लेवी करे जाते हैं, स्क्रीन पर देखिएगा, टैक्सेस जो लेवी करे जाते हैं सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लगाती है। किसके लिए? कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर जो भी निकल के आता है सोसाइटी का, जैसे डिफेंस के खर्चे, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, उन खर्चों के लिए यही वाली चीज़ें आपकी लगाई जाती हैं, ये वाले टैक्सेस लगाए जाते हैं। टैक्सेस आपके कौन से टाइप के निकल के आते हैं देखिए, टैक्सेस की अगर आप बात करेंगे ना तो यहाँ पे मेजरली आपके 2 टाइप के टैक्सेस निकल के आते हैं जो कि सीए इंटर लेवल पे हमें पढ़ने हैं। सीए इंटर लेवल पे 2 टैक्सेस पढ़ने हैं हमें। पहला निकल के आता है इनकम टैक्स, और यही पता सबसे ज्यादा सब्सटैंशियल है इंडिया में, मतलब आधे इंडिया का दिमाग जिसने घुमा रखा है वो यही दोनों टैक्सेस हैं।
इनकम टैक्स जीएसटी, ये दोनों के दोनों हमें पढ़ने हैं, आपके सिलेबस का पार्ट है। ये निकल के आएगा 60 मार्क्स का, मतलब 60%, ये निकल के आएगा 40% का। पेपर में वेटेज की अगर आप बात करेंगे तो इतनी इतनी निकल के आती है। इनकम टैक्स जीएसटी दोनों के दोनों ही हमें पढ़ने हैं। ये डायरेक्ट टैक्स होता है, ये इनडायरेक्ट होता है। क्यों डायरेक्ट बोला जाता है, क्यों इनडायरेक्ट बोला जाता है, बहुत जल्दी पढ़ेंगे। अभी बस क्लासिफिकेशन को देख लीजिए। एमपी एमएलए को सैलरी देती है सरकार वो भी उसी का पार्ट है, बट दैट इज नॉट द एंड मोटिव। विल दिस लाइव वीडियो गेट सेव? बिल्कुल सेव होगी, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है ना हाँ हो रही है रिकॉर्डिंग, ये सेव होगी यानी कल तक अपलोड हो जाएगी आपकी ड्राइव पे, तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं तो। तो ये आपका स्ट्रक्चर होने वाला है पेपर का। इनकम टैक्स 60% निकल के आएगा, जीएसटी आपका 40% निकल के आएगा। टैक्सेस की अगर आप बात करेंगे तो और भी बहुत टाइप के निकल के आते हैं। कस्टम्स ड्यूटी पे करी जाती है, एक्साइज ड्यूटी पे करी जाती है, अलग अलग ड्यूटीज़ के बारे में आपने सुना होगा, ये भी टैक्सेस ही हैं। लेकिन ये आपके इंटर लेवल पे कवर नहीं करे जाते। इंटर लेवल पे आईसीआई कहती है ये दो समझ लीजिए, बहुत है, बाकी जो चीज़ें निकल के आएंगी सीए फाइनल लेवल पे देख लेंगे। अभी इंटर लेवल पे इन दोनों को देख लीजिएगा, दोनों के दोनों इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मज़े की बात बताता हूँ, ये जब हम पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे आपको टैक्स प्लानिंग के टूल्स जो निकल के आते हैं, रिविजन की टेक्निक्स जो निकल के आती हैं वगैरह वगैरह, उन सब की डिस्कशन बहुत मिलेगी। कंपैरेटिवली बड़ा भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है जीएसटी के कंपैरिजन में, लेकिन मज़ा भी आता है इसमें, क्योंकि जितनी कॉम्प्लिकेशन होती है उतने ही तरीके निकल के आते हैं टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें करने के, एंड लोग प्रैक्टिकली वो चीज़ें करते भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये चीज़ें कैसे करी जाती है। जीएसटी की बात करेंगे ना तो कंपैरेटिवली आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, छोटा सा लॉ है, अभी अभी बनाया गया था 2017 के अंदर, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, प्रोसीजरल ज़्यादा निकल के आता है, विच इज़ वाई स्कोरिंग तो है, लेकिन टैक्स इवेजन की बात करेंगे, प्लानिंग की बात करेंगे तो बहुत कुछ नहीं निकल के आएगा, जो कि अच्छा भी है। हमें सब कुछ ऐसा नहीं चाहिए जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पढ़ लेंगे, थोड़ी स्कोरिंग चीज़ पकड़ लेंगे, एंड दोनों को पकड़ के डिसेंट अगर आपका स्कोर निकल के आ जाता है, यानी कि 80+, बहुत हो गया काम। तो यही हमारी कहीं ना कहीं अप्रोच रहने वाली है। वैट, जीएसटी, कस्टम्स, क्या चीज़ें क्या होती हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा, वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह वगैरह, लेकिन धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब हमारा दूसरा एक क्वेश्चन निकल के आता है कि डायरेक्ट, एक सेकंड रुकिए मैं देख लेता हूँ किसी का कोई डाउट तो नहीं आया। शंभू को बुलाओ जल्दी हमने कैरेक्टर चेंज कर लिया, आजकल चीकू को पकड़ा जा रहा है। हाँ हाँ गुनीत, आपको जहाँ पे भी नोट्स लेने होंगे, कोई भी चीज़ लिखनी होगी, मैं आपको स्पेसिफिकली बता भी दूंगा, टाइम भी दे दूंगा, तो नोटिंग के लिए आपको पूरा टाइम मिलेगा। अभी आपको जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं सुनिए, इसमें कुछ भी लिखने का नहीं निकल के आता, बस समझिए इन सारी चीज़ों को। ओम ने भी ऐसा सही कुछ डाउट पूछ रखा है कि नोट्स कैसे बनाने हैं क्लासेस को देखने के टाइम पे। जहां पे भी आपको कोई भी नोट बनाना होगा मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूंगा। चलिए जी, दूसरी चीज आपको यहां पे दिखाई जाती है कि डायरेक्ट टैक्सेस में और इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंस क्या निकल के आता है। अब इसको भी हमें देखना है, कैसे देखेंगे अभी ही देखना चालू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि इनकम टैक्स, इनको डायरेक्ट क्यों बोला जाता है समझिएगा लॉजिक को। इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लगाए भी आपकी इनकम पे जाते हैं, और पे किसको करने होते हैं, सरकार को, आपको ही पे करने होते हैं। यानी कि अगर सरकार ने मुझे बोला है कि भाई साहब आपने पूरे साल में मिला के लेट से 50 लाख रुपीज़ कमाए हैं, और ये 50 लाख पे आपका 20 लाख रुपीज़ का इनकम टैक्स निकल के आना चाहिए, तो इनकम भी मेरी है, टैक्सेस जो पे करने हैं सरकार को वो कौन पे करेगा, मैं ही पे करने वाला हूँ, कोई और इंसान मेरे बिहाफ पे नहीं करेगा, इसलिए इसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। जिससे लेना है सीधा उसी से रिकवरी करी जाती है, जिस पे लगाया जाता है रिकवरी भी उसी से करी जाती है। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे, जिसका एग्जांपल निकल के आता है जीएसटी, तो यहाँ पे समझिएगा होता क्या है। यहाँ पे आपका बैठा है सेलर, दुकानदार मान के चलिए, जिसने आपको क्या करा है, कैडबरी चॉकलेट बेची है। यहाँ पे बैठा है बायर, और ऐसे आपकी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है चॉकलेट। ये खर्चा बेयर किसने करा है, बायर ने करा है, सेलर ने करा है, तो खर्चा बेयर करा है बायर ने। कैसे, चॉकलेट खरीदने के टाइम पे आपने 10 रुपये 20 रुपये जो भी पे करे वो आपने पे करे ना, इसने भी खरीदा होगा किसी से, लेकिन आपसे पैसे रिकवर कर लिए, तो जितनी भी पेमेंट करी है पूरी की पूरी बायर ने पेमेंट करी है। लेकिन सरकार के पास टैक्सेस कौन पे करने वाला है बताइए, सेलर पे करेगा बायर पे करेगा, एस या बी, बस इतना सा आंसर करिएगा। एस या बी, टैक्सेस बेयर कौन कर रहा है, बायर बेयर कर रहा है, लेकिन सरकार तक पहुंचाएगा कौन, एस या बी। प्रतिपाल कहते हैं एस, हमें एस, सागर एस, अच्छा सागर कहते हैं बी, बायर पहुंचाएगा।
अहमद एस, मंदर एस, बी एस, एस एस एस, ओके। मेजॉरिटी के दिमाग में ये वाली चीज़ क्लियर है। एस यानी कि सेलर पहुंचाता है, वो आपसे पूरे पैसे कलेक्ट करता है। मान के चलिए 20 रुपये कलेक्ट करें और 20 रुपये के अंदर अगर 2 रुपये का टैक्स निकल के आता है, तो ये सरकार तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी निकल के आती है? सेलर की निकल के आती है। एंड यही मेन डिफरेंस निकल के आता है बिटवीन एनी डायरेक्ट टैक्स एंड एनी इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स में ना अकेला जीएसटी नहीं आता, और बहुत चीज़ें आती हैं। कस्टम्स ड्यूटी आती है, एक्साइज ड्यूटी आती है, वैट आता है, वगैरह वगैरह। बट हमें सारी चीज़ें पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। जीएसटी जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये होगी बेसिक नेचर आपकी डायरेक्ट टैक्सेस की, इनडायरेक्ट टैक्सेस की। डायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे, जितने भी निकल के आते हैं किस पे लगाए जाते हैं? इंसान की इनकम पे या फिर उसकी वेल्थ पे लगाए जाते हैं। पहले लगाया जाता था वेल्थ टैक्स, आज के टाइम पे शुक्र है नहीं लगाया जाता। तो ये दोनों टाइप के टैक्सेस जो हैं ये डायरेक्ट टैक्सेस की नेचर के निकल के आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे तो ये लगाए जाते हैं किसी भी गुड के या सर्विस के प्राइस पे। चॉकलेट बेची है उसके प्राइस पे लगाइए, सर्विस प्रोवाइड करी है कोई भी, किसी भी टाइप की सर्विस हो सकती है, पेंटिंग सर्विस प्रोवाइड करी है, इलेक्ट्रिशियन की सर्विसेज प्रोवाइड करी है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करी है, उस पर भी करिए जीएसटी। तो अलग अलग चीज़ों पर लगता है, किस पर लगता है, कैसे लगता है देखेंगे, अभी बस नेचर को समझ रहे हैं। आगे देखिए वही चीज़ बताई गई है जो मैंने आपको बोला था। डायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी बेयर कर रहा होता है इन चीज़ों की कॉस्ट को, यानी कि जिसके ऊपर ये वाला खर्चा आ रहा होता है, एंड जो यही वाले टैक्सेस को सरकार तक पहुँचाता है, दोनों लोग एक ही होते हैं। जैसे कि एग्जांपल इनकम टैक्स। बट व्हेन यू टॉक अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ पे जो भी इंसान बेयर करता है खर्चे को यानी कि बायर, एंड जो भी इंसान ये वाला पैसा पहुँचाता है सरकार के पास यानी कि सेलर, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। विच इज़ वाई इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्स करना था बायर को लेकिन कलेक्ट करा सेलर से, इनडायरेक्टली कलेक्ट करा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है, ये होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। यानी कि प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या होता है? हायर रेट्स फॉर द पीपल जिनकी हायर कैपेसिटी निकल के आती है पे करने की। रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है? सेम रेट फॉर एवरी वन इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी कैपेसिटी कितनी निकल के आती है पे करने की। पहला तरीका है रटिए आगे बढ़िए, दूसरा तरीका है बोलिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव में, समझाओ डिटेल में। क्या करना है, रट के आगे बढ़ना है या फिर मैं समझाऊं? प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव क्या होता है, इनको प्रोग्रेसिव क्यों बोला जाता है, इनको रिग्रेसिव क्यों बोला जाता है, समझना है या फिर क्या करना है बताइए? आप जितना पार्टिसिपेट करना चाहेंगे ना, आप जितना डिटेल में जाना चाहेंगे, उतना मैं आपको ले जाने को तैयार हूं। समझा दो समझा दो समझा दो समझाओ 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 बताइए 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 समझाओ समझाओ एक्सप्लेन डिटेल। ठीक है जी समझिए, एक छोटी सी चीज़ हम बनाएंगे, आप बनाना चाहते हैं अपने रजिस्टर के अंदर तो बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो आपके दिमाग में रह जाएगी, इतनी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। देखिए जी, दो लोग बनाने वाला हूँ मैं, आप भी बना लीजिएगा। एक है यहाँ पे मान के चलिए मिस्टर ए, एंड एक है यहाँ पे मिस्टर बी। इनकी इनकम मैं आपको बताता हूँ, जो कि मैं आपको एनुअल बता रहा हूँ पूरे साल में कितना कमाते हैं, और मैं इनका आपको एक्सपेंडिचर ऑन हाउस होल्ड आइटम्स बना लीजिएगा इसको। हो सकता है आपको इस चीज़ के बारे में पहले पता हो, बट मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आज के बाद आपको थोड़ा और ज़्यादा बेटर तरीके से पता चल जाएगा। एंड कोई भी अगर आपको ये बोलेगा ना कि इनकम टैक्सेस हटा देने चाहिए, कोई पे ही नहीं करता, आप कहेंगे नहीं यार मत हटाओ। क्यों नहीं हटाओ, अभी आपको समझ आएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए ए और बी दो लोग मैंने बनाए हैं, दोनों की मैं आपको एनुअल इनकम बताने वाला हूँ, दोनों का मैं आपको एक्सपेंडिचर बताऊंगा जो भी हाउस होल्ड आइटम्स पे निकल के आता है। ए कमाता है पूरे साल के अंदर 1000 करोड़, कोई बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा सैलरीड पर्सन, अच्छी इनकम कमाता है। एंड बी कमाता है पूरे साल में 50,000 रुपये। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस चीज़ पे ना बहुत डिस्कशन करी जाती है, इनकम टैक्सेस हटा देने चाहिए, जीएसटी हटा देना चाहिए। जब भी ये वाली डिस्कशन होती है ना, आपके पास क्वालिटेटिव एक आर्ग्यूमेंट होने वाली है लोगों को देने के लिए, आपको पता होगा कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, वगैरह वगैरह। और पता होगा तो आप ऑफकोर्स कोई भी ऐसी डिस्कशन हो रही होगी तो उसमें ढंग की चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। ए की इनकम 1000 करोड़, बी की इनकम 50,000 रुपये। अब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं जो कि हाउस होल्ड आइटम्स पे निकल के आता है। किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? जो नीड्स वाली चीज़ें निकल के आती है ना, आटा खरीदना है, चावल खरीदना है, नमक खरीदना है, वगैरह वगैरह, ऐसी जो वांट्स वाली चीज़ें निकल के आती हैं, आपकी गाड़ियाँ, घर वगैरह वगैरह, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इंपॉर्टेंट नीड्स वाली जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, बेसिक कपड़े पहनने हैं,
उस पे खर्चा कितना निकल के आता है मिस्टर ए का एंड मिस्टर बी का, ध्यान से देखिएगा। ए मान के चलते हैं बहुत ही फैंसी खर्चे करता है, कैसे, बढ़िया से बढ़िया खाना खाता है, जितनी बढ़िया चीज़ें, आवोकाडो खाता है। हम क्या कर रहे हैं, ब्रेड बटर खा रहे हैं, वो ब्रेड आवोकाडो खा रहे हैं। कितना ही खर्चा तुम क्यों ना कर लो, पूरे साल में तुम 1 करोड़ से ऊपर का खाने पीने पर खर्चा नहीं कर पाओगे, करेक्ट। सिर्फ खाने पीने की बात करते हैं, कपड़ा वपड़ा सब कुछ छोड़िए आप। 1 करोड़ रुपये के आवोकाडो खा गया ए। बी की बात करिए, बी की अगर आप खर्चों की बात करेंगे खाने पीने में, कितने का निकल के आएगा, 50,000 रुपये की इनकम निकल के आ रही है, लेट अस से 20,000 रुपीज़ का पूरे साल का खर्चा निकल के आ जाता है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इनके पास बीपीएल कार्ड है, राशन पे इनको चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं वगैरह वगैरह, सब कुछ करने के बाद 20,000 रुपये यहाँ पर निकल के आ जाते हैं जो कि इनको खर्च करने पड़ रहे हैं। परसेंटेज वाइज ध्यान दीजिएगा कि इनका खर्चा कितना हो रहा है हाउस होल्ड आइटम्स पे। ए की अगर आप बात करेंगे ना, तो पूरी इनकम का कितना परसेंटेज इन्होंने इन सारी चीज़ों पर खर्च कर दिया। देखिए ए के लिए निकल के आता है 0.1% और बी के लिए कितना निकल के आता है 40%। अपनी इनकम का 40% हाउस होल्ड आइटम्स पे हर साल बी को खर्च करना पड़ रहा है, और ए की बात करेंगे तो अपनी इनकम का 0.1% वो यहाँ पे खर्च कर रहा है। अब सोच के देखिए, मैं सरकार हूँ और मैं सरकार की जगह पे आके क्या कर रहा हूँ, मैं आटे पे जीएसटी का जो रेट निकल के आता है वो चेंज करने वाला हूँ। आटे पे अभी जीएसटी का रेट है 5% और मैं ये बढ़ा के करने वाला हूँ कितना, 40%। अब ये भी पहले 5% पे दे रहा था, ये भी पहले 5% पे दे रहा था, ये चेंज होते ही जैसे ही 40% हो गया आटे पे जीएसटी का रेट, ये भी 40 पे देने वाला है, ये भी 40 पे देने वाला है, क्या ये फेयर है, आंसर बताइए। आटे के रेट को आपने जैसे ही 5% से 40% कर दिया, क्या ये फेयर होने वाला है ए या बी दोनों के लिए ही, और अगर अनफेयर होने वाला है तो किसके लिए अनफेयर होने वाला है, उस इंसान का नाम बताइए मुझे, ए या बी, सोचिएगा थोड़ा इसके बारे में। करेक्ट, यूनानिमस आंसर है, बिल्कुल नहीं फेयर होने वाला, किसके लिए, बी के लिए। क्यों भाई, उसकी इनकम अगर आप देखेंगे ना, तो उसकी इनकम इतनी कम निकल के आ रही है कि अगर आपने गुड्स को, सर्विसेज को, जो भी मार्केट में अवेल करी जा रही हैं, वो गुड्स और सर्विसेज को अगर आपने महंगा कर दिया उन पे टैक्सेस को लगा के, तो इस इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका एक्सपेंडिचर बहुत निकल के आता है एज अ परसेंटेज ऑफ हिज इनकम। एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय इनकम अगर आप देख रहे हैं तो वो बहुत हाई परसेंटेज है, बट यहाँ पे बात करेंगे तो इनकम इतनी ज़्यादा निकल के आ रही है कि ये पूरी इनकम में मोटे मोटे तौर पे 800 करोड़ रुपये, 900 करोड़ रुपये सेव कर रहा होगा। खर्च कितने कर रहा होगा, मुश्किल से 10%, बढ़ा बढ़ा के 10% कर रहा होगा। तो क्योंकि इसके खर्चे की अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे इनकम के हिसाब से, कुछ खास यहाँ पे परसेंटेज आती नहीं, इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस पे आप कितना जीएसटी लगाते हैं, कितना नहीं लगाते हैं, वो कहते हैं जितना लगाने लगा दो। लेकिन इस इंसान के लिए आप गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना टैक्स लगाते हैं बहुत मैटर करता है, और यही दिक्कत निकल के आ जाती है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, ये होते हैं रिग्रेसिव। अब आते हैं वापस हमारे मटेरियल पे। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आपको क्या बताया गया है, ये वो टैक्सेस होते हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज पे लगाए जाते हैं, यानी कि आपके एक्सपेंडिचर्स पे लगाए जाते हैं, एंड ये होते हैं रिग्रेसिव। क्यों, अगर आटे पे 40% का रेट लगेगा तो मिस्टर ए वो भी 40% पे करेंगे, एंड मिस्टर बी ये भी 40% पे करेंगे। जीएसटी का जो रेट है वो डिफरेंशिएट नहीं करता इस चीज़ के बेसिस पे कि आपकी इनकम क्या है, आपकी इनकम क्या है। गरीब इंसान, अमीर इंसान, सारे के सारे एक ही रेट पे जीएसटी पे करने वाले हैं। कस्टम्स की बात करिए, एक्साइज की बात करिए, सब में सेम दिक्कत निकल के आती है, क्योंकि ये लगते हैं खर्चे पे और ये इनकम को अकाउंट फॉर नहीं करते। अभी तक समझ आ गई हैं सारी चीज़ें, तो यस लिख दीजिएगा या फिर वाई लिख दीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। कुछ आग्रह का डाउट है कि ये वाली जो अटेम्प्ट है उसके लिए कोई भी अमेंडमेंट्स हैं क्या? बिल्कुल हैं, और मैंने अपलोड कर तो दिए, आपके पास आ गई होंगी नवंबर 22 की अमेंडमेंट्स, करेक्ट। ओके, सबका ये सारा है, सत्यम, लोकेश, मंदरों के थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ दौड़ रहे, सबका ही ये सारा है, परफेक्ट। अब इनकम टैक्स की बात करिए, यहीं पर अगर आप इनकम टैक्स को देखेंगे ना, तो वो ये नहीं कहता कि मिस्टर ए आप भी 20% ग्रेड पर देने वाले हैं इनकम टैक्स, मिस्टर बी आप भी 20% ग्रेड पर देने वाले हैं, नहीं, वो कहता है बेटे तुम बहुत कमा रहे हो, कुछ ज़्यादा ही कमा रहे हो, तो तुम्हारी इनकम की अगर बात करी जाएगी ना, वो क्योंकि 5 करोड़ से ज़्यादा की इनकम निकल के आती है, मैं आपको पढ़ा दूंगा ये वाला प्रोविजन, क्योंकि 5 करोड़ से ज़्यादा की इनकम निकल के आती है, इस इंसान पे रफली 43% इतने का इनकम टैक्स लगाया जाएगा, और उसको अपने 100 करोड़ में से 430 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे सरकार को।
इस इंसान की बात करेंगे, ये एक रुपये भी नहीं देने वाला। क्यों? ऑलरेडी इतना कम कमा रहा है, उसमें भी अगर तुम इनकम टैक्सेस के नाम पे इसको बोल दोगे 40% हमें दे दो, सोचिए इसका क्या हाल होने वाला है। तो इसीलिए डायरेक्ट टैक्सेस की अगर आप बात करेंगे ना, कम लोग देते हैं, सही बात है, लेकिन जो कम लोग देते हैं ना वो कमा बहुत ज़्यादा रहे हैं और उनके पास देने की कैपेसिटी है भी और उनको देना भी चाहिए। तो अगर कोई भी कहता है ना कि इनकम टैक्सेस को हटा दो, जीएसटी वगैरह वगैरह ये बहुत सारे लोग देते हैं, इसी को रहने दो, हमेशा आर्ग्यूमेंट में मेरी तो यही इंटरप्रिटेशन निकल के आती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज डायरेक्ट टैक्सेस अगर हट गए तो अकेला किस इंसान का फ़ायदा होगा? ये वाले इंसान का फ़ायदा होने वाला है, इसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एंड अगर इनकम टैक्सेस को हटा दिया गया तो सरकार की रिकवरी कम होएगी और वही रिकवरी कम करने के लिए, जो भी कम निकल के आ गई थी उसको रिकवर करने के लिए सरकार क्या करेगी? जीएसटी का रेट बढ़ाएगी, जिसका ब्रंट किसके ऊपर आएगा? दोनों के ऊपर आएगा। एंड ज़्यादा किस पे आएगा? इस पे आएगा। और यही रीज़न निकल के आता है इनकम टैक्सेस को, या फिर किसी भी टाइप के डायरेक्ट टैक्सेस को, प्रोग्रेसिव बोला जाता है। जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा, हायर रेट निकल के आएगा उन लोगों के लिए जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा पे करने की निकल के आती है। अभी तक सब कुछ क्लियर है? यस लिख दीजिए। अल्ताफ लिख रहे हैं, मिस्टर ए क्राइंग इन द कॉर्नर। अच्छा, कोई इशू नहीं है कुशाग्र, आप टीम को मैसेज कर दीजिएगा, आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप फिर भी देख पाएंगे। नहीं कुशाग्र, आप ना इनकम टैक्सेस में बिल्कुल पर्सनल टैक्सेस की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस देखेंगे जो कि कंपनीज पे लगाए जाते हैं, इनकम टैक्स की ही एक फॉर्म निकल के आती है, तो रफली इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस से सिमिलर रिकवरी हो जाती है सरकार को। आजकल इनडायरेक्ट से ज़्यादा होने लग गई है, लेकिन ये बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है। क्यों? मैंने आपको दिखा दिया अभी। परफेक्ट जी, परफेक्ट। गुड इवनिंग ऋषि। ओके, सबके यस आ गए हैं, किसी का भी नो नहीं है, किसी का भी कोई भी डाउट नहीं है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे करा करेंगे डेली बेसिस पे। अब एक तो हो गया तरीका, बस ये रट लो, प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है। एक है इसको समझो, जिसके बेसिस पे आप एक्चुअली किसी को समझा भी पाओ। तो हमेशा कोशिश ऐसी ही करा करी कि जो भी पढ़ें उसके पीछे का रीज़न आपको पता हो, ताकि चीज़ें अच्छे से आपको समझ आए। चलिए, यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं। डायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे तो इनकम टैक्स एक एग्जाम्पल निकल के आता है, टैक्स जो भी लगाया जाता है अनडिस्क्लोज फॉरन इनकम पे और एसेट्स पे, ये एक एग्जाम्पल निकल के आता है। ये इंटर लेवल पे आपको पढ़ाया जाएगा, ये इंटर लेवल पे नहीं पढ़ाया जाएगा। जीएसटी की बात करिए, ये आपको इंटर लेवल पे पढ़ाया जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल है। कस्टम ड्यूटी की बात करिए, इंटर लेवल पे नहीं पढ़ाया जाएगा, सीए फाइनल लेवल पे पढ़ाया जाता है, बट ये भी एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों? गुड्स पे लगाया जाता है जो भी इंपोर्ट करे जाते हैं या फिर एक्सपोर्ट करे जाते हैं। ठीक है जी, तो ये जो टेबल में डिफरेंस निकल के आ रहा था ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आगे बढ़ने की बारी आ गई है। अब यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि जो आपको ये बोला जा रहा है सरकार के द्वारा कि भाई आपको इनकम टैक्सेस देने होंगे, ये बोलने की पावर कहाँ से आई इनके पास? मतलब पावर की बात क्यों करी जा रही है उसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। आज के टाइम पे अगर आप बात करेंगे इनकम टैक्सेस की, तो शायद आपको आइडिया होगा ये आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये लगाने की पावर आई कहाँ से? या फिर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए इसको आंसर करिए, बड़ी क्वेश्चन निकल के आता है। दिल्ली गवर्नमेंट मान के चलिए आपको कहती है, कल को वो कहती है कि दिल्ली के जितने भी लोग हैं ना, तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को 40% के रेट पर इनकम टैक्सेस पे कर रहे हो, अगर तुम 40% सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हो तो तुम्हें हमें 2% तो देना ही पड़ेगा। मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर, क्या मुझे दिल्ली गवर्नमेंट को 2% देना पड़ेगा? अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी जो इनकी बॉडी निकल के आती है वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर लॉ पास कर दिया जहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि इनकम अगर आपने दिल्ली में रह के कमाई है, जो कि मैंने दिल्ली में ही कमाई है, तो आपको 2% पे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, क्या मुझे पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यस और नो? सोचिए, अभी तक नहीं बना रखा दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी लॉ, केली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखा है, लेकिन अगर बना दे दिल्ली गवर्नमेंट तो क्या वो मुझे कंपेल कर सकते हैं पे करने के लिए? आर्टिकल लिखने लग गए हैं स्टूडेंट्स, अभी आर्टिकल पे मत जाइए, आर्टिकल तक हम नहीं पहुंचे, आगे मत भागिए। यहां पे ये जो पोजीशन निकल के आ रही है ना, वहां बताइए यस और नो। हमें कहते हैं यस, बाकी सबका मुझे नो दिख रहा है। एक और यस आ गया है यहां पे, जो कि नेचर जोन का आया है। अहमद भी कहते हैं यस, आदित्य भी कहते हैं यस, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपकी सीखने की स्टेज है, आप जितनी गलतियां करते हैं उतना बढ़िया है मेरे लिए। क्यों? मुझे मज़ा नहीं आता आपकी गलतियां देखिए, लेकिन गलती आप यहाँ पे करेंगे तो पेपर के अंदर नहीं करने वाले, ज़िंदगी में नहीं करने वाले, एंड दैट इज़ व्हाट द पर्पस इज़। मेरे सामने तो करिए गलतियाँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है? द करेक्ट आंसर इज़ मुझे नहीं पे करना पड़ेगा। क्यों? अब उस चीज़ को समझिए, मतलब यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो आपको ये बताएगा कि अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने ये वाला लॉ बना भी दिया कि दिल्ली वाले लोगों को तो जो भी इनकम टैक्सेस निकल के आते हैं थोड़े बहुत हमें भी देने पड़ेंगे, वो मुझे नहीं पे करना पड़ेगा। और क्यों नहीं पे करना पड़ेगा? मुझे ये वाला पॉइंट बचाता है। और अगर ये पॉइंट के बारे में आपको पता ही नहीं होगा ना,
आप ऐसे लॉज को भी कंप्लाई करने लग जाएंगे जिनको कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट निकल के ही नहीं आती। तो आप स्ट्रक्चर को समझना चालू करिए कि ठीक है इनकम टैक्स एक्ट बढ़ेंगे, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बनाने की पार आई कहाँ से। देखिए अच्छा, चीज़ें समझने के टाइम पे ना मैं पहले आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, देन हम ये वाला पार्ट देखना चालू करते हैं कि पावर आई कहाँ से इनकम टैक्स एक्ट बनाने की, उसको एनैक्ट करने की। देखिए आपके जो भी डाउट्स निकल के आएंगे ना, अगर आप सिलेबस की बात करते हैं, डाउट्स की बात करते हैं, ये है टैक्स बेस, मतलब टैक्सेशन में जितनी भी क्वेश्चंस जो भी निकल के आ सकते हैं, मान के चलिए ये जो रेक्टेंगल है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे निकल के आ सकते हैं। एक्ट में जो भी बोला गया है, नोटिफिकेशन, रूल, सर्कुलर वगैरह वगैरह, सबको मिला के इतनी चीज़ें नॉलेज की तरह आप कमांड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी इंसान से। आईसी ने आपके सिलेबस में कितनी डाली है इंटर लेवल पे, वो समझिए। इंटर लेवल पे आपके सिलेबस के अंदर डाली गई है इतनी, उसके साथ अगर आप इनकम टैक्स या फिर चलिए सीए फाइनल की बात करते हैं, सीए फाइनल लेवल पे डाली गई है इतनी, ये जो गोला है बीच में ये क्या होगा, ये उतनी नॉलेज है जो कि टैक्स ऑफिशियल्स को या गवर्नमेंट को खुद को पता है। लॉ इतना बड़ा बना दिया इन्होंने, लेकिन इनको भी इतना ही पता है, ठीक है। अब हम पेपर के लिए कितना पढ़ने वाले हैं उसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेपर की प्रिपरेशन की जब बात आने वाली है तो हम कहीं ना कहीं यहां पे होने वाले हैं, यहां ये होगा हमारा जोन, ये है हमारा जोन आर डिस्कशन। तो देखिए इंटर लेवल के सिलेबस में जितनी भी चीज़ आपकी निकल के आती हैं वो तो मैं आपको पढ़ाने ही वाला हूँ, उसके साथ साथ ये सिलेबस की चीज़ें ही ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई जानी चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और वही चीज़ आपकी यहाँ पे निकल के आ रही हैं जो हम एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो उतना ही एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जितना आपका पेपर में जो भी सिलेबस में चीज़ें निकल के आती हैं वो समझने में आपको हेल्प करे, उससे ज़्यादा मैं आपको फालतू का ज्ञान नहीं देने वाला। क्यों समझिए, मैंने अभी ये वाली डिस्कशन भी चालू कर सकता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने के टाइम पे कि कॉन्स्टिट्यूशन 1947 के अंदर क्यों नहीं बना, बाद में जाके क्यों बना, इतना टाइम क्यों लग गया, किस किसने बनाया था, पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में पहल किसने करी थी, क्या करोगे ये सब जान के। दुनिया में ज्ञान का भंडार है, लेकिन आपको उतना ही लेके जाना है जितना एग्जाम के लिए आपको याद रह पाए। मैं आपको 3 महीने के अंदर बिल्कुल चोकअप कर दूं नॉलेज से, और 3 महीने के बाद आप 3 महीने के लिए सब्जेक्ट को जब छोड़ेंगे कुछ और पढ़ने के लिए, कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्या फ़ायदा होगा उसका, फालतू में आपका टाइम भी लगेगा और कुछ एफर्ट भी नहीं, जितना भी आपने लगाया होगा उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं होने वाला, प्रोडक्टिव भी नहीं होने वाला। एंड दैट इज़ समथिंग विच इवन आई डोंट वॉन्ट, वॉट आई वॉन्ट इज़ कि हम डिस्कशन करें, एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ें, लॉजिक्स को समझें, लेकिन उतना समझें जितना आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। ज़बरदस्ती की फालतू का ज्ञान पेलने के लिए मैं आपको कोई भी नॉलेज नहीं देने वाला जो आपको अननेसेसरली ओवरबर्डन करे और ये फील करवाए कि यार पता नहीं कितना ही सिलेबस है, कितना कुछ मुझे लर्न करना पड़ेगा। इस एवरीबडी कंफर्टेबल विद दैट कि हम अननेसेसरली ये वाली चीज़ों को नहीं टेकअप करेंगे। मैं आपको उतनी एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा जो आपको सिलेबस में हेल्प करें, सिलेबस की चीज़ों को समझने में ज़्यादा अच्छे से उतनी चीज़ों में आपको हेल्प करें। इज़ एवरीबडी कम्फर्टेबल विद दिस कि हम बैच के अंदर यही वाली मोडालिटी को लेकर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, येस और नो? सागर मजे ले रहे हैं मुझसे, सागर कह रहे हैं सर आपने ये जो सारे गोले बनाए हैं, रेक्टेंगल बनाए हैं, ज़रा ये भी बता दीजिए आप जो कंसल्टेंट की तरह लोगों को बताते हैं जितना आपको ज्ञान है आप कहाँ पे आते होंगे। मैं आप मान के चलिए कि इंटर लेवल के और फाइनल लेवल के कहीं ना कहीं बीच में आता हूँगा। मैं अपने आपको टैक्स ऑफिशियल से ऊपर नहीं रखता, लेकिन आई टोटली अग्री दैट जो भी लॉ बना रखा है थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रखा है, इन काफ़ी चीज़ें हैं जो सिंप्लीफाई हो सकती हैं, मैं आपको टाइम के साथ दिखाऊंगा अलग अलग चैप्टर्स के अंदर। चलिए परफेक्ट, हाँ नो ज्ञान पेलना, थोड़ी क्रूड भाषा में बोल दिया है पंकज ने, बहुत ही बढ़िया।
हिमांशु जी, वो आप अभी टीम से पूछ लीजिए, अभी ये वाले सेशन के अंदर उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते। सिक्किम में टैक्स ही नहीं आता है, ऐसा क्यों? पढ़ लेंगे अंकित, पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे। सिक्किम में क्यों नहीं आता है, बाकी कौन सी स्टेट्स में नहीं आता, हर स्टेट के अंदर अलग अलग रिजीम क्यों बनाए गए हैं, सब पढ़ाया जाएगा आपको। भाग क्यों रहे हैं? एग्जिमिशन वाले चैप्टर की चीज़ पूछ रहे हैं अभी, पहले चैप्टर के अंदर। अभी बताने तो दीजिए, एग्जिमिशन होती क्या है, इनकम क्या होती है, रेवेन्यू क्या होता है, वगैरह वगैरह सब पढ़ेंगे। चलिए, अच्छा एक और चीज़ देखिएगा, मैं आपको ये बता क्यों रहा था, मैं इसलिए बता रहा था बिकॉज आपके डाउट्स जब भी आएंगे ना, आपके डाउट यहाँ से भी आने वाले हैं सिलेबस के अंदर से, हमेशा मैं आंसर करूँगा। आपके डाउट यहाँ से भी आने वाले हैं, हमेशा मैं आंसर करूँगा। लेकिन अगर आपका डाउट ये वाले सर्कल में आता है, यानी कि CA फाइनल लेवल की चीज़ें आप पूछने लग जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं आपको हल्का सा आइडिया दे दूंगा, लेकिन ज़्यादा डिटेल में जाके आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, इंटर लेवल पर भी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप। तो आप पूछ लीजिएगा, पूछने के टाइम पे कतराइए मत कि ये CA फाइनल लेवल का हो सकता है, सिलेबस से बाहर का हो सकता है, आपको जो पूछना पूछिए। लेकिन रिप्लाई करने के टाइम पे मैं आपको बता दूंगा कि ये बाहर की चीज़ है, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको हेल्प नहीं करेगी। तो मान लीजिएगा मेरी बात को अगर मैंने बोला तो, बस इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और उसी के लिए वाली डिस्कशन हमने करी थी। चलिए, अब ये देखना चालू करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट बनाने की जो पावर है ये सरकार के पास आई कहाँ से। कितना चल गया है सेशन, एक सेकेंड रुकिए, 5 बज गए ना, 1 घंटे हो गए। चलिए थोड़ी देर में ब्रेक लेंगे, अभी के लिए एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को देखना चालू करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने पार कैसे दी सरकारों को। देखिए, अब इंडिया में आपको पता होगा फेडरल स्ट्रक्चर जो निकल के आता है सरकारों का, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है। कुछ स्टेट्स के अंदर सेम हो सकता है, जैसे कि यूपी की बात करेंगे, वहाँ पे सेंटर भी बीजेपी की है, स्टेट भी बीजेपी की है, लेकिन वैसे सरकारें तो अलग अलग बनी है ना, दोनों के इलेक्शंस आपके अलग अलग हुए हैं, दोनों गवर्नमेंट्स आपकी अलग अलग फंक्शन करती हैं। तो इंडिया की बात करेंगे, सेंटर की अलग गवर्नमेंट होती है, स्टेट की अलग गवर्नमेंट होती है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या निकल के आ रही थी आज़ादी के बाद, ये तो डिसाइड हो गया था दोनों अलग अलग सरकारें होने वाली हैं, लेकिन दोनों सरकारों का काम क्या होने वाला है वो भी तो डिफाइन करना था, क्योंकि अगर वो डिफाइन नहीं करा तो दोनों सरकारों में ही जो भी लोग बैठे हैं, MPs, MLAs, MPs होते हैं आपके सेंटर में, एंड MLAs निकल के आते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर, दोनों ही कहेंगे कि हम इलेक्शन के बाद आए हैं, जीत के आए हैं, और हम जो बोलेंगे वो लोगों को मानना पड़ेगा, और दोनों लड़ाई करेंगे एक ही टॉपिक पे। दोनों सरकारें कहेंगी हमें इनकम टैक्स भी चाहिए, दोनों सरकारें कहेंगी GST भी चाहिए, दोनों सरकारें कहेंगी हम पुलिस के बारे में भी बताएंगे, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बताएंगे, और हर चीज़ पे दोनों ही सरकारें लॉज बनाने की कोशिश करेंगी। सिटीजन करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, किसकी माने, क्या करना है हमें, हमें ये तो बता दो। तो वही बताने का काम करा कॉन्स्टिट्यूशन ने। लॉ मेकर्स को पता था ये वाली दिक्कत आगे जाके आ सकती है, सरकारों में ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, आने से पहले ही खत्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ लॉज। जितने भी लॉज निकल के आते हैं, जो भी एक्ट निकल के आते हैं, उनके ऊपर भी एक सुप्रीम एक डॉक्यूमेंट निकल के आता है जिसका नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड ये डॉक्यूमेंट के अंदर बताया गया है स्टेट गवर्नमेंट क्या करने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करने वाली है, ये चीज़ आपको बताई गई है। अब इसको पढ़ना चालू करिए। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा लॉ है। इनकम टैक्स एक्ट, GST सब नीचे आते हैं, इनके ऊपर क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पार नहीं देगा ना, GST लगाने की, इनकम टैक्स लगाने की, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे बड़ा लॉ निकल के आता है आपका। आगे आपको क्या बताया गया, देखिए, द पार टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस को लगाना और उसके बाद कलेक्ट करना, ये जो पार निकल के आती है लोगों के पास, सरकारों के पास, चाहे डायरेक्ट तरीके से आप लगाएं जैसे कि इनकम टैक्सेस में लगाया जाता है, चाहे इनडायरेक्ट तरीके से लगाएं, ये पार कहाँ से निकल के आती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है यहाँ से निकल के आती है, ये वाले डॉक्यूमेंट से निकल के आती है। डॉक्यूमेंट के बारे में और पढ़ेंगे, एंड मैं आपको पूरा का पूरा जो प्रोसीजर निकल के आता है ना, कैसे एक्ट बनाए जाते हैं, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह, ये डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, सारी चीज़ें आज वाले सेशन के अंदर बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है जी, आगे देखिए आपको क्या बताया गया। इन केस एनी टैक्सेशन लॉ, चाहे वो एक्ट है, रूल है, नोटिफिकेशन है, ऑर्डर है, इन सारी चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा, बट अभी के लिए आपको बोला जा रहा है, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी पास करा गया है, अगर वो नहीं होता है इन कन्फॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बोला गया था और उसके उलट जाके, उसके अगेंस्ट जाके आपने कोई भी ऐसी चीज़ पास कर दी है, किसी को मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये जो भी चीज़ पास करी गई थी ये कन्फॉर्मिटी में नहीं निकल के आती किसके साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ये वाले डॉक्यूमेंट को बोला जाता है अल्ट्रा वायर्स। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो आपने करी है, जो करने की आपके पास पावर नहीं थी, तो इसको बोला जाता है अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बोलने की आपको पावर दी गई थी उससे ज़्यादा आपने आगे जाके कुछ ना कुछ करा है, किसी को मानने की जरूरत नहीं है। एंड जो भी आपने काम करा है इसको बोला जाता है इलीगल एंड वॉइड। वॉइड मतलब किसी को मानने की जरूरत नहीं है, पहली डेट से ही इसको एक्टिव माना ही नहीं जाएगा।
इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा जाएगा, ये चीज़ आपको बोली जा रही है। अब यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चीज़ बताई जाएगी, लेकिन अभी तक किसी का कोई भी डाउट निकल के आया है तो ये बताइए, कोई भी डाउट है छोटे से छोटा बड़े से बड़ा बताइएगा, पहले मैं रिजॉल्व करूंगा देन आगे बढ़ूंगा। अतुल लेनी नीचे आपको चारों क्लासेस एक बार में, आप चारों क्लासेस एक बार में करेंगे तो रिवाइज कब करेंगे? एंड सिर्फ क्लासेस करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ना, क्लासेस को एक चीज़ समझिए, क्लासेस आपको चीज़ें समझने में हेल्प कर सकती हैं, आपके लिए चीज़ें आसान बना सकती हैं, लेकिन लर्न नहीं करवा पाएंगी। लर्न करने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, खुद से चीज़ों को रिवाइज़ करना पड़ेगा, वो एफर्ट नहीं डालेंगे तो जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना बहुत जल्दी भूलने लग जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो आपको दो या मैक्सिमम तीन क्लासेस, उनसे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, चार क्लासेस तो कहीं से भी नहीं। गुनीत का बहुत शानदार क्वेश्चन आया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें बोली जाती हैं क्या उनको चेंज करा जा सकता है, अमेंड करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है, करेंगे बहुत ही जल्दी उसके बारे में बात। लाइव स्ट्रीम इज देयर फॉर ऑल द लेक्चर्स, जी सारे के सारे लेक्चर्स आपके लाइव स्ट्रीम होने वाले हैं, सिर्फ पहले दो लाइव नहीं है, बस पहले दो आपके यूट्यूब पे होंगे, बाकी सारे के सारे हमारी प्लेटफॉर्म पे होने वाले हैं। सुमंत का अच्छा क्वेश्चन आया कि सर आपने ये बोला था दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो इनकम टैक्सेस नहीं लगा सकती, ऐसा क्यों? अभी मैं आपको कुछ ही देर में दिखाऊंगा, यहाँ पे हमारी डिस्कशन होने वाली है। अंकर थक गए हैं, अंकर गेमिंग, वो कह रहे हैं सर थोड़ी सांस लेने दो, गिव अ लिटिल ब्रेक। ठीक है जी, ये सांस ही ले रहे हैं आप जब तक मैं डाउट्स को रिजॉल्व कर रहा हूँ। आप सोचिए आप सुन सुन के थक गए, मेरा बोल बोल के क्या हाल हो रहा होगा। आपकी क्लास एक मंथ के बाद ले सकते हैं आप, रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा तब। डीटी के लिए रिवीजन कैसे करें? अभी पढ़ना तो चालू करो, रिवीजन के बारे में कल मैं आपको बताऊंगा, कल वाले सेशन के स्टार्टिंग में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, रिवीजन कैसे करनी है, 1/4 रूल कैसे फॉलो करना है, नोट्स के रजिस्टर को कैसे बनाना है वगैरह वगैरह, तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हम टेकअप करेंगे। सर हु कन्फर्म्स और वेरीफाइज वेदर इट इज़ अल्ट्रा वायर्स और इंट्रा वायर्स? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बताता कौन है? देखिए काफ़ी बार होता क्या है, सरकार लॉ बना देती है, आपको ना काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग केस लॉज मिलेंगे कोर्ट के अंदर, सरकार ने लॉ बनाया, उन्होंने बोला आपको ये वाला काम करना पड़ेगा और मान के चलिए मुझे पनिश करने की कोशिश करी। अब मैं ये नहीं फाइट कर रहा हूँ कि मैंने गलती करी है नहीं करी है, मैं कह रहा हूँ तुझे लॉ बनाने की पावर किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशनली तेरे पास ये वाली पावर ही नहीं है, कोर्ट में जाकर मैं ये वाला केस लड़ जाता हूँ किसके अगेंस्ट? सरकार के अगेंस्ट। सोचिए क्या धुरंधर खिलाड़ी है, सरकार के अगेंस्ट केस लड़ रहा है कि भाई मैंने जुर्म करा है नहीं करा उसके बारे में बाद में बात करेंगे, तूने बनाया कैसे ये लॉ, तेरे को लग कैसे रहा है कि मैं इसको मानूंगा? नहीं मानने वाला, ये कॉन्स्टिट्यूशन से तेरे पास पावर है ही नहीं। तो ऐसी जो लड़ाई है ना ये बहुत बार करी गई है और बहुत बार जीती भी गई है। तो ऐसा हो जाता है काफ़ी बार, और ये कब पता चलेगा आपको? ये आपको तभी पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कौन सी नहीं है, जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता हो। बताया क्यों जा रहा है? क्योंकि प्रैक्टिकली आपको काफ़ी बार ना अपने क्लाइंट को बचाने के लिए अकेला ये डिफेंस नहीं लेना होगा कि मेरे लॉ के अंदर इसने ये वाली कॉन्ट्रावेंशन करी है नहीं करी है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेक करना होगा कि जो भी आपको सू करने की कोशिश कर रहा है आपके क्लाइंट को, उसके पास ये वाली पावर है भी या नहीं है। अगर पावर नहीं है तो चैलेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। विल द कोर्ट वर्डिक्ट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं करेगा, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन करके अगर आप गलत कोई लॉ पास कर रहे हैं उसको ओवररूल करवा सकता है, वो कह सकता है कि अल्ट्रा वायस है, किसी को भी मानने की जरूरत नहीं है। क्षितिज टीम को मैसेज कर दीजिए, कर लेंगे उसको भी असिस्टेंस मिल जाएगी आपको, कोई इशू नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ना चालू करते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है 7th स्केड्यूल जो निकल के आता है आर्टिकल नंबर 246 का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें कुछ ना कुछ बोला गया है, क्या बोला गया है बाद में देखेंगे, पहले ये बोल क्या दिया ये तो समझाए कोई। कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत छोटा सा डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट निकल के आता है। अब इतनी बड़ी बुक के अंदर अगर मुझे आपको बताना है कि मैंने कोई प्रोविजन पढ़ा था जो ये बोल रहा था कि सरकार के पास सीजी के पास इनकम टैक्सेस लगाने की पावर है, तो मैं कैसे बोलूँ आपको? मैं ये बोलूँ बुक खोल के भाई साहब इसको ऐसे पन्नों को पलटते रहिएगा, 3 मिनट के बाद वो पेज आएगा जहाँ पे ये बोला गया है? नहीं, प्रिसाइजली मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर पाऊंगा कहाँ पे आपको जाना है। तो कोई भी जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स निकल के आते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिएगा, एक्ट की बात करिएगा, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह, इनको पार्ट्स में स्प्लिट करा जाता है। एक्ट की बात करेंगे तो एक्ट के जो भी पार्ट्स निकल के आते हैं उनको बोला जाता है सेक्शंस, लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो उनके जो भी पार्ट्स निकल के आते हैं उनको क्या बोला जाता है? आर्टिकल बोला जाता है।
तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई साहब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को देखने की जरूरत नहीं है, पूरा आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बहुत प्यारी चीज निकल के आती है जिसको आपको देखना चाहिए, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, आर्टिकल नंबर 246, यानी कि जितने भी पार्ट्स निकल के आते हैं उनमें आर्टिकल नंबर 246 के अंदर कुछ ना कुछ बोला गया है जो हम अभी देखने वाले हैं। अब आर्टिकल के एक सेकेंड रुकिए, अब आर्टिकल के अंदर भी अगर आप बात करेंगे तो अलग अलग स्केड्यूल्स निकल के आते हैं, सब पार्ट्स निकल के आते हैं, तो उसमें आपको बोला जा रहा है आर्टिकल नंबर 246 के अंदर भी सेवन्थ स्केड्यूल को देखिएगा एंड यहाँ पे क्या आपको देखना है वो बताया जा रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, सेवन्थ स्केड्यूल टू द आर्टिकल नंबर 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, ये तीन लिस्ट को कंटेन करता है जो क्या बताती हैं, वो एन्यूमरेट करती हैं वो मैटर्स, वो चीज़ें जिनके ऊपर पार्लियामेंट के पास एंड स्टेट लेजिस्लेचर के पास अथॉरिटी होती है टू मेक लॉज। तोड़ना पड़ेगा थोड़ा सेंटेंस को तब जाके समझ आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई जगह बताई गई है आपको, वहाँ बोला जा रहा है वहाँ पे तीन लिस्ट हैं, कैसी लिस्ट हैं, तीनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब ये जो तीनों लिस्ट है ना, ये आपको बताती हैं कि कौन से वाले मैटर्स पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, यानी कि मोटे मोटे तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, एंड कौन से वाले लॉज पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाने वाली है। ये आपको डीमार्केट करके दे दिया जाता है ताकि वो जो लड़ाई मैंने आपको बताई थी ना कि एसजी सीजी दोनों की दोनों भिड़ सकती हैं कि इस चीज़ पे हम दोनों ही लॉज बनाएंगे और पिसेगा कौन, सिटीजन, तो वो सिटीजन के ना पिसने के लिए आपको यहाँ पे ही डीमार्केट करके कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया जाता है कि इन चीज़ों पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाने वाली है, इन पे स्टेट गवर्नमेंट बनाने वाली है। ठीक है जी, तो हमारी जो लड़ाई है कि इनकम टैक्स दिल्ली गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, वो यहाँ पे आके खत्म होने वाली है। लड़ाई खत्म करेंगे लेकिन पहले मुझे ये चीज़ बताइए, पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या दोनों एक ही बात है, यस और नो? पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या दोनों एक ही बात है या फिर डिफरेंट चीजें हैं, यस और नो? अगर एक ही बात है तो यस लिखिएगा, नहीं तो नो लिखिएगा। सितांशु एक बार आवाज़ को देखना, एक स्टूडेंट का लिखा हुआ आ रहा है कि वॉइस प्रॉब्लम है। ओके, मोस्टली स्टूडेंट्स का यही आंसर आ रहा है यहाँ पे कि नो, दोनों सेम बातें नहीं हैं और बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट आपके तीन लेग से बनता है। पहला क्या निकल के आता है? लोकसभा। दूसरा क्या निकल के आता है? राज्यसभा। और तीसरा क्या निकल के आता है? प्रेसिडेंट, जो भी इंडिया के हैं। इन तीनों को मिला के जो बॉडी निकल के आती है उसको बोला जाता है पार्लियामेंट। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे मैंने आपको लिखा भी रखा है और उसके साथ साथ इनकी इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आती है, कौन सी बॉडी क्या काम कर रखी है, कौन सी बॉडी क्या काम करती है, वो चीज़ मैंने आपको बता भी रखी है, तो वो सब नीचे देख लेंगे, अभी बस सुन लीजिए। तो पार्लियामेंट का मतलब निकल के आता है तीनों की तीनों बॉडीज। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी वाली पार्टी आपकी फॉर्म करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट वो वाली पार्टी फॉर्म करती है जिसकी मेजॉरिटी सीट्स निकल के आ जाती हैं। जो भी मेंबर्स होते हैं ना, जो इलेक्ट होकर आते हैं ये वाली बॉडी के अंदर, लोकसभा के अंदर, उनको बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इनके जो मेंबर्स होते हैं जो इलेक्ट होकर आते हैं चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, उनको एमपीज बोला जाता है। अब एमपीज में जो भी पार्टी की मेजॉरिटी आ जाती है, चाहे खुद से ही चाहे कोलिशन में आके, उस पार्टी को बोला जाता है कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म कर ली है। और क्योंकि इनकी मेजॉरिटी होती है तो जब भी कोई भी लॉ पास करना होता है तो वोटिंग तो सारे के सारे एमपीज के विदिन करी जाती है, बट क्योंकि एक पार्टी की मेजॉरिटी आ गई है हर बार वोटिंग पे उनकी ही चल जाती है और वो जो भी लॉ पास करवाना चाहते हैं करवा भी पाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख के क्या बताया जा रहा है, पार्लियामेंट लॉ पास करता है। कोई भी सेंटर का अगर लॉ पास होना है तो पार्लियामेंट में होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे बीजेपी अगर रूल कर रही है तो अकेले बीजेपी की एमपी से पूछा जाएगा, वहाँ पे कोई कांग्रेस का एमपी बैठा होगा, आपका एमपी बैठा होगा, कोई भी और एक्सवाईजी पार्टी का एमपी बैठा होगा, उनसे पूछा ही नहीं जाएगा, उनका वोट ही नहीं लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। विच इज़ वाई लॉ के अंदर ये लिखा नहीं मिलेगा कि सीजी बनाएगी लॉ को, ये लिखा मिलेगा पार्लियामेंट बनाएगा। तो वोटिंग होने वाली है, वो जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो भी लॉ को पास करवाना चाहेगी आज के टाइम पे करवा सकती है, लेकिन पूछा सबसे जाता है, वोटिंग सबसे करवाई जाती है। ऐसी स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो दिल्ली गवर्नमेंट ये क्या है, ये एक स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप एमएलएज की बात करेंगे तो वो बाकी पार्टीज के हो सकते हैं एंड इनके भी वोट लिए जाएंगे। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को लॉ को पास करना है तो किसी भी लॉ को अगर एसजी को पास करना है तो उनकी भी वोटिंग करवाई जाएगी। क्या डिफरेंस समझ आ गया है, यस और नो?
बिग बॉस का वॉइस ओवर करना चाहिए। बिल्कुल सही बताया आपने साक्षी, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों मिलके बनते हैं। वरुण पूछ रहे हैं सर आप क्या पी रहे हैं? पानी पी रहा हूँ भाई, और क्या पीऊँगा। हाँ पूछिए ना भावेश, आपका जो भी डाउट है पूछिए, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि डाउट है, आप डाउट है अलग से लिखेंगे, पूछेंगे बाद में, सीधा पूछ लिया करिए, उसी के लिए तो वेट कर रहा हूँ मैं। पूछिए पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ में आया कि अमित शाह जी MP पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मत मारिए, देखिए मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगी। बट दे बोथ मेक एन इम्प्लीमेंट लॉज, बिल्कुल सही बोला आपने सिद्धार्थ, और दोनों अलग अलग लॉज क्या बनाते हैं, दोनों में क्लैश क्यों नहीं होता मोस्ट केसेस में, वो चीज़ मैं आपको कुछ ही देर में यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको बताना चाह रहा था पार्लियामेंट इज नॉट द सेम एज CG, स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट द सेम एज SG, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल है पंकज, अच्छे से पढ़ेंगे तो इससे शानदार कोई सब्जेक्ट नहीं है। सर बेनिफिट टू टैक्स पेड रेशियो फॉर मिस्टर बी, अच्छा आप अभी उसी पे अटके हुए हैं। बेनिफिट टू टैक्स पेड का जो रेशियो है मिस्टर बी का वो ज़्यादा है, विच इज़ अनफेयर फॉर ए। ओके नहीं ना भावेश, आप इस चीज़ को समझिए, आप ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस की अगर आप बात करेंगे तो डायरेक्ट टैक्स क्योंकि ए से नहीं लिया जा रहा तो वो ज़्यादा खर्चा करके भी कम टैक्सेस पे कर रहा है, वेराज ए की बात करेंगे तो वो कम खर्चा करके भी 40% के रेट पे इनकम टैक्सेस पे कर रहा है, तो ये तो ए के लिए अनफेयर हो गया। आप प्रैक्टिकली देखिए ना, ए ने ज़्यादा टैक्सेस पे करे हैं परसेंटेज वाइज, लेकिन क्या उसकी कैपेसिटी है पे करने की? बिल्कुल है, उसके पास अभी भी 600 करोड़ रुपये बचेंगे, तो आप उसको गरीब बोलेंगे? आप उसको ये बोलेंगे उसका घर चलाना मुश्किल हो जाएगा? नहीं। लेकिन बी की बात करिए, 50,000 रुपये की इनकम पे 20,000 रुपये का वैसे ही खर्चा निकल के आ रहा है, बाकी और भी खर्चे होने वाले हैं, उस इंसान को अगर ये बोला जाएगा 20,000 रुपये आपको टैक्सेस के नाम पे, इनकम टैक्स के नाम पे करने पड़ेंगे, कितनी ही घटिया चीज़ हो जाएगी, वो इंसान की सर्वाइवल वो बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है, एंड सर्वाइवल जो भी इंसान उसमें ही स्ट्रगल कर रहा है उसको आप कह रहे हैं इनकम टैक्सेस के नाम पे और टैक्सेस पे करिए। तो हर बार इट इज़ नॉट अबाउट इक्वालिटी, इक्वल एंड इक्विवेलेंट दोनों में आपने एक डिफरेंस समझा होगा शायद, स्कूल के टाइम पे पढ़ते थे हम, दोनों को इक्वल टैक्सेस पे करने होंगे, इक्वल परसेंटेज पे करना होगा, ये बोला जाता है कहाँ पे, इनडायरेक्ट टैक्सेस में, कि दोनों को एक ही रेट पे करना होगा। लेकिन इक्विवेलेंसी कहाँ पे चेक करी जाती है, इनकम टैक्सेस में या फिर किसी भी और डायरेक्ट टैक्स में चेक करा जाता है, कि बस ये मत देखो दोनों को सेम परसेंटेज पे करना पड़े, कैपेसिटी को चेक करो किसकी पेइंग कैपेसिटी कितने की निकल के आती है, एंड उसके बेसिस पे उस पर टैक्सेस लगाओ, ये चेक करो किसका कितना पे करना, किसी की पॉकेट कितनी ज़्यादा मोटी है, कितना पे कर पाएगा प्रैक्टिकली, है ना, उसके बेसिस पे कलेक्शन करो देश को चलाने के लिए, एंड होना भी ऐसे ही चाहिए। वॉट इज टैक्स हेवन? टैक्स हेवन नहीं होती वरुण, टैक्स हेवन होती है HAVEN, पढ़ेंगे इसको भी हम आगे जाके, ये भी हमारा आने वाला है, बहुत शानदार एक वोडाफोन की केस स्टडी आएगी वहाँ पे, मैं आपको बताऊँगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ हल्का सा, एंड देन आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई, इनकम टैक्स एक्ट आज के टाइम पे जो लगाया जा रहा है वो इनकम टैक्सेस लेवी करने के लिए CG के पास पार कहाँ से आती है या फिर SG क्यों नहीं लगा पाती, वो हमें कहाँ से पता चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है, ये सबसे बड़ा लॉ निकल के आता है। एंड अगर आपने कोई भी लॉ बना दिया, कोई भी सरकार ने, जो इसकी कन्फॉर्मिटी में नहीं निकल के आता, तो उसको क्या बोला जाएगा? अल्ट्रा वायस बोला जाएगा, इलीगल माना जाएगा, किसी को भी मानने की जरूरत नहीं है, वॉइड माना जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 246 को, अच्छा ये वाली लाइन हमने नहीं पढ़ी, कोई भी मेरे को बता क्यों नहीं रहा ये? हमने ये लाइन को स्किप कर दिया, ऐसे मुझे बता दिया करो, नहीं तो रह जाएंगी ऐसे कोई भी लाइन्स। थैंक यू जी अंकित। आर्टिकल नंबर 265 ये वाला पार्ट हमारा रह गया था, इसको रीड करिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 246, वो तो हमने हल्का फुल्का पढ़ लिया, लेकिन ये वाले पार्ट को एक बार रीड करिए, ये रह गया था। आर्टिकल नंबर 265 जो निकल के आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या बोलता है? वो कहता है कोई भी टैक्स आप लेवी नहीं कर पाएंगे, किसी पे लगा भी नहीं पाएंगे, और उसे कलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, डिमांड भी नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी कि जब तक आपने कोई लॉ पास नहीं करा है, कोई एक्ट पास नहीं करा है जो कि आपको ये वाली पार देता है कि आप टैक्सेस लगा पाएं, तब तक आप किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि इनकम टैक्स पकड़ाओ। तो ऐसा नहीं है मेरे पास कोई भी सरकार आके बोलेगी भाई साहब ये वाले टैक्सेस पे कर दो, बहुत कमा रहे हो और मुझे देने पड़ेंगे, मैं बोलूँगा एक्ट दिखाओ, और अगर वो एक्ट को दिखाएंगे तो फिर मैं क्या बोलूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी मैं चेक करूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनके पास ये वाला काम करने की पावर थी या नहीं थी, अगर थी तब जाके मुझे एक्ट मानना ही पड़ेगा, और चाहते ना चाहते हुए भी टैक्सेस मुझे पे करने ही पड़ेंगे। तो ये आपको यहाँ पर बोला गया है, बेसिक सी स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मुझे इतना पता चल गया है लॉ तो बनाना पड़ेगा, अब लॉ बनाता कौन है?
स्टेट गवर्नमेंट कौन से वाले लॉज बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से वाले लॉज बनाती है। दिस इज अनदर वेरी गुड क्वेश्चन जो कि आंसर होने वाला है यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सेवन स्केड्यूल जो निकल के आता है आर्टिकल नंबर 246 का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर तीन लिस्ट निकल के आती हैं जो कि बताती हैं पार्लियामेंट कौन सी वाली चीज़ पे लॉज बनाने वाला है एंड स्टेट लेजिस्लेचर कौन सी वाली चीज़ पे लॉ बनाने वाली है। अब आने वाली डिस्कशन में ना कहीं हम लूजली हो सकता है ये वाली चीज़ बोल दें कि इस पे सीजी लॉ बनाती है, इस पे एसजी लॉ बनाती है, मान के चलिएगा इनके बारे में बात करी जा रही है। वो जो स्टेटमेंट दी जाती है ये सेंटर का लॉ है, ये स्टेट गवर्नमेंट का लॉ है, वो लूज स्टेटमेंट्स होती हैं। टेक्निकली बात करेंगे तो ये बनाते हैं लॉज। अब देखिए ये वाली लिस्ट के अंदर जो तीन निकल के आती हैं, तीन लिस्ट, उनमें क्या बोला गया है ध्यान से देखिएगा। शिफ्टेड वाला पॉइंट इन द फर्स्ट पेज वो भी रह गया था। अच्छा करेक्ट 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 करेक्ट, थैंक यू सागर। करते हैं इसको टेकअप करते हैं सागर, याद रखिएगा अभी टेकअप करेंगे, एक बार ये वाले पार्ट को रीड कर लेते हैं। चलिए देखना चालू करिए, यहाँ पे तीन लिस्ट आपको बताई गई है कहाँ पे, सेवन स्केड्यूल के अंदर इन द आर्टिकल नंबर 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड फाइनली कॉन्करेंट लिस्ट। नाम से थोड़ा आइडिया लग रहा होगा आपको यहाँ पे क्या बोला जाएगा। यूनियन लिस्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें बता रखी हैं कि ये चीज़ें निकल के आती हैं, ये मैटर्स हैं जिन पे लॉज बनाए जा सकते हैं, जैसे कि नाम से थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, इन चीज़ों पे यहाँ पे लिस्ट के अंदर जो भी मैटर्स लेड डाउन है उन पे पार्लियामेंट को पूरी की पूरी पावर दी गई है, एक्सक्लूसिव पावर, कि तुम बनाओगे लॉज और अकेले तुम ही बनाओगे, स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंशनड है उन सारी की सारी चीज़ों पे लॉज अगर बनाने हैं तो कौन बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकता है, नहीं बनाना चाहे ना बनाए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेगी तो किसी को भी मानने की ज़रूरत नहीं है। सोच के देखिए यहाँ पे क्या आता होगा। अच्छा चलिए ये आंसर मत करिए, स्टेट लिस्ट की बात करिए। यहाँ पे क्या बताया जाता है, नाम से आइडिया लग रहा होगा, यहाँ पे वो चीज़ें बताई जाती हैं जिन पे लॉज बनाने की पावर किसके पास होने वाली है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास होने वाली है, एसएल के पास, एंड एक्सक्लूसिव पावर होने वाली है, यानी कि ये बनाएंगे और अकेले ये ही बनाएंगे। ये नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी हम तो बड़े हैं, हम जो बनाएंगे वो हम ही बना सकते हैं, तुम जो बनाओगे वो हम भी बना सकते हैं, नहीं, डीमार्केटेड है, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे। एंड तीसरी एक कॉम्प्लिकेटेड लिस्ट निकल के आती है, कॉन्करेंट लिस्ट, जहाँ पे वो मैटर्स लेड डाउन होते हैं जिन पे दोनों पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के दोनों लॉज बना सकते हैं, इस लिस्ट के अंदर जो भी चीज़ें कंटेंड है उन पे। अब सोच के देखिए हमारा जो इनकम टैक्स है वो कहाँ पे आता होगा, यहाँ पे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, इसको वन मानिए, इसको टू मानिए, इसको थ्री मानिए, रिप्लाई करिए। अनन हम 5:30 पे ब्रेक लेंगे 10-15 मिनट्स का, अभी इसको रिप्लाई करिए। वन थ्री, वन थ्री, ओके, थ्री नहीं होगा ना विनय, आप समझिए, अगर थ्री होता तो मैंने आपको जो बोला होता कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ये वाली चीज़ बोली है मुझे कि इनकम टैक्सेस मुझे पे करने पड़ेंगे, वो मुझे माननी पड़ सकती थी क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ये वाली चीज़ बोल दी और ये बोलने की पार है भी उनके पास। इनकम टैक्सेस की अगर आप बात करेंगे तो वो आते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अकेले पार्लियामेंट के पास ही पार है इनकम टैक्सेस के बारे में कुछ बोलने की। और इस चीज़ से आंसर निकल के आता है वो पहले क्वेश्चन का जो कि मैंने आपसे पूछा था कि दिल्ली गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट अगर आपको बोले लॉ मान के चलिए वो पास कर देते हैं अपने स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर और बोलते हैं कि आपको हमारी स्टेट वाले जो भी लोग निकल के आते हैं उनको बहुत कम 0.01% इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, आप कहेंगे 0.01% छोड़ो मैं 58 नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनली तुम्हारे पास पावर नहीं है ये वाला काम करने की, उतना करो जितना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोला गया है, खत्म बात। ये आपकी आर्ग्यूमेंट यहां से निकल के आती है। अब एक बार कॉन्करेंट लिस्ट को हम रीड करते हैं, यहां पे क्या कॉम्प्लिकेशन निकल के आती है समझिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो लिस्ट है ये बनाई गई थी क्या करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए, कि दोनों में लड़ाई नहीं हो, एसजी सीजी दोनों मिलके लड़े नहीं, गुथे नहीं कि भाई हमें ये वाली चीज़ पे लॉज बनाने हैं। अब ये लिस्ट बनाने के साथ साथ आपने तीसरी लिस्ट जो बनाती वहां पे आपने बोल दिया कि यहां जो मैटर्स आते हैं उस पे दोनों के दोनों पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के दोनों लॉज बना सकते हैं। भाई दोबारा लड़ाई की सिचुएशन तुमने क्रिएट कर दी, जो मैटर्स यहां पे आते हैं यहां पे आते हैं उनमें तो लड़ाई नहीं होने वाली, लेकिन जो मैटर्स यहां पे आते हैं उनका क्या, इनमें तो फिर लड़ाई होने लग जाएगी ना, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के दोनों लड़ने लग जाएंगे। तो सरकार ने कहा कि नहीं, लड़ाई नहीं होने वाली, उन्होंने एक और आर्टिकल पास करके बोल दिया कि जो भी मैटर्स यहाँ पे आते हैं उस पर दोनों लॉज बना सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट निकल के आया, पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बना रखा है लॉ वन उसमें कुछ बोला गया है, स्टेट ने जो भी बना रखा है लॉ नंबर टू उसमें कुछ और बोला गया है, तो दोनों में से एक लॉ को माना जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे भी आएगा ना
एक लॉ को हम बड़ा मान के चलेंगे। सोच के देखिए किसको बड़ा माना गया होगा, वन को या टू को, सीजी वाले लॉ को या फिर एसजी वाले लॉ को, सोचिए। वन और टू, वन सीजी, वन 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 वन। करेंगे अतुल, पेट्रोल, लिकर, टोबैको वगैरह वगैरह, ओपीएम, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती है? जीएसटी, हमारी जीएसटी के अंदर हमारी डिटेल में डिस्कशन होने वाली है। बहुत ही बढ़िया, सबके बिल्कुल परफेक्ट आंसर, वन। सीजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिखवा भी रखी है। इन द केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है तो टू दी एक्सटेंट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रहा है, वैसे दोनों के लॉज माने जाएंगे, लेकिन जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है ना, ए ने कुछ बोल दिया, बी ने कुछ बोल दिया, आपको ए की बात माननी पड़ेगी क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी गवर्नमेंट यहाँ पे मानी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये चीज़ आपको लिख के बोली गई है इसलिए मानी जाती है। सो इन द केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, लॉज जो भी पार्लियामेंट ने बनाए होंगे उनको ही एप्लीकेबल करा जाएगा, उनको ही मानना पड़ेगा। ये आपकी पहली नोटिंग निकल के आती है जो कि आपको करनी होगी, ये बुक में ही कर लीजिएगा, छोटी सी नोटिंग है। कैसे करेंगे, मैं आपको ये जो बुक की पीडीएफ अपलोड करवाऊंगा, वो अपलोडेड पीडीएफ के अंदर मेरे नोट्स भी होने वाले हैं, तो जब बुक आपके पास आएगी तब नोटिंग कर लीजिएगा, छोटी सी नोटिंग है। बड़ी जो भी नोटिंग होने वाली है वो मैं आपको खुद से करवाने वाला हूँ, लिख लिख के हम करने वाले हैं। चलिए ये वाले पार्ट को रीड करिए, आगे देखिए क्या बताया गया। कहीं भी किसी को भी कोई भी डाउट निकल के आता है ना तो सीधा पूछ लीजिएगा, मेरी वेट मत करिएगा कि मैं आपको डाउट्स के लिए बोलूँगा तब जाके आप पूछेंगे, पूछ लीजिएगा, मुझे दिख जाएगा, मैं रुक जाऊँगा, आंसर कर दूंगा एंड देन आगे बढ़ूंगा, कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे बीच में। चंदन कह रहे हैं कि सर आपके रिजल्ट्स कैसे थे प्रीवियस सीए इंटर फाइनल अटेम्प्ट्स के? बहुत बढ़िया थे चंदन, लेकिन अगर आप डेटा की बात कर रहे हैं तो डेटा हम कभी भी कलेक्ट नहीं करते मार्केटिंग करने के लिए। मुझे एज अ पर्सन पुश मार्केटिंग बिल्कुल भी समझ नहीं आती, तो आई नाइदर कलेक्ट एनी सच डेटा नॉट डू आई प्रोवाइड एनी सच मार्केटिंग टैक्टिक्स की इतने ये रिजल्ट्स आए हैं, ये रैंक होल्डर्स हैं वगैरह वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट। तो आपको मेरी साइड से कभी भी ऐसी मार्केटिंग देखने को नहीं मिलेगी। कोई नहीं अहमद, जितनी स्पीड से चालू होगी स्पैमिंग उतनी स्पीड से ख़त्म भी हो जाएगी। सितांशु बैठा है हमारी हेल्प करने के लिए। ओके जी, देखिए पार्लियामेंट हैज़ अ फर्दर पार, उनको एक और पार दी गई है क्या करने की, टू मेक एनी लॉ फॉर एनी पार्ट ऑफ इंडिया जो भी कंप्राइज नहीं है इन अ स्टेट, इवन इफ ये वाला जो मैटर है वो इंक्लूडेड है स्टेट लिस्ट के अंदर। समझ आया यहाँ पे क्या बोला गया है? बहुत बड़ी बात बोलती है, क्या बोला समझिए, इंडिया की ये टेरिटरी है। अब मेरे ड्राइंग कितनी शानदार है वो तो आपको समझ आ ही गया होगा, ये इंडिया की टेरिटरी है और मान के चलिए अभी कोई भी किसी भी नेशन के साथ हमारी लड़ाई होती है और वहां पे हॉस्टाइल टेक ओवर में ये वाला लैंड ले लिया जाता है। मैं कोई एडवोकेट नहीं कर रहा किसी भी गलत चीज को, मैं बस आपको एक एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ कि लॉ के अंदर बोला क्या गया है, दैट इज द ओनली इंटेंशन। चालू मत कर लीजिएगा दिस कंट्री वर्सेस दिस, वो सब हमें नहीं करना है, एटलीस्ट क्वालिटेटिव एजुकेशनल डिस्कशंस के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो मान के चलिए इंडिया ने अपनी टेरिटरी को ऐसे करके एक्सपैंड कर लिया, अब ये जो एरिया है ये कहाँ पे आने वाला है, कौन सी स्टेट के अंदर आने वाला है? कोई भी स्टेट में नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो भी स्टेट थी उसके साथ ऑटोमेटिकली ये एरिया भी अटैच हो जाएगा अगर यहाँ से एक्सपैंड हुआ है, तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो न्यूली एक्वायर्ड एरिया निकल के आ रहा है आज के टाइम पे कोई भी स्टेट नहीं है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई भी लॉज बनाने हैं जो वैसे बनाने की पावर किसके पास थी, स्टेट गवर्नमेंट की, तो अब क्या करा जाएगा, कौन सी स्टेट बनाएगी ये वाले एरिया के रिस्पेक्ट में कोई भी लॉज को, दिल्ली गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट? नहीं, कोई भी गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि उनकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता ही नहीं वो वाला एरिया, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पूरा का पूरा इंडिया आता है। तो ऐसा अगर कोई एरिया निकल के आता है जो कि कोई भी स्टेट के अंदर कंप्राइज नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में भी ये वाली जो चीज़ें हैं इनके रिस्पेक्ट में लॉज कौन बना सकती है, पार्लियामेंट बना सकती है, विच इज़ वेरी लॉजिकल ऑल्सो, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। तो किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक तो लिख दीजिएगा, मैं देखता रहूँगा। एंड आगे फाइनली आपको एक और चीज़ क्या बताई जा रही है, यूनियन लिस्ट में जो मैंने आपको बोला था इनकम टैक्स यहाँ पे निकल के आता है, वो यहाँ पे कहाँ पे निकल के आता है वो आपको बताया जा रहा है। लिस्ट की बात करेंगे तो इनको एंट्रीज में डिवाइड करा गया है, एंट्री नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे कर करके, एंड अलग अलग एंट्रीज में आपको मैटर्स बताए गए हैं जिन पे कोई भी सरकार लॉज बना सकती है। तो यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 को अगर आप देखेंगे, इसको मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में लर्न करके जाना होगा, एक मार्क का एमसीक्यू आ सकते हैं, और एक मार्क एमसीक्यू अगर आ जाता है तो उस केस में इसको आप इजीली टिक करके बहुत इजीली एक मार्क स्कोर कर सकते हैं, और उसको बिल्कुल भी अंडरमाइन मत करिएगा, एक ही तो मार्क है। पेपर 100 मार्क का होगा, लाने हमें 80 हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन रिक्वायर्ड कितने हैं, 40 रिक्वायर्ड हैं, 40 में अगर आप एक मार्क की बात करेंगे ना
बहुत बढ़िया है ये। तो एक एक मार्क ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से जहाँ से आपको मिल सकता है हमेशा लेने की कोशिश करिए। तो एंट्री नंबर 82 जो निकल के आती है यूनियन लिस्ट की, उसने पार्लियामेंट को पावर दे रखी है क्या करने की, टू मेक लॉज ऑन टैक्सेस ऑन इनकम अदर दैन एग्रीकल्चरल इनकम। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। क्या बोला गया, इनकम पे अगर आपको टैक्सेस लगाने हैं, टैक्सेस अलग अलग चीज़ों पे हो सकते हैं, गुड्स पे भी हो सकते हैं, सर्विसेज पे भी हो सकते हैं, उनके इंपोर्ट पे हो सकते हैं, उनकी सेल पे हो सकते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग पे हो सकते हैं, ऐसे ही इनकम कमाई है उस पर हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर टैक्सेस हो सकते हैं, हमारी सांस लेने पर हो सकते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है तो उस पर भी टैक्सेस लगाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कौन से टैक्सेस लगाने की पावर दी जा रही है एंट्री नंबर 82 के अंदर, इनकम पे टैक्सेस लगाने की। लेकिन कौन सी इनकम, इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। तो मेरा एक छोटा सा सवाल आपके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट मान के चलिए लॉ के अंदर बोलती है, इनकम टैक्स एक्ट जो आज के टाइम पे है, जो हम पढ़ने भी वाले हैं पूरे के पूरे कोर्स के अंदर, वहां पे बोल दिया जाता है एग्रीकल्चरल इनकम, बहुत उसके ऊपर हम एक बहुत छोटा सा टैक्स लगाना चाहते हैं जो कि निकल के आता है एट द रेट ऑफ 0.01%। लॉ के अंदर ये लिख दिया जाता है कि कल से लगाया जाएगा। क्या एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्सेस पे करने की जरूरत पड़ेगी, येस और नो? लॉ के अंदर लिख दिया गया है, मान के चलिए क्या पे करना पड़ेगा, येस और नो? ध्यान से सोचिएगा, यही छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपके क्लाइंट्स कल को आपसे पूछने वाले हैं, एंड इनको ही आंसर करने के लिए, अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में पता होगा आप आंसर भी अच्छे से दे पाएंगे, नहीं तो आप कहेंगे ये सारी चीजें मैटर नहीं करती, मैं आपका काम कर दूंगा, बस रिटर्न फाइल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपको केस जता दूंगा, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो मत मुझसे पूछिए, एंड दिस इज नॉट द साइन ऑफ अ वेरी गुड कंसल्टेंट। बहुत ही शानदार, मुझे बस एक गलत आंसर दिख रहा है, बाकी लाइन से नो 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 सबके नो आ रहे हैं। और एक बहुत ही क्वालिटेटिव आंसर आया है एस सागर का, उन्होंने बोला दिस इज अल्ट्रा वायर्स। बहुत बढ़िया सागर, आपको ये सारी चीज़ें समझनी है कि ये जो टेक्निकल लैंग्वेज है कहाँ पे यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, और यही आपके आंसर को बाकी आंसर से बेटर बनाएगी। इफ़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन देन येस अदरवाइज नो, गुनीत वही तो चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोला गया है इनकम अदर दैन एग्रीकल्चरल इनकम, उस पर टैक्सेस लगाए जा सकते हैं, बट इनकम टैक्स एक्ट में आपने बोल दिया मैं तो एग्रीकल्चरल इनकम उसको भी टैक्स करना चाहूँगा, नहीं कर पाओगे। किसी को भी ये वाली पावर नहीं दी जाती, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से आपको नहीं दी गई है, वो लॉ बनाने की पावर आपके पास ऑटोमेटिकली आ ही नहीं सकती। अब एक और छोटी सी चीज़ को आंसर करिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है टैक्सेस ऑन इनकम अदर दैन एग्रीकल्चरल इनकम, इस पे आप क्या कर सकते हैं, टैक्सेस लगा सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी मैंने आपको बोला था इनकम टैक्स एक्ट में वो बोल देती है लेकिन फिर भी टैक्स नहीं कर पाती, लेकिन क्या सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई भी तरीका है जिसको यूज़ करके वो टैक्सेस लगवा जाए एग्रीकल्चरल इनकम पे, येस और नो? अब आंसर दीजिएगा, अगर येस निकल के आता है तो वन बोलिएगा, नहीं तो टू बोलिएगा, क्योंकि येस नो से तो वैसे ही स्क्रीन भरा है, मुझे पता नहीं चलेगा पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप या फिर नए वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। द क्वेश्चन इज, क्या सीजी के पास कोई भी तरीका है टू मेक श्योर दैट वो एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स करने लग जाए, बताइए येस और नो? मनीष, नवंबर 22 की अमेंडमेंट्स जो हैं वो ये वाले महीने के स्टार्टिंग में ही अपलोड कर दी गई थी, चेक करिए आपके पास मेल आया होगा हमारी टीम से। बहुत ही शानदार आंसर आया है प्रेम का, उन्होंने कहा है पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो, सार्थक ने भी यही बोला, बाकी सारे स्टूडेंट्स ने भी यही बोला है। साक्षी कह रही है कि मुझे इग्नोर मत करिए, साक्षी मैं जान के इग्नोर नहीं कर रहा हूँ किसी भी स्टूडेंट को, बहुत सारे मैसेजेस जब एक बार में आते हैं तो कभी कभी रह जाता है क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन अगर ऐसे रह गया है प्लीज़ दोबारा पंचिंग कर दीजिए, मैं आंसर कर दूंगा, जान के मैं कभी भी किसी को भी इग्नोर नहीं करता। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन को बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट। सर क्या अब आईसीए नहीं पढ़ाओगे? साक्षी आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ एक बार दोबारा उसको रीफ्रेज करिए। ओके, सो 1 2 1 2 1 2 1 2 अलग अलग आंसर्स हैं, द करेक्ट आंसर इज बिल्कुल करा जा सकता है, लेकिन वो करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट भी आपको चेंज करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज करा जा सकता है? करा जा सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना इतना आसान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी भी आपकी ये MPs निकल के आते हैं, बाकी जो भी MPs आपके इलेक्ट हो रखे हैं, MLAs जो भी निकल के आते हैं, सबको ही कन्फॉर्मिटी में लेके आना पड़ेगा, अच्छी खासी परसेंटेज लेके आनी पड़ेगी अपने फेवर में, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करा जा सकता है। अकेले बैठे बैठे CG या फिर SG दोनों में से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर पाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना बहुत बड़ा प्रोसेस निकल के आता है, इतना आसान नहीं है, लेकिन चेंज हो सकता है। GST के टाइम पे हुआ भी है। क्यों हुआ है, चेंज करने की रिक्वायरमेंट क्या निकल के आ रही थी, चेंज क्यों करा गया, क्या करा गया, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन GST में पढ़ेंगे और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है।
लेकिन अभी ये वाले पार्ट को पढ़ लेते हैं। तो चलिए, यहां तक मैंने आपको इतनी चीजें बताई हैं, लास्ट ये वाले पार्ट को एक बार देख लेते हैं एंड देन हम एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद यहां से हम चालू करेंगे। 15 मिनट की ब्रेक ले लेंगे, 10 से 15 मिनट की, एंड फिर आगे से चालू करेंगे। अभी बस ये वाली चीज को देख लीजिए, ये वाले पॉइंट को जो हमारा रह गया था, और ऐसे अगर कुछ भी रह जाता है तो हमेशा पूछ लिया करिए ताकि मैं आपको बता पाऊं इन सारी चीजों के बारे में, और कोई भी पॉइंट हमारा रह नहीं जाए। देखिए जी, बताया क्या गया है यहां पे, आपको बताया गया है डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में कि इनका जो बर्डन निकल के आता है ये शिफ्ट नहीं करा जा सकता किसी और इंसान पे। इसका मतलब क्या निकल के आता है समझिए। अच्छा, मैं एक एग्जांपल आपको जीएसटी में बहुत ज्यादा दिया करूंगा कि मैं घड़ियां बेचता हूं, मेरा घड़ियों का शोरूम है दिल्ली के अंदर। एक्चुअली नहीं है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, और आपको मेरी काफी वीडियोस में देखने को भी मिलेगा घड़ियां कैसी चल रही हैं सर, एसडे वॉचेस कैसी चल रही है वगैरह वगैरह। वो फिक्शनल एंटिटी है जो कि मेरे स्टूडेंट्स बार बार डिस्कशन के अंदर लेके आते रहते हैं। वो जीएसटी समझाने के लिए बार बार फिक्शनल एंटिटी को मैं लेके आता हूं एग्जांपल्स के अंदर। तो एसडे वॉचेस मेरा शोरूम है दिल्ली के अंदर, अगेन फिक्शनल है, हाइपोथेटिकल है। वो जो शोरूम है, मान के चलिए वो शोरूम ने कमाई करी है, मतलब उस बिजनेस से मैंने कमाई करी है लेट्स से 2 करोड़ की। अभी जो कमाई निकल के आती है उस पर सरकार क्या कह रही है, टैक्सेस पे करो। मैं कह रहा हूँ ठीक है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं घड़ी आपको बेचने के टाइम पे, मान के चलिए आप घड़ी खरीदने आते हैं, तो मैं ये कर सकता हूँ कि घड़ी बेचने के टाइम पे मैं आपको बोलूँ कि भाई साहब 50,000 रुपये घड़ी की कॉस्ट, और इस साल में ना मेरे को इनकम टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा निकल के आते हैं, तो इनकम टैक्स के नाम पे आपको मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 10,000 रुपये, जीएसटी के नाम पे आपको देना पड़ेगा 12,000 रुपये, टोटल आपको मुझे देना पड़ेगा 72K। अगर आपको ये घड़ी मुझसे खरीदनी है तो कॉस्ट के साथ साथ आपने जीएसटी तो बहुत बार देखा होगा बिल के अंदर, कभी भी जिंदगी में इनकम टैक्स अलग से मेंशन देखा है, यस और नो? करण कह रहे हैं एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ये भी बहुत शानदार डिस्कशन है, करेंगे किसी दिन, याद दिलाइएगा मुझे, लेकिन अभी आप करने के लिए इसको तैयार नहीं है। एक सेक्शन हम पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 10(1), वो पढ़ने के बाद डिस्कशन करेंगे, बहुत शानदार डिस्कशन है, याद रखिएगा इसको डाउट को। नो, बिल्कुल सही बात है, मैंने इनकम टैक्सेस जो भी पे करे होंगे करे होंगे, मैं कॉस्ट में ऐड करके जो रिकवर करना चाहता हूं कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स के नाम पे मैं आपसे रिकवरी नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बोल सकता मुझे बैक एंड में इनकम टैक्सेस इतने पे करने पड़ेंगे, तो आपको मुझे फ्रंट एंड में इनकम टैक्सेस के नाम पे इतना पे करना पड़ेगा, कभी भी नहीं करा जा सकता, यानी कि इनका जो बर्डन निकल के आता है वो शिफ्ट नहीं करा जा सकता। अगर मैंने सरकार को पे करे हैं तो मैं आपसे इसके नाम पे कलेक्शन करके अपने बर्डन को कम नहीं कर पाऊंगा, ये होती है नेचर किसकी, डायरेक्ट टैक्सेस की। बट अब बात करिए जीएसटी की, जीएसटी में क्या हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं घड़ी बेच रहा हूँ आपको, घड़ी खरीदने के टाइम पे मैं लेके आया था 30K प्लस जीएसटी पे, और आपको मैंने बेची है, यहाँ पे एसडी वॉचेस है, ये घड़ी मैंने आपको बेची है 50K प्लस जीएसटी पे। अभी जीएसटी के अंदर मैं आपको और डिटेल में दिखाऊंगा कैसे करा जाता है, बट अभी सुन लीजिएगा इस चीज़ को, घड़ी लेके जब मैं आऊँगा ना तब मैंने जीएसटी सरकार को पे करा ज़रूर होगा, लेकिन पूरा का पूरा जितना भी मैंने पे करा होगा वो मैं आपसे रिकवर कर लूँगा, कंज्यूमर से, यानी कि ये मेरे ऊपर बर्डन की तरह नहीं आने वाला। इवेंचुअली कौन पे करेगा, कौन बर्डन को बेयर करेगा, फाइनल कंज्यूमर करेगा। बीच में जितने भी सेलर्स निकल के आते हैं, रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर वगैरह वगैरह, वो जीएसटी पे करेंगे सरकार को, लेकिन उसका जो बर्डन है ना वो पास ऑन कर देंगे किसको, इवेंचुअल जो भी आपका फाइनल कंज्यूमर निकल के आता है उसको। विच इज़ वाई इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर आप बात करेंगे, कोई भी टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स, तो उसकी नेचर क्या निकल के आती है, इनका बर्डन शिफ्ट करा जा सकता है। गुड्स और सर्विसेज बेचने के प्रोसेस में, सप्लाई चेन में, बहुत सारे लोग सरकार को टैक्सेस पे करेंगे, लेकिन इवेंचुअली बेयर कौन करेगा, फाइनल कंज्यूमर करेगा जो कि इन चीज़ों को कंज्यूम करता है। क्या ये डिफरेंस सबको क्लियर हो गया है, येस और नो? या फिर कोई भी डाउट है तो वो भी बता दीजिएगा। अगर क्लियर हो गया है तो येस लिख दीजिए, डाउट है तो डाउट बता दीजिए। सर, शादी में जो दहेज दिया जाता है क्या वो टैक्सेबल हो जाता है क्या? क्या है राधा अंश? करेंगे इसके बारे में डिस्कशन, सेक्शन नंबर 56-10 के अंदर करेंगे, अदर सोर्सेस करके एक चैप्टर आने वाला है, वहां पे करेंगे डिस्कशन। डजंट दैट मेक जीएसटी कंपाउंडेड? नहीं, आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो कंपाउंडिंग इफेक्ट क्यों नहीं होता है, उसके बीच में एक ITC वाली चीज निकल के आ जाती है जिसकी वजह से एक इफेक्ट होता है जिसको बोला जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट, वो नहीं निकल के आता, पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन जीएसटी में पढ़ेंगे। ओके, एक डाउट आया था वो ऊपर निकल गया है, रुकिए। अगर नया टेरिटरी को नया स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए देन दैट स्टेट कैन चेंज द प्रीवियस लॉ बिकॉज इट वॉज मेड बाई CG? करेक्ट निश्चल, जैसे ही वहाँ पे कोई ना कोई स्टेट अनाउंस कर दी जाती है कि अब ये वाली स्टेट के अंडर आएगा, ये वाला नया एरिया,
तो अब स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी मैटर्स बताए गए थे वो वही वाली स्टेट गवर्नमेंट उनके रिस्पेक्ट में लॉज बना सकती है, पुराने सीजी वाले जितने भी स्टेट वाले लॉज होंगे वो रिपील हो जाएंगे, वो हटा दिए जाएंगे। बिल्कुल हो सकता है, आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा मैं, जेके जो भी आपने लिखा हुआ है, हो सकता है बिल्कुल। और उसमें देखिए मैं अपना बहुत ज़्यादा रोल नहीं रखूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं कोई जादू कर देता हूँ सेशंस के अंदर, आप मुझसे पढ़ के 95 ला सकते हैं। मैं देखिए आपकी हेल्प जहाँ जहाँ निकल के आती है ना, पूरा सब्जेक्ट आपको समराइज करना है, समझना है, लर्न करने के लिए टेक्निक्स चाहिए, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, मुझसे क्वेश्चन चेक करवाने हैं, जितनी असिस्टेंस हो सकती है मैं पूरी की पूरी दूंगा। मैं आपको इतनी एश्योरेंस दे सकता हूँ कि एक भी डाउट आपका ऐसा नहीं होगा जो कि आप बोलें कि आपको चीज़ समझ नहीं आई है और मैं कह दूँ नहीं मैं इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता, मैं समझाऊंगा किसी भी तरीके से, इतनी एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूँ। बट क्या अकेले ये वाले काम से आपके मार्क्स आ जाएंगे? नहीं आएंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्क्स आपके तभी आएंगे जब आप खुद से मेहनत करते हैं, आपको चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद से भी, तो 95 के 100 भी आ सकते हैं। मतलब ऐसे प्रोफेशनल एग्जाम्स में आते नहीं है प्रैक्टिकली 100, लेकिन सोचना तो हमें वही चाहिए, तभी जाके कुछ ना कुछ डिसेंट मार्क्स आएंगे, 80 प्लस आएंगे। वैसे 60 प्लस भी अच्छा माना जाता है, एग्जेम्पशन अगर आ जाती है तो CA के लेवल पे अच्छा ही माना जाता है उसको भी। मैरिज गिफ्ट्स आर कम्प्लीटली फ्री, हाँ बट उसमें ब्लैक मनी लेना देना बताऊंगा खैर मैं उसके बारे में आपको कुछ। सर एक्सप्लेन अबाउट गोल्ड प्राइस, ये क्या होता है भाई, अब गोल्ड प्राइस के बारे में क्या बताना है मुझे आपको? सर टीम को कैसे कॉन्टैक्ट करूँ, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। टीम का नंबर है 8929737672, लिख देता हूँ मैं। आपकी कोई भी अगर क्वेरी निकल के आती है, क्लास एक्टिवेशन में दिक्कत आ रही है, बुक्स के बारे में इंक्वायर करना है कब आने वाली है कब नहीं आने वाली है वगैरह वगैरह, तो दिस इज सिंगल नंबर 8929737672, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा या टेलीग्राम कर दीजिएगा, रिप्लाई आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई इंसान जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट का है वो रिप्लाई कर देगा। हाँ टी ब्रेक का टाइम हो गया, चलिए जी टी ब्रेक लेते हैं, 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5:50 पे वापस मिलेंगे, 5:50 या 5:55 के आसपास, तो यहीं पे रहिएगा। एंड मतलब स्क्रीन तो आपको दिखता रहेगा, सेशन लाइव रहेगा, बट 10-15 मिनट्स में मिलते हैं एंड यहाँ से रिज्यूम करते हैं। रिज्यूम जब करेंगे तब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको, ये दिखाऊंगा कि अभी तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करी है, अब इनकम टैक्स लॉ में ना बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है, इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, कोर्ट के डिसीजन वगैरह वगैरह, सब पढ़ना होगा आपको। अब सब पढ़ लेंगे, सब में क्या बोला गया है समझ लेंगे, लेकिन इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए क्यों गए हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या निकल के आ रही है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि हम कब देखेंगे, ब्रेक के बाद देखेंगे, और बहुत शानदार एग्जांपल्स के साथ देखेंगे, काफ़ी सारी नोटिंग भी आपको करनी होगी, तो सब कुछ करेंगे ब्रेक के बाद करेंगे। चलिए 5:50 और 5:55 के आसपास वापस आ जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक्स फॉर द अप्रिसिएशन एमआर जीटी शॉर्ट्स।
देखना हो गया सेशन चालू। नहीं वहां नहीं आएगा, मेन उस पर जाके देखो यूट्यूब पे। हो गया ना? चलिए जी कितनी बार बोल रहे हैं गुड इवनिंग जिम जिम। चलिए जी 5:55 हो गए, चालू करते हैं सेशन को, रिज्यूम करते हैं। हाँ पूछिए मिकी, आपका जो भी डाउट है पूछिए। मेरी तो चाय भी नहीं बनी सर जी, चाय बना के पीना तो मुश्किल होगा, बनी बनाई होती तो पी लेते 15 मिनट में। सर आप हमें अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो क्या? अगर हाँ तो कितने प्राइस में? आपको कंसल्टेंसी क्यों चाहिए, आप तो पढ़ रहे हैं ना, सीखिए चीज़ों को। कंसल्टेंसी जो होती है उसका प्राइस देखिए फिक्स नहीं होता कभी भी, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्कोप ऑफ वर्क। जो भी काम करवाना है सामने वाले क्लाइंट को, वो पहले काम समझा जाता है, देन आपका टाइम कितना लगेगा वो देखा जाता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कोटेशन दी जाती है। सो देयर इज नो सिंगल प्राइस ऑफ कंसल्टेंसी। वॉट इज STT? STT सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, स्टॉक मार्केट की ट्रांजेक्शन पर लगाया जाता है। आवाज सही आ रही ना सितांशु? ठीक, फाइनल का है ये या फिर इंटर का? दिस इज फर्स्ट ईयर इंटर लेवल। सी ए फाइनल की जो क्लासेस हैं वो नवंबर से चालू होने वाली हैं। सर मेरी आईटी का GSTR, GSTR आपको बहुत आसान लगने वाली है। GSTR मैं आपको दिखा भी दूंगा, GSTR कैसे फाइल करी जाती है, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करी जाती है। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। एक बार अगर आपने सिलेबस को समझ लिया, आपने प्रोविजंस को समझ लिया, देन देर इज नो कॉम्प्लिकेशन इन फाइलिंग द रिटर्न्स। बहुत बेसिक चीज़ है। बट रिटर्न अगर आप चीज़ों को ही नहीं समझेंगे तो वो भी नहीं समझ आने वाली आपको, कैसे करी जाती है फाइलिंग, टैक्सेस बचाए कैसे जाते हैं क्लाइंट्स के केस में, खुद के केस में, वगैरह वगैरह। सर कॉर्पोरेट टैक्स कहाँ पे आएगा? आपके सिलेबस के अंदर ही आएगा। कंपनीज की टैक्सेशन कैसे होती है वो भी आपको बताया जाएगा, सिलेबस का पार्ट है वो। सर वो कंसल्टेंसी आपके कोर्स में GST बचाने के लिए ले कंसल्टेशन के लिए टीम को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए। दिस इज नॉट द प्लेस, यहाँ तो आपका लेक्चर चल रहा है। ठीक है आपको सुना, थैंक यू नारायण, थैंक यू जी। व्हाट इज क्वांटिटेटिव ईजिंग? सब पढ़ा देता हूँ मैं तुम्हें बायो भी पढ़ा दूंगा, मैं तुम्हें फाइनेंस भी पढ़ा दूंगा, टैक्सेशन अकाउंटिंग सब मैं ही पढ़ा दूंगा, सब मुझसे पूछ लो। सर मैं IIT में पढ़ रहा हूँ फिर भी लेक्चर, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, तो गेम चेंजर वहाँ पर टैक्सेशन। चलिए जी चलिए सेशन को चालू करते हैं। आई डोंट सी एनी टैक्सेशन डाउट्स, तो आई एम प्रिज्यूमिंग कि किसी को कोई भी डाउट नहीं आ रहा है। अब हमें ये देखना चालू करना है कि इनकम टैक्सेस के बारे में हम जो भी पढ़ेंगे, वो पढ़ाने के टाइम पे ना मैं आपको बहुत बार बताऊंगा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये चीज़ प्रोवाइड करी गई है, नोटिफिकेशन में ये बोला गया है, सर्कुलर, ऑर्डर, रूल्स, कोर्ट ऑर्डर्स के बारे में बात करी जाएगी, जजमेंट्स के बारे में, तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करी जाएगी, विच मेक्स यू थिंक अबाउट द वेरी फैक्ट कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बनाए क्यों गए हैं। जो भी बोलना था इनकम टैक्सेस के बारे में एक जगह पे बोल देते, इनकम टैक्स एक्ट में बोल देते, लेवान के लिए कितना डिफिकल्ट कर दिया, उसको एक्ट भी देखना पड़ेगा, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, रूल्स, इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, कोर्ट की जजमेंट्स देखनी पड़ेंगी, तब जाके पता चलेगा होलिस्टिकली इनकम टैक्स लॉ के अंदर क्या बोला गया है। तो इतनी कॉम्प्लिकेशन करी क्यों गई है? अब अगेन दो तरीके निकल के आते हैं। पहला तो ये तरीका है, मैं आपको बोल दूँ रट लो, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें ये बोला जाता है, इसमें ये बोला जाता है, इसमें ये बोला जाता है, रट के पेपर में चले जाना। पेपर के लिए ये वाली चीज़ जाननी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्यों बनाए गए हैं। क्या ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्यों हैं? मेरे हिसाब से तो पता होना चाहिए। क्यों? अकेले इनकम टैक्स एक्ट नहीं है जहाँ पे ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जितने भी लॉज हैं, कंपनी लॉ की बात करिए, इनकम टैक्स एक्ट की बात करिए, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की बात करिए, जितने भी आपके लॉज निकल के आते हैं सब में आपको ये वाली चीज़ देखने को मिलती है। एक्ट भी होता है, रूल, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, इतनी सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो अभी मैंने आपको अगर लॉजिक बता दिया तो इन सारी चीज़ों में आपको ये सारी चीज़ें समझने में हेल्प करेगा।
और अभी अगर मैंने आपको रटने के लिए बोल दिया, पूरी ज़िंदगी ये सारी चीज़ें आप रटते रह जाएंगे और एंड अगेन आपके पास कभी भी आंसर नहीं होने वाला टू बी एबल टू टेल एनी वन कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं। तो अब बिफोर टेलिंग यू कि ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, इनके अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो भी पास करे जाते हैं ये कौन सी वाली अथॉरिटीज़ करती हैं। आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्यों बनाए गए और बनाने के पीछे पर्पस क्या है। सिर्फ बनाने के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए गए हैं, हर डॉक्यूमेंट जो भी सेपरेट करा गया है यहाँ पे और यहाँ पे जो भी चीज़ें बोली गई हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में क्यों बोली गई हैं उसके पीछे रीज़न निकल के आता है। बस आपकी समझने की इंटेंशन होनी चाहिए। समझा तो मैं दूंगा। चलिए हाँ बायो पहले पढ़ाओ, सही जा रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो प्रियांशु। चलिए नोटिंग करनी है आपको, चालू करनी है और नोटिंग से आपको ये समझ आने लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो भी अलग अलग जगहों पे प्रोवाइड करी गई हैं वो क्यों करी गई हैं, कैसे करी गई हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको आइडिया लगेगा। तो मैंने आपको बोला था ना आपको एक रजिस्टर वो लेके आना होगा, आपको जो टीम का मैसेज आया था आज उसके अंदर ये वाली चीज़ लिखी हुई थी। रजिस्टर में आपको नोटिंग करनी चालू करनी है और नोटिंग के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। मान के चलिए मैं आपको ये वाला जो पार्ट है इसके बारे में कोई ना कोई चीज़ नोट करने के लिए बोल रहा हूँ, तो हमेशा क्रॉस रेफरेंसिंग करा करिए। कैसे करनी है, ये जो है ये मान के चलिए पेज एक सेकंड रुकिए मैं साइलेंट कर देता हूँ इसको। ये जो है मान के चलिए आपका पेज नंबर 2 पे है, तो पेज नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 तो आपको ये दिखेगा 1.2 पे। तो आपको क्या करना है, अपना लॉजिक का जो रजिस्टर है उस पर हर पेज को नंबर करिएगा एंड वहाँ पे जाके जहाँ पे भी ये वाली नोटिंग कर रहे होंगे ना जो मैंने आपको उस नोट के लिए बताई है वहाँ पे लिख दीजिएगा क्या पेज नंबर 1.2 एंड बुक के अंदर यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सी पेज नंबर, रजिस्टर का जो भी पेज निकल के आता है जहाँ पे आपने नोटिंग करी है वो लिख दीजिएगा जैसे कि सी पेज नंबर 5। सो बेसिकली इससे होने क्या वाला है, जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करके बुक को पढ़ना चालू करेंगे ना तो बुक पढ़ने के प्रोसेस में बीच बीच में आपको जगह देखेंगी जहाँ पे आ रहा होगा सी पेज नंबर 5, सी पेज नंबर 27, तो आपको पता होगा किस चीज़ के लिए नोट आपने कहाँ पे लिखा है। ये नहीं होगा कि पूरा का पूरा पोथा आपने बना दिया किताबों का रजिस्टर्स का और आपको पता ही नहीं है कि किस चीज़ का नोट कहाँ पे लिखा गया था, जब पढ़ने की बारी आ रही है तो उस टाइम पे वो रजिस्टर आपका बेकार हो गया क्योंकि आपने क्रॉस रेफरेंसिंग नहीं करी है। तो ये जो क्रॉस रेफरेंसिंग है ये कर लीजिएगा। रूपेश कह रहे हैं उनको मैसेज नहीं आया है टीम से, मैंने आपको नंबर बताया था ना 8929737672, उनको एक बार मैसेज करिएगा एंड वो रिप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों हुआ है आई एम नॉट रियली श्योर, ऐसा होना नहीं चाहिए, आपके पास मैसेज आ जाना चाहिए। कोई नहीं, चलिए अब नोटिंग करनी चालू करिएगा एंड बुक तो ऑफ कोर्स आपके पास अभी नहीं आई है, जब आएगी तब रेफरेंसिंग कर दीजिएगा, लेकिन अभी नोट्स जो आपको बनाने हैं वो बनाने चालू करिए। यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अकेले इनकम टैक्स में नहीं, जितनी भी जगह हैं वहाँ पे एक्ट अलग होता है, रूल नोटिफिकेशन ऑर्डर वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें अलग अलग क्यों निकल के आती हैं उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए जी यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ समझिए जो कि मेरी क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलवाएगी, क्या मेरी राइटिंग, अगर मेरी ये राइटिंग के बावजूद मेरी ऑल इंडिया रैंक 42 आ सकती है सी इंटरमीडिएट लेवल पे, तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आपका भी अच्छा स्कोप निकल के आ जाता है। काफ़ी बार राइटिंग के बेसिस पे लोगों को लगने लग जाता है कि मार्क्स कटेंगे, तो शायद नहीं कटते हैं, तभी मेरी भी आ गई थी और आपकी भी आ सकती है, बस प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है, जो भी चीज़ें आप लिख के आते हैं वो ढंग की लिख के आइएगा, मार्क्स आ जाएंगे। अब मेरी राइटिंग में एक और दिक्कत आपको आने वाली है, काफ़ी बार पता नहीं चलेगा कि ये क्या कीड़े मकोड़े मरे हुए हैं और यहाँ पर क्या लिख दिया है मैंने, तो अगर ऐसा कोई भी डाउट अगर आपका निकल के आ जाता है तो पूछ लीजिएगा। फिर भी समझ नहीं आता, वैसे लेक्चर में सारी चीज़ें मैं रीड आउट करता ही हूँ, फिर भी कोई डाउट रहता है तो स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे, मैं बता दूंगा क्या लिख रखा है मैंने, वहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल क्या होता है, दिमाग में ख्याली पुलाव बना रखें, यानी कि प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ किसी भी सेक्शन के अंदर नहीं बोली गई, कोई भी रूल के अंदर नहीं बोली गई, मैंने रैंडम सेक्शंस बना के आपको ये कम्युनिकेट करने के लिए कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं, एक रैंडम सिचुएशन बना रखी है बहुत आसान सी जिससे आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। बट टॉप डॉक्टर्स हैव इवन बस राइटिंग, वो ही है जितना ज़्यादा दिमाग उतनी गंदी राइटिंग। मेरी राइटिंग सर आई हैव जेन्युइन डाउट, प्लीज़ पूछिए अजान आपका जो भी डाउट है। चलिए तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन टू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रूल्स नोटिफिकेशंस एटसेट्रा ये लिखनी है। अभी नोटिंग करने के लिए ना एक छोटा सा काम करिएगा, आपको टाइम चाहिए नोटिंग करने के लिए मैं वो भी देने को तैयार हूँ, लेकिन काफ़ी बार दिक्कत क्या हो जाती है, बैच में कोई ना कोई स्टूडेंट तो होता ही है जो कि बहुत ही धीरे लिख रहा होता है, उनकी वेट करते करते बैच इरिटेट होने लग जाता है कि भाई इतना वेट करेंगे तो फिर बैच बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। या फिर मेरी सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ, मुझे क्या लगता था, टीचर्स जो भी नोटिंग करवाते थे क्लास के अंदर
मुझे लगता था कि ये चीज़ ना मैं किसी और तरीके से प्रेजेंट करूंगा अपने मटेरियल के अंदर, अपने रजिस्टर के अंदर, तो ज़्यादा अच्छे से मुझे समझ आएगी। मुझे निमोनिक्स भी बनाने हैं, मुझे टेक्निक्स भी बनानी है, मुझे चार्ट्स बनाने हैं, मुझे ब्लैक ब्लू पेन यूज़ करना है। मैं पता है अलग अलग पेन्स यूज़ करता था, ब्लैक ब्लू रेड, क्यों? आपका जो रजिस्टर है ना, जितना घटिया बनाएंगे आप, जितना गंदा दिखेगा, उतना ही कम मन करेगा उसको पढ़ने का। थोड़ा विजिबली अच्छा बना देंगे तो आपका पढ़ने का मन करेगा, उसको खोलने का मन करेगा। कोशिश करके करा करिए छोटी मोटी चीज़ें। अब मैं बता क्या रहा था आपको, मुझे पता है क्लास के अंदर अगर मैं सर जो भी नोट करवा रहे हैं वो मैं अलग तरीके से नोट करने की कोशिश करूँगा, उसको ज़्यादा ब्यूटिफाई करने की कोशिश करूँगा, तो मैं क्लास के साथ पेस अपना नहीं रख पाऊँगा, मैनेज नहीं कर पाऊँगा। सो व्हाट आई यूज़ टू डू इज़, मैं यहाँ पे कभी भी मुझे ऐसे कोई भी नोटिंग करनी होती थी तो मैं उसकी फ़ोटो ले लेता था। क्लास के दिन फ़ोटो ले लो उसकी और उसको घर पे जाके अच्छे से नोटिंग जैसे भी आपको करनी है वैसे कर लो। तो ये भी एक ऑप्शन निकल के आ जाती है, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो मुझे वेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहे हैं जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करा जाएगा क्या द इम्पॉर्टेंस ऑफ रूल्स, नोटिफिकेशंस, एक्ट वगैरह वगैरह। ये जो अलग अलग पार्ट निकल के आते हैं, इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, कोर्ट ऑर्डर्स वगैरह वगैरह, इन सबको मिला के बोला जाता है क्या इनकम टैक्स लॉ। एंड किसी को भी कंसल्टेंसी देनी है, पेपर में क्वेश्चन का आंसर निकालना है, टैक्सेस को समझना है, तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अकेला एक्ट पढ़ के काम नहीं चलने वाला। तो ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्यों हैं, वही आपको ये वाले हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझाया जाएगा। तो चलिए समझना चालू करते हैं। नोटिंग भी आप साथ साथ करना चाहते हैं तो साथ साथ मत करिएगा, समझ नहीं आएगा। समझाने के बाद अलग से टाइम दे दूंगा, वहाँ पे नोटिंग कर लीजिएगा या फिर फोटो ले लीजिएगा, जैसे भी आप करना चाहते हैं। देखिए सेक्शन नंबर एक्स वाई जी मैंने आपको दिखा दिया है, कोई भी सेक्शन हो सकता है, सेक्शन नंबर 2, 4, 8 कोई भी सेक्शन हो सकता है। मान के चलिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 का कोई भी सेक्शन है जो कि क्या बोलता है, यहाँ पे मैंने आपको लिख के बता रखा है। हाइपोथेटिकल है लेकिन चीज़ आपको बहुत शानदार तरीके से समझ आ जाएगी। देखिए सेक्शन नंबर एक्स वाई जी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या बोलता है, एवरी पर्सन जो भी क्या कर रहा है, लॉटरी कमा रहा है, लॉटरी वाली इनकम कमा रहा है, उसको टैक्स करा जाएगा एट अ नोटिफाइड रेट। एंड द टैक्स जो भी पेबल निकल के आता है, इट हैज़ टू बी पेड अप टू द डेट जो भी क्या करी जाएगी, प्रिस्क्राइब करी जाएगी। एक्ट में ना ये वाली लैंग्वेज आपको बहुत बार देखने को मिलेगी। अब इसने क्या करा, इसने मुझे ये तो बता दिया कि लॉटरी इनकम को टैक्स करने की हमारी इंटेंशन है। कहाँ पे बोला गया, एक्ट के अंदर बोला गया। बट कौन से रेट पे टैक्स करा जाएगा बताया गया क्या, 10%, 20%, 50%, कुछ नहीं बताया गया। बोला गया नोटिफाई कर देंगे, ठीक है भाई। ऐसे ही ये वाला टैक्स जो भी निकल के आता है, कब तक पे करना होगा बताया गया क्या, नहीं। बोल दिया गया डेट हम प्रिस्क्राइब करके बता देंगे जब तक पे करना होगा। अब क्वेश्चन क्या निकल के आता है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये निकल के आता है कि भाई साहब अगर आपको ये चीज़ जो भी बतानी थी कि इस वाली इनकम को टैक्स करना है, उसका रेट भी बताना था, डेट भी बतानी थी, यहीं पे बता देते ना, यहीं पे क्यों नहीं बताया आपने, ये क्यों बोल दिया कि इसको नोटिफाई करा जाएगा, जिसके लिए आपको कल को नोटिफिकेशन निकालनी पड़ेगी। ऐसी एक्ट में अगर कहीं भी लिखा मिल जाए ना, कोई भी एक्ट में, कि ये वाली चीज़ प्रिस्क्राइब करी जाएगी, तो मान के चलिएगा उसके लिए रूल्स बनाए गए होंगे। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट में मुझे देखने को मिल रहा है कि कोई ना कोई चीज़ प्रिस्क्राइब करी जाएगी, डेट प्रिस्क्राइब करी जाएगी, तो ये मैं देखने के लिए कहाँ पे जाऊँगा, डेट को देखने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा इनकम टैक्स रूल्स में। इसको रीड करिए, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वाई जी रूल बनाया गया होगा। रूल नंबर एक्स वाई जी क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। द टैक्स जो भी निकल के आता है लॉटरी इनकम पे, वो कब तक पे करा जाएगा, शैल बी पेड विद इन 2 months ऑफ अर्निंग दिस पर्टिकुलर इनकम। जैसे ही इनकम कमाई है, उसके विद इन 2 months जितना भी पेबल अमाउंट निकल के आता है आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि एक्ट में जो भी बोला गया था कि डेट हम प्रिस्क्राइब करके बता देंगे, क्या प्रिस्क्राइब करके यहाँ पे बता दी गई है रूल्स के अंदर, बिल्कुल बता दी गई है। तो दोनों को साथ में पढ़ूंगा तो इतना मेरा जो क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि कब तक पे करना होगा, वो क्लियर हो जाता है। बट रेट के बारे में तो अभी भी नहीं पता चला मुझे। रेट के बारे में कैसे पता चलेगा, कोई ना कोई नोटिफिकेशन होगी, ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बना रखी नोटिफिकेशन नंबर XX2021। पहले समझिए ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है। XX2021 मतलब ऐसा नंबर हो सकता है नोटिफिकेशन नंबर 22/2021। इसका मतलब क्या होगा, 2021 ईयर के अंदर 22nd नोटिफिकेशन जो इशू करी गई थी वो ये है। ऐसे नंबरिंग को आपको इंटरप्रेट करना होता है। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये क्या कह रही है, देखिए ये नोटिफिकेशन कह रही है द लॉटरी इनकम जिसके बारे में यहाँ पे बात करी जा रही थी, ये टैक्स करी जाएगी किस रेट पे, 30% के फ्लैट रेट पे। यानी कि अगर लाख रुपए की निकल के आती है इनकम तो 30,000 रुपीज़ का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, ये नोटिफाई करके बता दिया गया है। तो अकेले मैं इसको पढ़ूं, अकेले मैं इसको पढ़ूं या फिर इसको पढ़ूं, मुझे कुछ भी नहीं समझ आएगा। लेकिन तीनों को साथ मिला के अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे समझ आ जाएगा लॉटरी इनकम के लिए क्या करना होगा। जितनी भी कमाई है 30% के रेट पर टैक्स होने वाली है एंड विद इन 2 months मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। अभी तक क्या इतना आपको समझ आ गया है कि ये तीनों चीज़ें मिला के जो हम पढ़ रहे हैं
वो मिला के ही चीज़ें आपको समझ आने वाली हैं, और तीनों का कुछ ना कुछ यहाँ पे रोल निकल के आ रहा है इंटरप्रिटेशन करने में। बस इतना पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगले स्टेप में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये तीनों अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाए क्यों गए। यहाँ पे भी तो तुम देख सकते थे कि लॉटरी इनकम जो भी है वो 30% के रेट पर टैक्स होने वाली है और 2 महीने के विदिन तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी। एक्ट में ही लिख देते। तीनों अलग अलग जगहों पर क्यों लिखे गए हैं वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन अभी तक जो बताया गया है कि तीनों अलग डॉक्यूमेंट्स को मिला के सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, इंटरप्रिटेशन कैसे निकल के आती है, वो वाला पार्ट क्लियर है, येस और नो? मैं बताता हूँ तानिश, आपका क्वेश्चन आया कि नोटिफिकेशन कहाँ पे इशू होती है, मैं बताऊँगा। अच्छा, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है ना तो प्लीज़ नो मत लिखिएगा, जो समझ नहीं आया है वो बताइएगा। अकेले नो से मुझे आइडिया नहीं लगेगा ना कि आपका कहाँ पे डाउट है, तो मैं आंसर नहीं कर पाऊँगा। समझ आ जाता है तो यस लिखिए, बहुत है। वाई लिखेंगे वो भी बहुत है, वाई से मैं समझ जाऊँगा यस बोलना चाह रहे हैं आप, लेकिन नो है तो बताइए डाउट क्या है। यशश, YouTube पे शायद अपलोड नहीं होंगी इस बार, बट आप एक बार टीम से पूछ लीजिएगा, वो आपको लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं वहाँ से। काशिफ कह रहे हैं नहीं है क्लियर। काशिफ डाउट बताइए ना, अब मैं मतलब समझूंगा कैसे कि आपको डाउट कहाँ पे आ रहा है। बाकी सारे स्टूडेंट्स का यस आ गया है। सैफी, देखिए आपका जो डाउट है ना वो थोड़ा आगे का निकल के आ रहा है। अदर सोर्सेज वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे केबीसी वाली इनकम पे कितना टैक्स आता है, लॉटरी पे एक्चुअली कितना आता है। अभी आप ये समझिए कि एक्ट, रूल्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, ये अलग अलग डॉक्यूमेंट क्यों बनाए जाते हैं, फिर देखेंगे इनके अंदर क्या बोला जाता है। पहले मेन बेसिक चीज़ को तो समझिए। नहीं सुचित, ये रीज़न नहीं है, मैं आपको बताता हूँ अभी। सिर्फ एक ही डाउट को प्लीज़ दोबारा मत लिखिए, मैंने रिप्लाई कर दिया आपको। नोटिफिकेशन और सर्कुलर में क्या डिफरेंस है, बस अभी बताने वाला हूँ मैं आपको। चलिए परफेक्ट है, सारे स्टूडेंट्स ने यस लिख दिया है। सो बेसिकली आपको इतना आइडिया लग गया है कि एक्ट ने, रूल ने और नोटिफिकेशन ने, तीनों ने मिलकर जो भी चीज़ बोली है, अभी तो मुझे तीनों ही साथ में पढ़नी पड़ेगी, तभी जाके पता चलेगा लॉटरी को कैसे टैक्स करा जाता है। अब इस चीज़ पे आते हैं कि तीनों में अलग अलग आपको लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक ही जगह पे लिख देते ना। आंसर को कहाँ से ढूंढेंगे हम? हम वहाँ से ढूंढेंगे कि ये तीनों चीज़ें बनाई किस इंसान के द्वारा जाती हैं, कौन बनाता है, एक्ट कौन पास करता है, रूल कौन पास करता है, नोटिफिकेशन कौन पास करता है। ये पढ़ के आपको समझ आ जाएगा तीनों अलग डॉक्यूमेंट क्यों बनाए जाते हैं एंड इसके पीछे लॉजिक क्या निकल के आता है। देखिए, इंडिया में अगर आप बात करेंगे ना तो टैक्सेस मैनेज करने की, अगर हम ये देखते हैं कि टैक्सेस मैनेज करने की कौन सी बॉडीज़ बनाई गई हैं सरकार के द्वारा, एमपीज़ की बात करिए, एमएलएज़ की बात करिए, क्या एमपीज़ एमएलएज़ का अकेले ये काम होता है कि टैक्सेस के बारे में लॉ बनाए जाएं, कि टैक्सेस कैसे कलेक्ट करने हैं? नहीं, इनको बहुत सारी और चीज़ें भी देखनी है। इनको पुलिसिंग पे भी लॉज बनाने हैं, हॉस्पिटल्स कैसे चलाए जाते हैं उन पे लॉज बनाने हैं, डिफेंस के बारे में क्या करना है उस पे कॉल लेनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एमपीज़ एमएलएज़ उनके एम्बिट में निकल के आती हैं एंड इनको ये सारी चीज़ें टेक केयर ऑफ करनी होती हैं। तो अकेले टैक्सेस के बारे में इनको नहीं सोचना। तो ऐसा नहीं है कि सारे एमपीज़ मिलके इनकम टैक्स के बारे में ही सोच रहे हैं, सारे एमएलएज़ मिलके अकेले जीएसटी के बारे में ही सोच रहे हैं और कोई काम कर ही नहीं रहे, बाकी भी काम करने होते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई हम टैक्सेशन के बारे में मेन चीज़ें जो भी निकल के आती है ना वो तो बता देंगे। कैसी मेन चीज़ें? लॉटरी को टैक्स करना है नहीं करना, रियल एस्टेट के कैपिटल गेन्स आते हैं टैक्स करने या नहीं करने, बिजनेस से प्रॉफिट आता है टैक्स करना है नहीं करना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं हम बता देंगे। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना यही टैक्सेशन लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी निकल के आएंगी जो कि हम नहीं बताने वाले, ना ही हमारे पास टाइम है ना ही हमारे पास की है इतनी छोटी छोटी चीज़ें बतानी कि ये वाला टैक्स कब तक देना होगा, कौन सी रिटर्न किस इंसान को फाइल करनी होगी वगैरह वगैरह। हमें क्या फर्क पड़ रहा है कौन सी रिटर्न कौन फाइल कर रहा है, डिपार्टमेंट बता देगा, उसके लिए डिपार्टमेंट बना देते हैं। और वही चीज़ सरकार ने करी भी, उन्होंने डेडिकेटेड डिपार्टमेंट्स बनाए अलग अलग कामों के लिए। डायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे जिसमें इनकम टैक्स भी आपका निकल के आता है, तो उसके लिए कौन सा वाला डिपार्टमेंट बनाया गया? CBDT बनाया गया। ये डी है, ये ओ नहीं है। CBDT जो बनाया गया है उसकी फुल फॉर्म क्या निकल के आती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल क्यों? CG ने बना रखा है, पार्लियामेंट की ये बॉडी निकल के आती है जो कि इनकम टैक्सेस और ऐसे डायरेक्ट टैक्सेस को सुपरवाइज करती है।
तो सेंट्रल बोर्ड क्या है, मल्टीपल मेंबर्स हैं जो कि साथ मिलकर ये वाले डिसीजंस लेते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस क्यों, अकेले इनकम टैक्स के लिए नहीं बनाया गया, आज के टाइम पे मेजर यही वाला टैक्स निकल के आता है, लेकिन कोई भी डायरेक्ट टैक्सेस जो भी आने वाले हैं उनको ये वाली ऑर्गेनाइजेशन ओवरसी करती है। और इनके लिए क्या क्या करती है ये वाले लॉज के लिए हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी बॉडी आपको लिखनी होगी यहाँ पे कौन सी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो जीएसटी के लिए, कस्टम्स के लिए, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसके लिए भी कोई बॉडी होनी चाहिए, बिल्कुल है। कौन सी है, सीबीआईसी है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अब कायदे से अगर आप देखेंगे तो कस्टम्स भी एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स ही है, तो ये इसी के विदिन आ जाना चाहिए था, अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसके पीछे एक हिस्ट्री निकल के आती है जो जान के आपको कोई फायदा नहीं होगा, तो छोड़िए वो वाले पार्ट को। कस्टम्स अलग से लिख दिया जाता है, वैसे वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस का ही पार्ट है। तो सीबीआईसी क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सीबीडीटी क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है जी। संभव लिख रहे हैं 139(1) रिटर्न ड्यू डेट 28 चार्जिंग सेक्शन पीजीबीपी, क्यों लिख रहे हैं आप ये सारी चीज़ें, क्या फिर पड़ेगा इन सब चीज़ों से, आगे की चीज़ें लिख रहे हैं आप, चलिए क्या छोड़िए। ओके, तो अभी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बोला जो भी एक्ट पास करा जाता है वो तो कौन करती है, इनकम टैक्सेस की अगर बात करेंगे तो पार्लियामेंट करता है। पार्लियामेंट में कौन आते हैं, एमपीज आते हैं आपके, उनका टाइम लगेगा पूरा का पूरा एक्ट पास करने के लिए, चाहे कोई भी एक्ट क्यों ना पास करना हो। लेकिन अब यहाँ पे सीबीआईसी सीबीडीटी जो मैंने आपको दो बॉडीज बनाई हैं, इनका रोल क्या निकल के आता है यहाँ पे देखना चालू करिए। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स साथ में आके क्या करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाती हैं, सबकी सब सारी सरकारें इसमें इन्वॉल्व हुई थी, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन आपका बनाया गया था जहाँ पे बताया गया था सीजी क्या करेगी, एसजी क्या करेगी, वगैरह वगैरह जी। ये वाली वीडियो भी अपलोड होगी सारी की सारी लाइव वीडियोज़ के साथ, और एक मैसेज बार बार मत लिखा करिए नहीं तो ऐसे हो जाता है। सीजी और सारी की सारी गवर्नमेंट्स जो भी निकल के आती हैं मिल के कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया, एंड ये ट्रिकल डाउन होके कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करने की पार दी, मल्टीपल एक्ट्स बनाने की पार दी। अब अगर आप बात करेंगे इनकम टैक्स की, तो वो बनाने की पार किसको मिली थी, आपकी सीजी को मिली थी, पार्लियामेंट को मिली थी। तो अब उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इनकम टैक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एमपीज की अगर आप बात करेंगे, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करेंगे, तो ये क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो भी एक्ट्स निकल के आते हैं इनको पास करते हैं। अब थोड़ा और नीचे आते हैं, सीबीडीटी या फिर सीबीआईसी, सीबीडीटी फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीआईसी फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये क्या करती हैं, ये रूल्स बनाती हैं उन चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए जो भी एक्ट में आपको बोली गई है कि हम प्रिस्क्राइब कर देंगे। यानी कि पहली चीज़ क्या पता चली, एक्ट तो चलिए पार्लियामेंट के अंदर बनाया गया था, एक्ट में जो सारी चीज़ें बोली गई हैं, लॉटरी इनकम को टैक्स करना है, ये तो पार्लियामेंट के अंदर बोली गई थी, लेकिन ये कब तक आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, ये जो चीज़ बोली गई थी कि हम एक्ट में बोला गया था प्रिस्क्राइब कर देंगे, ये प्रिस्क्राइब करी भी गई कहाँ पे, रूल्स के अंदर। और ये रूल्स के अंदर जो भी चीज़ प्रिस्क्राइब करी गई है, ये रूल किसने बनाया होगा, कोई बताएगा मुझे, बॉडी का नाम लिख के बताइए, कौन सी बॉडी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये वाले रूल्स को बनाया होगा, सीजी, एसजी, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। मैं आपको इंटेंशनली काफ़ी बार कंफ्यूज करूंगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कंफ्यूज नहीं हो। कब नहीं होंगे, जब आपने सारी चीज़ें ढंग से सुनी होंगी। मुझे 90% स्टूडेंट्स का सही आंसर दिख रहा है, बाकियों ने गलत आंसर दे रखा है। सीबीडीटी इज द करेक्ट आंसर, वाई नॉट सीबीआईसी, सीबीआईसी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्सेस की बात करी जा रही है जो कि एक डायरेक्ट टैक्स है, तो सीबीआईसी थोड़ी बनाएगी उसके रूल्स को। तो एक्ट के अंदर जो भी बोला गया है वो तो पार्लियामेंटेरियंस ने बना दिया है, बट रूल्स के अंदर जो भी बोला जा रहा है वो सारे के सारे रूल्स कौन बना रही है, सीबीआईसी बना रही है। अब एक और चीज़ मुझे बताइए, ये रूल्स में जो भी चीज़ें बोलने की पावर सरकार ने दे रखी होगी ये सीबीआईसी के, सीबीडीटी के मेंबर्स को, क्या ये छोटी चीज़ें होंगी, छोटी मोटी चीज़ें कि कब तक पे करना है, कौन से फॉर्म्स को यूज़ करना है, या फिर बड़ी चीज़ें होंगी, कौन से रेट पे जीएसटी पे करना है, कौन से रेट पे इनकम टैक्सेस पे करने हैं, कौन सी इनकम को टैक्स करा जाएगा। छोटी मोटी चीज़ निकल के आती हैं जिनको पास करने की, जिनके बारे में बताने की रूल्स के अंदर पार दी जाती है, किसको, सीबीडीटी को, सीबीआईसी को। ऐसी छोटी मोटी रूटीन चीज़ें जिन पे सरकार कहती है कि हम कुछ खास कंसर्न नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन की जो भी चीज़ें निकल के आती हैं वो सीबीआईसी देखेगी, सीबीडीटी देखेगी, इनका काम ही है, इनको अकेले डायरेक्ट टैक्सेस पे फोकस करना है। हमें एज एमपीज, एज एमएलएज अकेले एक टाइप के टैक्सेस पे फोकस नहीं करना, बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना है, तो हम प्रैक्टिकली कर भी नहीं पाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज डेलीगेशन, यहाँ पे डेलीगेशन करी जाती है पार की।
तो इतना तो डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, इनकम टैक्स एक्ट और रूल्स, ये दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्यों बनाए गए। अब क्या करेगी सरकार, जो इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी चीज़ें निकल के आएगी एक्ट के अंदर बता देगी, जो भी छोटी मोटी चीज़ें लगेंगी जो डेली बेसिस पे चेंज हो सकती हैं, रूटीन चीज़ें हैं, एक्ट के अंदर बोल देगी, प्रिस्क्राइब कर दी जाएगी। एंड प्रिस्क्राइब करेगी कौन, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग बॉडी निकल के आती है आपके एक्ट की वो करेगी। इनकम टैक्सेस में बात करेंगे तो CBDT करेगी, और उसके लिए ऐसे रूल्स बना दिए जाते हैं जहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें बताई जाती हैं। इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया, रूल्स और एक्ट दोनों अलग क्यों बनाए जाते हैं। आगे जाके भी देखेंगे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ आपके सर्कुलर्स, कोर्ट जजमेंट्स, ये डिफरेंट क्यों होती हैं, अलग अलग क्यों बनाई जाती हैं, उनको देखेंगे। लेकिन इन दोनों में क्या क्रिस्टल क्लियर है जो भी डिफरेंस है या फिर नहीं, अगर है तो यस लिखिए, नहीं तो अपना डाउट लिखिए। क्लियर है तो आगे बढ़ते। फिर हाँ बरखा, उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, अमेंडमेंट्स के लिए कभी भी चार्ज नहीं करते हम। काशिफ कौन सा वाला पार्ट नहीं समझ आया आपको, थोड़ा डिटेल में बताइए, या फिर ऐसा करिएगा आपके पास मेरा नंबर होगा, आप उस पर ना मुझे व्हाट्सअप करिए, थोड़ा डिटेल में बताइएगा कौन सा वाला पार्ट आपको समझ नहीं आया, मैं किसी और तरीके से समझाऊंगा। क्योंकि या तो आपको जो भी समझ नहीं आ रहा, जो भी छोटा मोटा पार्ट है वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे यहाँ पे, या फिर मतलब जो भी चीज़ है वो आपका डाउट जब तक मुझे नहीं समझ आएगा तब तक मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगा वो चीज़, तो आपका डाउट मैं ख़त्म कर दूंगा। बट एक बार पूछ लीजिएगा मुझसे व्हाट्सएप पे। वैसे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक्ट के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें निकल के आती हैं, जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें सरकार कहती है कि हम MPs हैं, हम इलेक्ट होके आए हैं, हम बताएंगे किस चीज़ को हम टैक्स करना चाहते हैं, वो कहाँ पे बोलते हैं, एक्ट के अंदर बोल देते हैं। लेकिन छोटी मोटी प्रोसीजरल चीज़ें कि कब तक आपको टैक्सेस पे करने होंगे, कौन सी रिटर्न किस इंसान को फाइल करनी होगी, कब तक ये वाले टैक्सेस आपको सरकार तक पहुँचाने होंगे, ऐसी जो छोटी मोटी चीज़ें निकल के आती है सरकार कहती है इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, पैसा तो आ जाएगा ना हमारे पास, तो ऐसी जो भी चीज़ उनको छोटी मोटी लगती है ना एक्ट में वो लिख के बोल देते हैं ये वाले काम हम प्रिस्क्राइब कर देंगे, बताते नहीं है, कहते हैं प्रिस्क्राइब कर देंगे। और प्रिस्क्राइब एक्चुअली कौन करता है, अगर इनकम टैक्सेस की बात करेंगे तो CBDT करती है रूल्स निकाल के। तो ये तो हो गया इन दोनों के अंदर डिफरेंस। अब बात करते हैं कि नोटिफिकेशन, यहाँ पे जो आपको रेट के बारे में बोला गया था कि ये भी हम अलग से बता देंगे, एक्ट के अंदर नहीं बताया गया था, ये क्यों करा जाता है, कैसे करा जाता है, वो भी देखने के लिए हम यही वाले चार्ट को एक बार कंप्लीट करने लग जाते हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ना ही अकेली CG बनाती है, ना ही अकेली SG बनाती है, सब मिलके बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों को ही इफेक्ट करने वाला है। तो कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के दोनों ने मिलकर बना दिया, देन MPs ने सेंट्रल एक्ट्स जितने भी निकल के आते हैं वो पास करे हैं, इंक्लूडिंग योर इनकम टैक्स एक्ट। फिर CBDT CBIC क्या करती है, वो रूल्स बनाती है उन चीज़ों के लिए जो भी एक्ट के अंदर बोली गई थी कि ये वाली चीज़ हम क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे। एंड फाइनली टैक्स पेयर क्या करता है, उसको सारी चीज़ें माननी पड़ती हैं, एक्ट भी पढ़ना पड़ता है, रूल भी पढ़ना पड़ता है, नोटिफिकेशन सर्कुलर सब कुछ पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके उसको पता चलता है कि सारी सरकारों ने, सारी की सारी जो बॉडीज निकल के आती हैं, उन्होंने मिलकर मेरे ऊपर क्या वाला कौन सा वाला प्रोविजन है जो कि लगाया है, और मुझे टैक्सेस जो भी पे करने होंगे इवेंचुअली कितने के करने होंगे। तो ऐसे आपका पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। और यही वाला आपको जो सिस्टम निकल के आता है, इसको थोड़ा और खोल के देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा यहाँ पे ये वाली चीज़ें ऐसे जो पास करी जाती हैं ऐसे क्यों करी जाती हैं। तो खोलना चालू करते हैं और ये देखना चालू करते हैं कि हमने जो बहुत शॉर्ट में पढ़ लिया कि MPs ये एक्ट को पास करते हैं, वो प्रैक्टिकली पास कैसे करा जाता है एक्ट को, वो वाला पार्ट हम देखेंगे। लेकिन वो देखने से पहले आप एक छोटी सी चीज़ नोट कर लीजिए, ये वाला पार्ट जो निकल के आता है इसकी या तो फोटो ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, जैसी हो जाएगा यस लिख दीजिएगा, गेट डन लिख दीजिएगा। साक्षी ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, आपको फोटो लेनी है तो कोई इशू नहीं है। डन, ओके। अब ये वाले पार्ट को नोट कर लीजिए सारे स्टूडेंट्स। सर नोटिफिकेशन एंड नोटिस सिनोनिमसली यूज करे जाते हैं क्या? नहीं सागर, दोनों में डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगा। सर अगर दूसरे डाउट हैं
देखिए टैक्सेस के डाउट होंगे तो ही मैसेज करिएगा, कोई और सब्जेक्ट के मत करिएगा मुझे, मुझसे टैक्सेशन के बारे में जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। आपके पास हमारी जो मेल गई है एक्टिवेशन मेल, उसमें मेरा पर्सनल नंबर होगा, उस पर मैसेज कर दीजिएगा अपने नंबर से, रजिस्टर्ड नंबर से, एंड देन आपका जो भी डाउट निकल के आता है मैं डेफिनेटली सॉल्व करूँगा। सर नोट्स का PDF प्रोवाइड कर देंगे तो ईजी रहेगा, वो तो मैं करूँगा ही, वो PDF मिल जाएगा आपको, उसके बारे में टेंशन मत लीजिए। चलिए जी, अब ये वाली नोटिंग कर लीजिए प्लीज़ जल्दी से थोड़ी। एक काम हमेशा करिएगा, जब भी मैं कोई भी चीज़ नोट करने के लिए बोलूँ ना, तो नोटिंग चालू करने से पहले उसकी फ़ोटो ले लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी डिवाइस में आप देख रहे हैं, ताकि अगर आपने बाई चांस नोटिंग कंप्लीट नहीं करी है, मैं नीचे चले जाता हूँ, तो ये ना हो कि आपकी नोटिंग ही रह जाए। मैं करूँगा हर्षिता, अभी मैंने आपको बुक नहीं प्रोवाइड करवाई ना, सबके पास बुक्स नहीं पहुँची हैं, कुछ स्टूडेंट्स के पास पहुँची हैं, कुछ के पास नहीं पहुँची हैं, तो क्योंकि बुक्स ही आपके पास नहीं पहुँची हैं, तो आप बुक के अंदर जो नोटिंग कर सकते थे नहीं कर पा रहे होंगे, तो पहले 2-3 चैप्टर्स की मेरी नोटिंग के साथ जो भी ये PDF निकल के आती है मैं अपलोड करवा दूंगा, आपको मेल पे ही उसका लिंक भी मिल जाएगा। बट एक बार बुक आपके पास आ जाती है पहले 2-3 चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद आपकी जो भी नोटिंग निकल के आती है वो आप क्लास के अंदर कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट को ले लीजिएगा, बिकॉज सारे चैप्टर्स की PDF प्रैक्टिकली प्रोवाइड करनी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तो वो चीज़ आप याद रखिएगा। नहीं अंश, मैं फाउंडेशन लेवल पर नहीं पढ़ाता, मेरी एक्सपर्टीज सिर्फ टैक्सेशन है और वो फाउंडेशन लेवल पर नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ये छोटा सा और पार्ट है, इसको नोट करिए। नोटिफिकेशन क्या ऑनलाइन आता है या फिर ऑफलाइन? आज के टाइम पे सारी ऑनलाइन अपलोड कर दी जाती है ऑफिशियल गैजेट पे, मैं आपको दिखा भी दूंगा कहां पे अपलोड करी जाती है। कैन यू प्लीज जूम द पिक्चर, ये लीजिए। जी कल वाला सेशन भी आपका YouTube पे होने वाला है, 4 बजे ही होने वाला है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब ये देखना चालू करते हैं कि एक्ट जो भी पास करा जाता है उसका एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है। आपको प्रोसेस देखेगा ना तो आपको समझ आएगा कि सरकार जो भी एक्ट पास कर रही है, रूल पास कर रही है, नोटिफिकेशन पास कर रही है, ये सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्यों बनाए जा रहे हैं, इसके पीछे इंटेंशन क्या निकल के आ रही है। देखिए प्रोसेस को देखिए, MPs जो भी एक्ट बनाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी निकल के आते हैं या एक्ट बनाते हैं, वो उसका पूरा प्रोसेस क्या निकल के आता है पहले समझिए। पार्लियामेंट के अंदर 3 लेग्स क्या निकल के आते हैं जिनको मिला के पार्लियामेंट बोला जाता है। पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा निकल के आता है प्रेसिडेंट। इन तीनों को मिला के बोला जाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को कोई भी अगर एक्ट पास करना है तो प्रोसेस होने क्या वाला है, यहाँ पे मैंने आपको लिख के बता रखा है। देखिए पहले ना बिल पास करा जाता है। बिल क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रपोज्ड लॉ होता है, यानी कि आपको ये बोला जा रहा है ये वाले डॉक्यूमेंट के अंदर कि हम कल को ये वाला लॉ लेके आना चाहते हैं। इनकम टैक्स एक्ट जब पास करा गया था, वो लाने से पहले भी इनकम टैक्स बिल प्रेजेंट करा गया था कहाँ पे? लोकसभा के अंदर। पहले यहाँ पे प्रेजेंट करा जाता है। अब यहाँ पे एक बार कोई भी बिल प्रेजेंट हो जाता है तो वो क्या होता है, अब ये प्रपोज्ड है, अब ये लॉ आपका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करा जा रहा, किसी को भी मानने की जरूरत नहीं है। अभी तो बस डिस्कशन चालू होने वाली है MPs के विद इन कि ये लॉ लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, उसके बाद वोटिंग होगी फिर जाके ये पास होने वाला है। तो अभी तो बस एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करा गया है। बहुत सारे बिल्स होते हैं जो प्रेजेंट करे जाते हैं लेकिन वो एक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होते। तो जब तक कोई भी बिल एक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेबल, नोबडी हैज़ टू फॉलो इट। तो अभी तो ये बिल वाली स्टेज पे है। इसको कहाँ पे प्रेजेंट करा गया है? लोकसभा के अंदर। कोई ना कोई MP इसको प्रेजेंट करेगा, फिर इसके बाद वोटिंग होने वाली है। वोटिंग में अगर मेजॉरिटी आ जाती है तो ये वाला बिल कहा जाता है कि ये क्या हो गया है, पास हो गया? नहीं, ये लोकसभा के अंदर पास हो गया है। एक्चुअली बिल एक्ट के अंदर अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ। क्यों? पार्लियामेंट में अकेला लोकसभा नहीं है ना, राज्यसभा के अंदर भी MPs बैठे हैं, वो भी कुछ बोलना चाहेंगे, प्रेजिडेंट भी हैं, उनको भी सिग्नेचर मारना होगा। तो प्रोसेस में एक लेग, उससे तो आपका बिल आगे निकल चुका है लेकिन अभी ये एक्ट नहीं बना है। तो एक बार ये बिल आपका प्रेजेंट कर दिया जाता है लोकसभा के अंदर, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद डिस्कशन चालू होती है बिल पे। एंड डिस्कशन कहाँ पे होती है? लोकसभा के अंदर होती है। ये वाली डिस्कशन होने के बाद अगर आपका बिल पास हो जाता है तो फिर वो कहाँ पे पहुँचता है? वो पहुँचता है राज्यसभा के अंदर। यानी कि डिस्कशन लोकसभा में होने के बाद वोटिंग होती है, वोटिंग में अगर मेजॉरिटी आ जाती है तो यहाँ से तो पास हो जाता है लेकिन वो अगली जगह पर पहुँच जाता है पार्लियामेंट में, और अगली जगह क्या निकल के आती है? राज्यसभा। अब यहाँ पे मेरा बिल पहुँच चुका है, अब दोबारा यहाँ पे भी डिस्कशन होगी कि ये वाला लॉ लाने की कोशिश करी जा रही है पार्लियामेंट के द्वारा, क्या लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। और राज्यसभा के जितने भी MPs हैं अब ये वोटिंग करेंगे। अब यहाँ पे भी अगर मेजॉरिटी आ जाती है तो ये वाला बिल आगे पहुँच जाएगा, नहीं तो यहीं पे खारिज कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा बेसिकली, एंड इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला, एक्ट के अंदर वो कन्वर्ट नहीं होने वाला।
तो इनकम टैक्स बिल जो भी प्रपोज करा गया था वो पहले यहाँ पे डिस्कस हुआ, यहाँ से पास हो गया, फिर राज्यसभा में पहुँचा, वहाँ पे डिस्कस हुआ, वहाँ से पास हो गया, एंड फाइनली वो कहाँ पे जाता है, हमारी प्रेजिडेंट, हमारी जो प्रेजिडेंट निकल के आते हैं, आज के टाइम पे फीमेल हैं, कभी मेल भी रहे हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रेजिडेंट्स हमारे रहे हैं, तो जो भी प्रेजिडेंट जिस भी टाइम पे निकल के आते हैं, जब भी आप एक्ट को पास करने की कोशिश कर रहे हैं, लास्ट लेग जो होता है ये किसी भी एक्ट के पास होने का विद रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट, वो यहाँ पर पहुँचता है प्रेजिडेंट के पास, एंड प्रेजिडेंट अगर उस पर अपना सिग्नेचर डाल देते हैं कि ठीक है मेरे हिसाब से भी ये पास होना चाहिए, तो उस केस में ये वाला जो बिल था, जो कि अभी तक एक मामूली डॉक्यूमेंट था, जस्ट डिस्कशन करी जा रही थी कि कुछ लाना चाह रहे हैं, अब वो बन जाता है एक्ट, एंड वो बन जाता है लॉ, वो कन्वर्ट हो जाता है बिल किस में, एक्ट में, एंड जैसे ही वो एक्ट बन जाता है अब सबको मानना पड़ेगा। अब कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि ये तो मैं नहीं मानने वाला, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, तुम इनकम टैक्सेस कलेक्ट करने की बात कर रहे हो, मैं कुछ कमा ही नहीं रहा, तुम करप्शन इतनी करते हो, तो मैं नहीं पे करने वाला, नहीं, आपकी चॉइस नहीं है। अगर कोई भी चीज़ जो भी आपके ऊपर इंप्लीमेंट करी जा रही है, कोई भी लॉ आपके लिए बनाया गया है, वो आप नहीं भी मानना चाहते तो आप उसको मना नहीं कर सकते, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है तो, यानी कि सरकार जिसने भी ये वाला लॉ पास करा है, अगर ये पास करने की पावर उनके पास थी तो आप मना नहीं कर पाएंगे, एंड आपको वो मानना ही पड़ेगा। तो मोटे मोटे तौर पे आपको मैंने एक लंबा चौड़ा प्रोसेस बताया, जो कि होने में ये जो चीज़ होती है कि बिल पहले प्रेजेंट करा जाता है यहाँ पे, फिर वो यहाँ पे जाता है, फिर वो यहाँ पे आता है, फिर वो पास होता है, एक्ट में कन्वर्ट होता है, ये पूरे प्रोसेस में आप मान सकते हैं रफली 3 से 4 महीने आपके लग जाते हैं, 3-4 महीने, अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, एक बार में काम नहीं होता कभी भी सरकारी कि आप एक बार में बैठेंगे यहाँ पास हो जाएगा, अगले दिन यहाँ पे हो जाएगा, अगले दिन यहाँ पे आ जाएगा, 3 दिन में काम खत्म, नहीं, महीने लगते हैं इस पे, क्योंकि उनको भी एक बिल को एक्ट में कन्वर्ट नहीं करना होता, बहुत सारे बिल्स होते हैं जिनकी डिस्कशन करी जाती है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस निकल के आता है, जो कि अच्छा खासा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट है कि बिल को एक्ट में कन्वर्ट कैसे करा जाता है, कोई भी एक्ट जो भी पास करा जाता है वो कैसे करा जाता है, वो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, किसी को कोई भी डाउट है तो डाउट को पूछिए, एंड अगर चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो यस लिख दीजिएगा। एक्ट कैसे चेंज होता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो आगे आएगा। अनूप कह रहे हैं मेजॉरिटी में कितना होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे लोकसभा में राज्यसभा में मेजॉरिटी आने के लिए कितनी परसेंट की मेजॉरिटी आपको चाहिए होती है। अब ये देखिए, अलग अलग कामों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग मेजॉरिटी परसेंटेज आपको बता रखी है। कुछ केसेस में बोल रखा है 50% से ज़्यादा हो जाता है तो वो मेजॉरिटी है, कुछ केसेस में यही परसेंटेज को 75 कर रखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेजॉरिटी लाने के लिए अलग अलग सभाओं के अंदर अलग अलग एक्ट के रिस्पेक्ट में क्या क्या परसेंटेजेस निकल के आती हैं, ये आपको जानने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ेगा, जितना पढ़ना पड़ेगा वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, मैं आपको उतनी नॉलेज दूंगा जितनी प्रैक्टिकली आपको ये सारी चीज़ें हेल्प कर, जो भी आपके सिलेबस का पार्ट है वो समझने में हेल्प करेगी। फालतू का ज्ञान मैंने आपको बताया था ना, जो आपको कहीं पर भी हेल्प नहीं करने वाला एंड कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ करेगा, वो हम नहीं लेने वाले, एंड वो ही यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में निकल के आता है। कुछ केसेज में इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताता हूँ, बिल जो प्रेजेंट करा जाता है ना, पहले यहाँ पे करा जाता है राज्यसभा में, फिर यहाँ पे करा जाता है। अब ये भी डाउट निकल गया आएगा, पहले कब यहाँ पे करा जाता है और पहले कब यहाँ पे करा जाता है, वो भी पढ़ने को पढ़ा जा सकता है, लेकिन फ़ायदा है नहीं, कोई भी फायदा नहीं। क्लियर क्लियर ऑल क्लियर। HUF में पेमेंट किन कितना रिसीव करा जा सकता है? ताज, आपका ये जो क्वेश्चन आ रहा ना, बहुत आगे का आ रहा है, अभी मैंने आपको बताया भी नहीं HUF होता क्या है, तो पहले HUF को देखेंगे होता क्या है एंड देन आगे बढ़ेंगे। मोस्ट वेलकम फिटनेस ऑटोटेक। थैंक यू जी तानिश। करेक्ट रुपेश, प्रेसिडेंट अगर चाहे, उनको लगता है कि नहीं एक्ट के अंदर कोई ऐसी चीज है जो मुझे सही नहीं लगती, हमारे देश में अप्लाई नहीं होनी चाहिए, तो वो मना कर सकते हैं। हाउ द एक्ट इज अमेंडेड मैं आपको बताऊंगा दिव्यांश, आगे जाके वो वाला पार्ट भी आने वाला है। एक्ट बनाया कैसे जाता है पहले वो पार्ट को समझिए, अमेंड कैसे करा जाता है, कल को चेंज कैसे करा जाता है वो भी मैं ही आपको बताने वाला हूँ। अभी बस इतना बताइए कि बनाया कैसे जाता है, उसमें कोई डाउट है क्या? मुस्कान का डाउट है कि बिल का आइडिया कैसे आता है कि ये वाला बिल हमें पास करना है। पहले कोई ना कोई दिक्कत आती है, फिर दिक्कत के लिए सोल्यूशन ढूंढा जाता है, एंड सोल्यूशन जो भी निकल के आता है वही प्रपोज करा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सरकार को पता है कि उनको खर्चा करने के लिए 12 लाख करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन उनके पास हैं 10 लाख करोड़, इतने की ही रिकवरी हो पा रही है टैक्सेस के नाम पे, तो उनको दिख रहा है कि 2 लाख का यहाँ पे डेफिसिट निकल के आ रहा है, अब ये रिकवर करना है, कैसे करा जा सकता है सोचेंगे वो, क्या करंट टैक्सेस को इंक्रीज करा जाए, नया टैक्स लगाया जाए, वगैरह वगैरह, एंड जो भी आइडियाज़ आते हैं, जो मटेरियलाइज उनको लगता है कि हो सकते हैं, उसको बिल के थ्रू प्रेजेंट करके एक्ट में कन्वर्ट करा जाता है। ऐसे आपका प्रोसेस चलता है। अटक गया आप में, चल रहा है इसमें नीचे रोल चल रहा है। अच्छा वैसे अटक गया, पता नहीं इसमें
यूट्यूब पे जाके वीडियो देखो, आ रही है नहीं आ रही। कोर्स आपका देखिए, इनकम टैक्स की अगर आप बात करेंगे तो 2 महीने के विद इन कंप्लीट हो जाएगा, एंड जीएसटी की अगर आप बात करेंगे तो वो 1 महीना लेने वाला है रफली। नहीं गुनीत, बिल की आप जो बात कर रहे हैं कि ये पब्लिक सजेशंस के लिए ओपन करे जाते हैं नहीं करे जाते हैं, सारे नहीं करे जाते हैं। जहाँ पे सरकार को लगता है कि उनको फ्लैक मिल सकता है, लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनको बहुत ही उनके अगेंस्ट जा रहा है कोई बिल, तो पूछ लेते हैं, तो कभी वो पूछ भी लेते हैं, कभी कभी पूछे बिना ऐसे ही पास कर देते हैं। लोगों से क्या एमपी से नहीं पूछते, जब मेजॉरिटी आ रही होती है तो बाकी एमपी से भी नहीं पूछा जाता, उनकी ओपिनियन को भी डिस्कशन के लिए ओपन नहीं करा जाता। चलिए, मुझे कोई भी डाउट नहीं दिख रहा, सबने वो लिख दिया है कि समझ आ गया यहाँ तक। आगे बढ़िए, अब बात करते हैं रूल, ये कैसे पास करा जाता है। मैंने आपको जो बताया कि सीबीडीटी रूल्स बनाती है विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स, तो बनाने का प्रोसेस क्या निकल के आता है। इनको बस एक छोटा सा काम करना होता है, नोटिफिकेशन पास करनी होती है, एक डॉक्यूमेंट पास करना होता है जो कि ऑनलाइन पोस्ट करा जा सकता है, एंड ये रातों रात करा जा सकता है। एक्ट में मैंने आपको बताया ना, 3-4 महीने का प्रोसेस निकल के आता है, यहाँ प्रेजेंट करो, यहाँ प्रेजेंट करो, इनसे साइन करवाओ, तब जाके एक्ट में कन्वर्ट होगा, तब किसी को मानना होगा। नोटिफिकेशन की बात करेंगे, रूल की बात करेंगे, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीबीडीटी इनको अथॉरिटी दे दी गई है छोटे मोटे कामों के लिए, एंड ये छोटे मोटे काम जो आपको करने के लिए अथॉरिटी दी गई है कोई भी एक्ट के अंदर, वो काम करने के लिए आपको बस छोटा सा एक काम करना है, क्या, नोटिफिकेशन पास करनी है। कोई एमपी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई एमएलए के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई सेशन अरेंज करने की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट का। तो ये जो काम है, काम भी छोटा है, और क्योंकि काम छोटा है, ये काम करने के लिए टाइम भी बहुत कम लगता है। 1-2 दिन के अंदर आपका ये वाला काम हो सकता है, प्रोवाइडेड आपने डिसीजन ले रखा हो कि ये वाला काम करना है। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको देखने को मिलती है, टाइम कम लगता है, काम भी जो भी करवाए जा रहे हैं कंपैरेटिवली छोटे मोटे निकल के आते हैं, ऐसे कोई बहुत बड़े काम नहीं होते हैं जो कि आपके टैक्सेशन के कोर्स को ही चेंज कर दें कि किस चीज़ को टैक्स करा जाएगा, किसको नहीं करा जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एमपीज एक्ट कैसे बनाते हैं, पूरा लंबा प्रोसेस 3-4 महीने का, सीबीडीटी रूल कैसे पास करती है, बस एक नोटिफिकेशन पास करती है, ऑनलाइन अपलोड करती है, नोटिफिकेशन इज इन द पब्लिक एंड सबको माननी पड़ेगी। और जैसे ही आप नोटिफिकेशन अगर सीबीडीटी पास करती है, तो ये नोटिफिकेशन पास करके बता दिया जाता है हम बना रहे हैं रूल नंबर लेटेस्ट 241, जो कि बनाया जा रहा है इन पर्सुएंस ऑफ सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 क्या कह रहा था, लॉटरी इनकम टैक्स होने वाली है, एंड उसमें बोला गया था यहाँ यहाँ तक आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो रूल नंबर 241 जो हमने बनाया है इन पर्सुएंस ऑफ सेक्शन नंबर 20, उसमें हम आपको बता रहे हैं कि वो वाली जो लॉटरी इनकम निकल के आती है उस पर टैक्सेस आपको विद इन 2 मंथ्स पे करने पड़ेंगे। ऐसे आपका प्रोसेस चलता है इन दोनों चीज़ों का। अब आगे बढ़ते हैं और एक और चीज़ को देखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि एक्ट ये जो भी पास करा जाता है, अगर आपने पास करा और कल को चेंज करने का मन करा, तो चेंज कैसे करा जा सकता है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली करा भी जा सकता है क्या? बिल्कुल करा जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की अगर आप बात करेंगे, तो इनकम टैक्स एक्ट आपको पास करा गया था कब, 1961 के अंदर। इससे पहले भी कुछ एक्ट्स थे, अंग्रेज़ों के ज़माने पे भी पास करे गए थे, अगेन जानने की जरूरत नहीं है, इधर उधर की नॉलेज हो जाएगी, आपको कहीं से भी हेल्प नहीं करेगी। करंटली आज के टाइम पे जो इंडिया में लॉ लग रहा है वो कौन सा वाला है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब ये वाला जो लॉ है, क्या आज तक चेंज ही नहीं करा गया? 1961 में सोच के देखिए, सरकार ने जो भी बोला होगा कि ये वाली इनकम्स को हम टैक्स करना चाहते हैं, क्या आज के टाइम पे भी उनको ही टैक्स करा जा रहा होगा? कोई नई इनकम नहीं निकल के आ रही होगी? बिल्कुल निकल के आ रही है। क्यों? इंडियंस को छोड़िए, किसी भी इंसान की बात करेंगे, किसी भी कंट्री के, तो लोग तरीके ढूंढते रहते हैं टैक्सेस को बचाने के। क्यों? मैंडेटरी पेमेंट है, सरकार पे भरोसा नहीं है, पैसा देना नहीं चाहते, खुद नहीं देना चाहते, दुनिया देती रहे, रोड बनते रहे, हॉस्पिटल सब कुछ बनता रहे, बट खुद के पैसे से ना बने, ये कहीं ना कहीं इंटेंशन निकल के आती है। तो लोग जैसे जैसे सरकार लॉ बनाते रहती है इनकम को टैक्स करने के लिए, लोग काउंटर एक्टिव कुछ ना कुछ मेजर्स लेते रहते हैं वही टैक्सेस को बचाने के लिए, लूप होल्स को ढूंढते रहते हैं, एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। तो अगर 1961 के अंदर आपने जो भी लॉ बनाया था उसको चेंज ही नहीं करा, तो भाई साहब आप टैक्सेस कुछ भी नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे सरकार हर साल मिनिमम एक बार तो चेंज करती ही एक्ट को, और एक्ट में कुछ चीज़ें चेंज करके उस साल में लोगों ने जो भी टैक्स एविजन करने की कोशिश करी होगी उसको काउंटर करने की कोशिश करती है, ताकि वो जो लोग टैक्सेस बचाने की कोशिश कर रहे हैं नहीं बचा पाएँ, और जो टैक्सेस उनको पे करने चाहिए वो ड्यू टैक्सेस को पे करें। तो चेंजेस तो लाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 1961 में आपने जो भी एक्ट बनाया था उसको चेंज करा कैसे जाएगा, प्रोसेस क्या होगा, नोटिफिकेशन निकाल दें? नहीं, उसके लिए मैंने आपको क्या लिख के बता रखा है यहाँ पे, देखिए, एनीथिंग जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट को चेंज करना चाहते हैं, वो उसी तरीके से चेंज करा जा सकता है जैसे इस डॉक्यूमेंट को इंट्रोड्यूस करा गया था। यानी कि एक्ट आपने पास कर रखा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, करिए। कैसे करेंगे? पार्लियामेंट का एक्ट है तो पार्लियामेंट को ही कोई और एक्ट निकालना पड़ेगा, जहाँ पे नया एक्ट निकाल के बोलना पड़ेगा कि पुराने एक्ट के ये वाले सेक्शन में हम ये वाला चेंज लेके आना चाहते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, ज़्यादा आसान हो जाएगा। मान के चलिए इनकम टैक्स एक्ट में ये लिखा गया है
कि लॉटरी इनकम जो भी है वो टैक्स होने वाली है एंड ये वाले रेट पे होने वाली है, यहाँ तक आपको पे करना पड़ेगा टैक्सेस के नाम पे जो भी निकल के आता है अमाउंट। अब लोगों ने क्या करा, लोगों ने कहा कि केबीसी से अगर मैंने इनकम कमाई है, ये लॉटरी की इनकम तो नहीं है, यहाँ पे तो मैंने दिमाग लगाया है और ये इनकम तुमने कहीं पे भी कवर कर ही नहीं रखी, तो मैं इस पे कुछ भी नहीं पे करने वाला। सरकार कह रही है ये भी हमारे हिसाब से तुक्के वाली इनकम ही है, लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो नहीं लगी, हम इसको भी सेम रेट पर टैक्स करना चाहते हैं, बट बंदा पे ही नहीं कर रहा। क्यों? वो कह रहा तुमने एक्ट के अंदर नहीं लिखा। सरकार क्या करेगी? सरकार कोई भी किसी भी नाम से एक्ट निकाल सकती है, नया एक्ट पार्लियामेंट को ही निकालना होगा। क्यों? पार्लियामेंट का एक्ट है तो पार्लियामेंट को ही नया एक्ट निकालना पड़ेगा इसको चेंज करने के लिए। ये नहीं कि पार्लियामेंट के एक्ट को चेंज करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट कोई भी लॉ निकाल सकती है। तो पार्लियामेंट ये वाले एक्ट को चेंज करने के लिए नया एक्ट निकालेगी, किसी भी नाम से हो सकता है, और वहां पे क्या बोलेगी? वहां पे पार्लियामेंट ने नया एक्ट जो भी निकाला होगा उसके अंदर वो बोलेंगे दैट सेक्शन नंबर एक्स वाई जी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसके अंदर ये बोला गया है हम क्या करना चाहते हैं, हम लॉटरी इनकम के साथ साथ वहां पे आपने गेम से जो भी इनकम कमाई है वो भी वहां पे कवर करना चाहते हैं, चाहे वो गेम के अंदर आपका दिमाग लगा हो चाहे दिमाग नहीं लगा हो, ये इनकम भी हम वहां पे ऐड करना चाहते हैं। यानी कि पुराने सेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना चाहते हैं। अब क्या होगा? अब कोई भी इंसान जो भी पुराने एक्ट को पढ़ेगा उसको साथ में ये वाला नया एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा जो अमेंडमेंट के बारे में बता रहा है, एंड दोनों को साथ में पढ़ के पता चल जाएगा दैट ये जो केबीसी से इनकम आपने कमाई है ये भी टैक्स हो जाएगी। ऐसे करी जाती है अमेंडमेंट। तो पुराने एक्ट को चेंज करने के लिए नया एक्ट पास करना पड़ेगा। वॉट इफ रूल के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना है? पहले बोला गया था 2 महीने के विदिन पे करना पड़ेगा, लेकिन सरकार कह रही है बहुत वेट करना पड़ रहा है यार, 1 महीने के विदिन चाहिए हमें वाला टैक्स। तो 1 महीने के विदिन अगर आपको ये वाला टैक्स चाहिए तो लेने का कोई तरीका निकल के आता है क्या? बिल्कुल निकल के आता है। क्या तरीका निकल के आता है? रूल को चेंज करिए। चेंज कैसे करा जाएगा? एक्ट पास करवा दें? नहीं, जो चीज़ जैसे आई थी वैसे ही चेंज होने वाली है। तो रूल कैसे आया था? नोटिफिकेशन निकाल के आया था ना? बिल्कुल। नोटिफिकेशन किसने निकाली थी? सीबीडीटी ने निकाली थी। तो ये रूल को चेंज करने के लिए भी एक और नोटिफिकेशन निकालनी पड़ेगी, जो कि अगेन कौन निकालेगी? आंसर करके बताइए। नोटिफिकेशन कौन निकालेगी अगर ये वाले रूल को चेंज करना है तो? कौन सी वाली बॉडी निकालेगी? सीबीडीटी पार्लियामेंट। ओके, सीबीडीटी 99% मुझे यही आंसर दिख रहा है सीबीडीटी, जो कि करेक्ट आंसर है। अरे भाई, जब पहली नोटिफिकेशन जो निकाली गई थी रूल बनाने के लिए वो सीबीडीटी ने निकाली थी, तो इसको चेंज करने के लिए नोटिफिकेशन वो भी यही वाली ऑर्गेनाइजेशन निकालेगी, वो सीजी क्यों निकालेगी? पार्लियामेंट क्यों निकालेगा? समझिए ना, जो डॉक्यूमेंट चेंज करना है वही डॉक्यूमेंट आपको पास करना पड़ेगा चेंज करने के लिए भी, एंड पहला डॉक्यूमेंट अगर सीबीडीटी इशू कर रही है तो दूसरा भी वही इशू करेगी, सीजी नहीं इशू करने वाली। तो वही आंसर आपको यहां पे देखने को भी मिल जाएगा। देखिए, हेंस आपको क्या करना होगा, अगर कोई भी एक्ट को चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक्ट को ही पास करना पड़ेगा। कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपको चेंज करनी, अगर दोबारा रिपीट करता हूँ, कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपको चेंज करनी है या फिर कोई भी रूल के अंदर जो भी चीज़ बोली गई है वो आपको चेंज करनी है तो क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन पास करनी पड़ेगी। क्यों? रूल के लिए भी नोटिफिकेशन ही पास करनी पड़ती है। अब रूल में नोटिफिकेशन में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको कुछ ही देर में दिखाऊंगा, बट ये दोनों के लिए ही, क्योंकि नोटिफिकेशन पास करनी पड़ती है, चेंज करने के लिए भी नोटिफिकेशन ही पास करनी पड़ेगी। सर्कुलर में कोई भी चीज़ बोली गई है तो चेंज कैसे करी जाएगी? अगेन सर्कुलर को पास करिए, पुराने सर्कुलर में आपने जो भी बोला था इसको चेंज कर पाएंगे। अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो डाउट बताइए, नहीं तो लिख दीजिए यस, ये से मैं समझ जाऊंगा सब कुछ आपको क्लियर हो गया है। फिर हम कोर्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन कोर्ट्स के बारे में बात करने से पहले अब मैं आपको मेन मटेरियल की चीज़ें पढ़वा पाऊंगा, क्योंकि ये जो हमने डिस्कशन करी है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको नहीं करवाई होती तो सिलेबस का पार्ट जो निकल के आता है ये वाला पार्ट वो आपको समझ नहीं आता, बट अब क्योंकि ये सब हमने पढ़ लिया है सिलेबस की चीज़ें देखिएगा कितनी आसानी से आपको क्लियर होंगी, एंड उतनी ही एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। ये आपको आईसीए के स्टडी मैट में कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, एक भी जगह नहीं मिलेगा, बट आई थिंक दिस डिस्कशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको अभी आइडिया लगेगा, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। अच्छा, नोटिंग भी कर लीजिएगा प्लीज, ये वाले पार्ट की, या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा।
परफेक्ट, सबने यस लिख दिया है, किसी का कोई डाउट नहीं आया है मेरे पास, तो आई थिंक हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक की चीज़ें अगर आपने नोट कर ली हैं बहुत बढ़िया, नहीं करी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कि जो भी नोटिंग निकल के आती है मैं वैसे ही वाली PDF अपलोड करवा दूंगा तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। चलिए अब आते हैं मटेरियल पे, एंड मटेरियल की कुछ छोटी मोटी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, देन आई थिंक हम सेशन कंप्लीट कर पाएंगे आज का। 6:45 हो गए हैं, 7 बजे कंप्लीट करेंगे, वहाँ तक हमारी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बोला कि इनकम टैक्स लॉ के अंदर अगर आप बात करेंगे कि आपको किसी को भी बताना है लॉ में क्या बोला गया है, आपके टैक्सेस पेबल कितने के निकल के आते हैं, कंप्लायंसेस क्या क्या निकल के आती हैं वगैरह वगैरह, तो उस केस में आपको अकेले इनकम टैक्स एक्ट को नहीं पढ़ना, उसके साथ साथ आपको रूल्स को पढ़ना पड़ेगा, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, कोर्ट के डिसीजंस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। क्यों पढ़नी पड़ेंगी, इनमें डिफरेंसेस क्या क्या निकल के आते हैं, अब देखिएगा रीड करते हुए कितने अच्छे से आपको समझ आएगा। पढ़ना चालू करते हैं, देखिए। थैंक यू जी आशुतोष जी। इनकम टैक्स एक्ट 1961, पहली चीज़, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स लॉ का पार्ट है। अब लॉ के अंदर क्या क्या निकल के आता है पहले डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं। इनकम टैक्स एक्ट जो कि इशू करा गया था कब, 1961 के अंदर, इतना पहले इशू करा गया था, लेकिन हर साल क्योंकि चेंज करा जाता है तो आज के टाइम पे भी अपडेटेड है, बट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो एक नया इनकम टैक्स एक्ट ड्यू हो रखा है, कभी भी आ सकता है, लेकिन अपनी अटेम्प्ट के लिए टेंशन मत लीजिएगा, उससे पहले नहीं आने वाला, तो आपको तो यही पढ़ना होगा। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, ये कौन से वाले एरिया पे अप्लाई होता है, दिल्ली पे लगता है, MP पे लगता है, UP पे लगता है, कहाँ लगता है, पूरे के पूरे इंडिया पे लगता है। क्यों, पार्लियामेंट ने बनाया है, और पार्लियामेंट की ज्यूरिसडिक्शन की बात करेंगे तो पूरे इंडिया पे आती है, कोई एक स्पेसिफिक स्टेट पे नहीं आती, तो पूरे इंडिया पे लगता है। एंड इट केम इनटू फोर्स कब, ऑन 1 अप्रैल 1962, पहली बार यहाँ से अप्लाई होना चालू हुआ था। एंड इसके अंदर जो सेक्शंस आते हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन नंबर 1 से ये चालू होता है, सेक्शन नंबर 298 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब कोई मुझे ये बताए इनकम टैक्स एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस हुए, नंबर बताइएगा। बोला कुछ, यशश कॉल मत करिए, टीम को मैसेज करिए, कॉल पे अवेलेबल नहीं होंगे वो, व्हाट्सएप वेब पे बैठे होते हैं, मैसेज कर दीजिएगा, विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। 298, ओके, 241, ठीक है जी, 298, 298, 192, 299, 298, 298, 298, इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल आंसर इज करेक्ट, एंड देयर इज अ वेरी बिग रीजन बिहाइंड इट, बताता हूँ मैं आपको। देखिए इनकम टैक्स एक्ट में अगर आप सेक्शंस देखेंगे ना, तो नॉर्मली इंसान नंबरिंग कैसे करता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सरकार नंबरिंग कैसे करती है, 1, 2, 2A, 2AA, 3, 3AC, 4, 4A, 4AB, ये सारे के सारे अलग अलग सेक्शंस हैं, जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, ये तीन अलग सेक्शन माने जाते हैं, सिंगल सेक्शन नहीं माना जाता। तो आपको ये तो बता दिया गया है कि शुरुआत होती है सेक्शन नंबर 1 से, खत्म होता है 298 पे, लेकिन ये नहीं बताया गया बीच में कितना और इन्होंने पछड़ा फैला रखा है, कितना ज़्यादा इन्होंने मल्टीपल सेक्शंस बीच में डाल डाल के टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने निकाल रखे हैं, वो जानने की आपको जरूरत भी नहीं, आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, और मैं कहता हूँ वैसे भी मत जानिएगा। क्यों, डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है, जैसे कोई भी नया सेक्शन आ जाता है, कोई पुराना हट जाता है, तो ये चीज़ अगर ICAI नहीं बोल रखी लर्न करने की तो फालतू में लर्न करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जस्ट बिकॉज 1 to 298 दिख रहा है, ये मत सोचिएगा 298 सेक्शन यहाँ पे निकल के आते हैं, नहीं, उसे बहुत ज़्यादा निकल के आते हैं। करेक्ट, एंड जैसे मैंने आपको बताया था एक्ट के मल्टीपल पार्ट्स निकल के आते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, सेक्शंस बोला जाता है, सेक्शन नंबर 1, 2 वगैरह वगैरह, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। वैसे ही सारे सेक्शंस खत्म होने के बाद ना एंड में कुछ स्केड्यूल्स निकल के आते हैं, स्केड्यूल नंबर 1, स्केड्यूल नंबर 2, 3, 4, 5 वगैरह वगैरह। इनमें होता क्या है, आपको सेक्शन के अंदर ही कुछ चीज़ें बता दी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे सेक्शन 3 में बोल दिया जाएगा कि अगर आपने इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ें बेची हैं जो खतरनाक चीज़ें हैं, सिगरेट, अल्कोहल वगैरह वगैरह, तो भाई साहब हम तुम पे ज़्यादा रेट लगाएंगे, हम तुम पे 30% की जगह 70% रेट लगाएंगे, ऐसा बोला जा सकता है। अभी चीज़ें कौन सी निकल के आती हैं, आइटम्स कौन से हैं जिन पे ऐसा करा जाएगा, सरकार कहती है स्केड्यूल में डाल देंगे, स्केड्यूल नंबर 1 को जाके देखो, स्केड्यूल नंबर 2 को जाके देखो, ऐसा क्यों करा जा रहा है। सेक्शन नंबर 3 के अंदर भी तो डाली जा सकती थी ये वाली चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ों पे आपको 30 की जगह 70% का रेट लगाना है, ये आप स्केड्यूल 2 के अंदर क्यों डाल रहे हो, सेक्शन नंबर 3 में डाल देते, क्या ये वैलिड डाउट है, मतलब आपके दिमाग में आ रहा है, यस और नो, अगर आ रहा है तो बताता हूँ, नहीं आ रहा तो आगे बढ़ते हैं।
मतलब मुझे चाहिए कि आपके अंदर, आपके दिमाग में ये वाली चीज़ें आएं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्यों भाई स्केड्यूल क्यों बनाया? एक्ट के अंदर ही बोल देते ना ये सारी चीज़ें, सेक्शन नंबर 3 में बता देते, या जो भी सेक्शन है वहाँ पे बता देते। अलग से सेक्शन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, मतलब अलग से स्केड्यूल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ओके, आई सी क्वाइट अ फ्यू येसेस एंड दैट मेक्स मी बिलीव, क्योंकि स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं तो हम वो डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी चीज़ है, आपके अंदर ये वाली फायर होनी चाहिए कहीं ना कहीं। देखिए स्केड्यूल्स का रेफरेंस काफ़ी बार ऐसे इसलिए दिया जाता है चीज़ों को आसान बनाने के लिए। क्यों? एक स्टूडेंट कह रहा था क्योंकि ये चेंज बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है ताकि हम इसको चेंज कर सकें। देखिए स्केड्यूल नंबर 1 को भी चेंज अगर आपको करना है, ये भी एक्ट का ही पार्ट है, तो आपको वो पूरा लंबा वाला जो प्रोसेस निकल के आता है ना वही करना पड़ेगा। ये नहीं है नोटिफिकेशन निकाल के आप स्केड्यूल को चेंज कर पाएंगे, ये भी एक्ट का ही पार्ट है, तो एक्ट चेंज करने के लिए वो पूरा लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट है कि जल्दी चेंज करना था तो यार ऐसी वाली चीज़ें नोटिफिकेशन में बोल देते कि जो चीज़ें हमने नोटिफाई कर रखी हैं उन पर 70% का रेट आएगा, तब मैं आपका पॉइंट मान लेता कि वाली चीज़ जो करी गई है क्यों करी गई है, इसलिए करी गई है ताकि इस चीज़ को जल्दी चेंज करा जा सके। तो जल्दी वाला पॉइंट तो नहीं है यहाँ पे, कौन सा वाला पॉइंट है? स्केड्यूल में देखिए मोस्टली वो चीज़ें डाली जाती हैं जो या तो पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट नहीं करती, जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम कैसे कंप्यूट करनी है, पार्शल इंटीग्रेशन कैसे करनी है वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ चीज़ें आएंगी आगे जाके हम पढ़ेंगे, वो बहुत सारे लोगों को नहीं करनी होती है, बिकॉज मोस्टली एग्रीकल्चरल इनकम जो भी लोग कमा रहे होते हैं वही इनकम कमा रहे होते हैं एंड पूरी एग्जेम्प्ट होती है। कुछ लोगों के केस में लगती है, उनका प्रोसेस क्या होने वाला है अलग से स्केड्यूल में बता दिया जाता है। एंड मोस्ट केसेस में आपको स्केड्यूल्स का यूज़ कहाँ पे देखने को मिलेगा? अब मुझे पता है ये जो आइटम्स है ना, टोबैको, अल्कोहल, ये वो वगैरह वगैरह, इनको मैं हर दूसरे सेक्शन में पीसूंगा। जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं ना, हर दूसरे सेक्शन में उसकी बैंड बजाऊंगा मैं, तो बार बार हर सेक्शन में पूरी की पूरी मैं लिस्ट डालूँ, अल्कोहल, सिगरेट्स, ओपीएम, ये वो वगैरह वगैरह, उस पर ये होगा वो होगा वगैरह वगैरह। उससे अच्छा एक स्केड्यूल बना देता हूँ इन सारे आइटम्स का एंड हर सेक्शन में बोल दूंगा कि तुमने अगर स्केड्यूल 3 वाली चीज़ कर दी ना तो तुम पे ये करेंगे। हर दूसरे सेक्शन में जाके जहाँ पे भी पनिश करना चाहूँगा उसका रेफरेंस दे दूंगा, जिससे होगा क्या, किताब थोड़ी छोटी हो जाएगी, इतनी मोटी नहीं होने वाली, हर जगह पर मुझे मैंशन नहीं करना पड़ेगा। ये भी एक यूज़ निकल के आता है स्केड्यूल्स का। समझ आया? यस और नो? ओके, सेशन हमारा बस खत्म होने वाला है 5 मिनट के अंदर, कर दूंगा छुट्टी कर दूंगा, चले जाना फिर। यस 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 सर, आपके नोट्स चाहिए अपलोड कर दिए जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा। यस यस सर, नाउ क्लियर एंड परफेक्ट, सबको समझ आ गया। तो एक्ट के बारे में आपको बताया जा रहा है, इंडिया पे अप्लाई करा जाता है, कब से अप्लाई करा जा रहा है, 1 अप्रैल 1962 यहाँ से अप्लाई हो रहा है। ऐसा नहीं है टैक्सेस यहीं से लगाए जा रहे हैं, पहले भी लगाए जाते थे लेकिन किसी और एक्ट से लगाए जाते थे। कौन सा एक्ट था, क्यों डिफरेंट एक्ट निकाला गया वगैरह वगैरह जानने की जरूरत नहीं है आपको। 1 अप्रैल 1962 यहाँ से ये वाला एक्ट लग रहा है। कितने सेक्शंस निकल के आते हैं? 1 से 98 ये रेंज निकल के आती है। इसके बीच में कितने हैं जानने की जरूरत नहीं है, जितना जानने की जरूरत है और जितना आपके सिलेबस का पार्ट है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। अच्छा एक चीज़ जान के रखिएगा, मैंने बुक में ना एक ऐसी चीज़ कर रखी है जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होने वाली। मैं आपको जहाँ पे भी ओवरबोर्ड आगे जाके आईसीएस आगे जाके कुछ भी नॉलेज देना चाहता हूँ, मान के चलिए कोई चीज़ सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो जान के सिलेबस अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो ऐसी चीज़ आपको बुक में प्रिंटेड नहीं मिलेंगी, और प्रिंटेड अगर मिल गई तो वहाँ पर स्पेसिफिकली आपको लिखा मिलेगा जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, ताकि आपको पता रहे ये चीज़ें सिलेबस का पार्ट नहीं है, उनको रटने पे आप मेहनत नहीं करने लग जाएं। मुझे ये नहीं चाहिए कि कोई भी चीज़ आपको मिले और उसको देख के आपको डाउट हो कि सिलेबस में है या बस नॉलेज के लिए हमें दे रखी है, क्योंकि नॉलेज वाली चीज़ें जानने के लिए अच्छी होती हैं, लर्न नहीं करनी है पेपर से पहले। लर्न करने पे टाइम नहीं चाहता मैं आपका, उसका वेस्ट हो। तो मैंने स्पेसिफिकली डीमार्केट कर रखा है जो भी चीज़ों पर आपको सेक्शन या फिर कोई भी प्रोविजन देखने को मिलता है, मान के चलिए सिलेबस का पार्ट है एंड एज इट इज़ आईसीए ने ही सिलेबस में डाल रखा है, कहीं पर भी कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा बताया होगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, दिखा दूंगा मैं आपको कहाँ पे है, ये वाले चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो आपको यहाँ पे बताया गया इसके सेक्शंस जो है वो 1 से 98 निकल के आते हैं एंड 14 स्केड्यूल्स निकल के आते हैं। अब किस स्केड्यूल के अंदर क्या बोला गया है, सेक्शंस में क्या बोला गया है, वो तो हमें पढ़ना ही है। पहले वाले चैप्टर के अंदर आपको बस ओवरव्यू दिया जा रहा है पूरे के पूरे इनकम टैक्स लॉ का, ठीक है जी। अब ये जो लॉ है आपका, ये अमेंड करा जाता है एनुअली, यानी कि हर साल इसको चेंज करा जाता है। आपको फेब के आसपास पता होगा फाइनेंस बिल की डिस्कशन होने लग जाती है, और वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं कि स्लैब रेट को चेंज करा गया नहीं करा गया। आप में से जो भी लोग टैक्सेशन को थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं उनका आइडिया होगा कि ऐसा कुछ करा जाता है।
और ये चेक करा जाता है कि रेट को चेंज करा गया है इस साल या नहीं करा गया। मेजर पब्लिक की बात करेंगे तो वो ये देख रही होती है, एंड टैक्सेशन में जो भी लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, कंसल्टेंट्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, लिटिगेटर्स हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं टैक्सेशन के फील्ड में, उनको बाकी चीज़ें भी जाननी होती हैं कि क्या क्या चेंज करा गया है। मैंने आपको बताया था ना, किसी भी एक्ट में चेंज करना है तो नया एक्ट पास करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इतने सालों से जो भी चेंजेस निकल के आ रहे हैं, कैसे निकल के आ रहे हैं, हर साल एक प्रैक्टिस तो है ही कि फेब मंथ के अंदर फाइनेंस बिल प्रेजेंट करा जाता है, वो लोकसभा राज्यसभा प्रेजिडेंट 300 होके निकलता है, एंड फाइनली जो भी डॉक्यूमेंट 300 होके निकल जाता है उसको बोला जाता है एक्ट। तो ये फाइनेंस एक्ट हर साल जो भी पास करा जाता है उससे तो मल्टीपल एक्ट्स को चेंज करा ही जाता है। उसके साथ साथ एक और चीज़ निकल के आती है, कभी कभी सरकार को जब लगता है ना बीच में हमें चेंज करने की ज़रूरत है, तो बीच में भी वो साल के ऐसा फेब की वेट नहीं करेंगे कि फेब आएगा तभी जाके हम चेंज करेंगे। बीच में अगर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो बीच में भी कभी कभी एक्ट पास कर दिए जाते हैं जिनके थ्रू चेंजेस लाए जाते हैं। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन जब हुई थी तो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे ये नहीं वेट करा जा सकता था कि अगले साल में फेब्रवरी आएगा तब जाके हम लॉ लेके आएंगे और लोगों को बताएंगे कि डीमोनेटाइज जो भी पैसा आपसे मिलता है उस पर टैक्सेस क्या लगने वाले हैं। सरकार को उसी टाइम पर लॉ निकालना ही पड़ता ताकि लोगों को डराया जा सके और ये बोला जा सके जल्दी से पैसा जो भी निकल के आता है वो हमें दो, तो उस पर हम इतने टैक्सेस लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वगैरह वगैरह। तो साल के बीच में भी कभी कभी चेंजेस करे जाते हैं। लेकिन पॉइंट जो ये निकल के आता है वो आपको ये समझना है कि कोई भी एक्ट अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए आपको एक्ट ही पास करना पड़ेगा, चाहे साल के स्टार्टिंग में करिए, साल के बीच में करिए, कभी भी करिए। तो प्रैक्टिस की तरह हर साल फाइनेंस एक्ट तो पास करा ही जाता है जिसमें मल्टीपल एक्ट्स को चेंज करा जाता है। अच्छा, एक और लॉजिक को समझिए, ये जो एक्ट है इसका नाम टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट क्यों नहीं है, फाइनेंस एक्ट क्यों है? इसका नाम फाइनेंस एक्ट इसलिए है क्योंकि अकेले टैक्सेशन वाले एक्ट को चेंज नहीं करता। बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास करे होते हैं जिन सब में ही कुछ ना कुछ चेंजेस जो भी इनको लाने होते हैं ये वाले एक्ट के थ्रू ले आते हैं। ये बोलते हैं ये वाले एक्ट के अंदर कि इनकम टैक्स एक्ट के ये सेक्शन में ये चेंज करना है, कस्टम्स एक्ट के ये वाले सेक्शन में ये चेंज करना है, जीएसटी एक्ट के ये सेक्शन में ये चेंज करना है। पार्लियामेंट के जितने भी लॉज होते हैं उनमें जो जो चेंजेस करने हैं एक ही डॉक्यूमेंट के थ्रू कर दिए जाते हैं। इन साल के बीच में अगर कोई भी चेंज लाना होता है, मान के चलिए डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे अकेले टैक्सेशन वाले लॉज में ही चेंज लेके आना है, तो जो एक्ट पास करा जाता है उसका नाम क्या रख दिया जाता है, देखिए टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट। क्यों? इससे सब कुछ नहीं चेंज करना हमें, एक ही लॉ को चेंज करना है, तो नाम कुछ ऐसा ही रख लो कि लोगों को देख के पता चल जाए टैक्सेशन के बारे में बात करने वाला है। क्या अभी तक की जो भी डिस्कशन है किसी को सबको समझ आ गई है या फिर कोई भी डाउट है? अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए, नहीं तो सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो भी चीज़ें निकल के आती है, ये वाली डिस्कशन वो सारी डिस्कशन हम करेंगे लेकिन कल करेंगे, कल वाले सेशन के अंदर, नहीं तो पहला सेशन आपके लिए ज़्यादा ही ओवर पारिंग हो जाएगा और आपको लगेगा बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिया, रिवाइज करना मुश्किल हो रहा है। अब आपको करना क्या है पहले समझ लीजिए, कोई डाउट है तो बता दीजिएगा, समझ आ गया है तो येस लिख दीजिएगा। नोट्स कहाँ मिलेंगे, रिवाइज क्या क्या करके आना है, एमसीक्यू टेस्ट आपका कैसे होने वाला है, तीनों ही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए, नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, नोट्स आपके पास आज रात तक एक्टिवेशन मेल आ जाएगी हमारी टीम से, एंड वो जो एक्टिवेशन मेल होने वाली है उसमें सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कैसे करना है, एक्टिवेशन की आपकी की क्या है, नोट्स आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं, वो लिंक सारी चीज़ें दे दी जाएंगी, वहाँ से ले लीजिएगा। दूसरा डाउट, आपको कल रिवाइज क्या क्या करके आना है, यहाँ तक जो भी पढ़ा दिया गया है सब कुछ रिवाइज करके आइएगा, नोटिंग्स जो आपको बताई गई हैं वो सारी कर लीजिएगा रजिस्टर के अंदर, एंड अच्छे से लर्न करके आइएगा, क्योंकि कल सेशन के स्टार्टिंग में मैं क्या करने वाला हूँ, एमसीक्यूज पूछूंगा ये वाले सेशन के, एंड गलती करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बुरा लगेगा कि प्रिपरेशन आपकी अच्छी नहीं हो रही, एंड असेसमेंट आपकी साथ साथ होते जाएगी, तो एमसीक्यू उसके लिए प्रिपरेशन करके आइएगा। एंड इसके साथ साथ आई डोंट थिंक कोई और हमारी डाउट की चीज़ रह गई है, कल वाला सेशन भी आपका यूट्यूब पे ही होने वाला है, शाम के 4 बजे होने वाला है। परसों से हम एप्लीकेशन पे स्विच करेंगे लेकिन कल वाला जो सेशन होगा वो 4 बजे ही रखेंगे, 4 to 7। एंड कल वाले सेशन का जो लिंक है वो ये वाला सेशन खत्म होते ही विद इन 15 to 20 minutes हम लाइव कर देंगे, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा सेशन। ठीक है जी, आज वाले सेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, आई होप आपका कोई भी डाउट नहीं रहा हो, अगर रह गया है तो आपको जो मेरा नंबर बताया गया है वहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको सारे रिप्लाइज मिल जाएंगे। एंड ऐसे ही डेली करके धीरे धीरे जो भी सिलेबस की चीज़ें निकल के आती हैं उनको इंटरप्रेट करेंगे, उनके पीछे लॉजिक को समझेंगे, एंड पूरा सिलेबस आपका चुटकियों में कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी निकल के आता है पूरा, कुछ भी करने में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली। एंड ऐसे ही लॉजिक के साथ चलते रहेंगे ना, लर्न करने में भी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। लॉजिक नहीं समझेंगे तो रटने के लिए बहुत कुछ निकल के आ जाएगा पूरे सेशन में, एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज टैक्सेशन बहुत वाइड है। थैंक यू जी। थैंक यू जी सत्यजीत। क्षितिज, आप हमारे जो टीम का नंबर है ना उस पर मैसेज करिए।
दमक, ये वाली जो वीडियो है ये YouTube पे रहने वाली है रिकॉर्डिंग की तरह, आप बाद में देखना चाहते हैं तो आप बाद में भी देख सकते हैं। हिमांशु, वो जो सर्टिफिकेट कोर्स है ना, दैट इज़ फॉर द प्रोफेशनल्स, जो भी लोग लिटिगेटर्स हैं या फिर कंसल्टेंसी दे रहे हैं, और उनको जितना भी CA कोर्स के अंदर समझाया जाता है उसके आगे की चीज़ें जाननी है कि प्रैक्टिकली कंसल्टेंसी कैसे दी जाती है, एक्ट्स को इंटरप्रेट कैसे करा जाता है, वो सारी चीज़ों के लिए वो वाला कोर्स आपका निकल के आता है। फाइनेंस एक्ट में सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड ही एक्ट्स रहते हैं या फिर क्रिमिनल एक्ट के बारे में भी बात करी जाती है? फाइनेंस से रिलेटेड एक्ट्स होते हैं, तभी उसका नाम ही ऐसा रखा गया है ना। विल बी गेट एनी रिवीजन ऑन योर रूल? हाँ सिमरन, ये चैप्टर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना, चैप्टर कंप्लीट होते ही आपकी जो रिविजनरी वीडियो निकल के आती है एंड ऑडियो निकल के आती है वो अपलोड कर दी जाएगी। मैं रिकॉर्ड करूंगा एंड अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सिद्धार्थ। चलिए, आई गेस मुझे कोई डाउट दिख नहीं रहा है, सब्जेक्ट से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। कल वाले सेशन में मिलेंगे, किसी का कोई भी डाउट रह गया होगा तो टीम को मैसेज कर दीजिएगा, नंबर मैंने आपको बता रखा था 8929737672। सी यू इन टुमारो सेशन एट 4 PM। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट।